strength on your wedding. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت عبدا إذا صلى. أرأيت من كان على الهدى. أو أمر بالتقوى. أرأيت من تزكى وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لينبذ من نسل الناسية. كلا لينبذ نسل الناسية. ناسية خاطبة خاطئة. فليدع نادية. صندع الزبانية. قل لا نطفع واسد واقترف. صدق الله العلي العظيم. انجینئر عبد الرحمن آپ کے سامنے تلاوت قرآن مجید پیش کر رہے تھے. خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے. ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. تلاوت قرآن مجید کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں بلانا چاہوں گا انجینئر ندیم کو. جمال
सर को तेरे अधूने भी देखा तो हो गया तेरा ऐ मेरे शाह की उम्र और उसके बाद आपकी रिटायरमेंट तक जो काम आपने करना है, जिस प्रोफेशन में आपने जाना है, जिस चीज को अपना मकसद बनाना है या जिस चीज में अपना जज्बा जुनून तलाश करना है, वो आपका करियर है। तो अगर जिंदगी की एक एवरेज, एक इंसान की एवरेज लाइफ देखी जाए
तो उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का कोई 60-70% हिस्सा हम उस काम में लगाते हैं जिसको हमने अपने लिए पसंद किया होता है। अब या तो ये काम किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, किसी ने कहा था ये कर लो, कर लिया, किसी ने कहा था ये फील्ड ले लो, बड़ा स्कोप है, ले ली, और हमने इस काम के लिए मेहनत ही नहीं की थी, इस काम के लिए सोचा ही नहीं था, इस काम में अपना वक्त ही सर्फ नहीं किया था, तो वो फिर हमारे आगे तक के लिए बड़ा पछतावा बन जाता है। और फिर कई कई लोग ऐसे होते हैं जो अपने कई साल जाया करने के बाद सोचते हैं कि काश कैरियर के हवाले से कोई सेमिनार अटेंड कर लिया होता, काश कैरियर पे कभी बातचीत कर ली होती। तो आज की इस सेशन के बाद हमें उम्मीद है कि हमारे जितने ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस सेशन के लिए हमें अपना वक्त दे रहे हैं, वो जरूर कैरियर्स के हवाले से अपनी परेशानियों को और अपने मसाइल को हल करने में किसी हद तक कामयाब जरूर हो जाएंगे। और यहां एक बहुत अहम बात भी आपको बता दूं, पीईएफ के सेमिनार का मकसद ये नहीं है कि हम आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक पहुंचा दें, लेकिन हम आपको एक हल्की सी रोशनी, एक छोटा सा स्पार्क जरूर दे सकते हैं जिसके बाद आप अपना रास्ता खुद तलाश करने के काबिल बन जाएं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि इस सेमिनार के बाद आपको अपने लिए नए रास्ते और नए मैदान देखने का मौका मिले। अपने इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं और अपने एक बहुत एनर्जेटिक स्पीकर को मैं दावत देना चाहूंगा स्टेज पर। आर्ट और साइंस उनका सब्जेक्ट रहा है, अपनी एक मशहूर खासियत उन्होंने वाइल्डनेस बेस्ड ट्रेनिंग्स में लगाई है, और जब आते हैं तो अपना एक मुनफरिद अंदाज स्टेज पर लेकर आते हैं। हमारे तमाम ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, मैं दावत देना चाहता हूं स्टेज पर सर इंजीनियर हारिस महमूद साहब को। कुछ लोग जूम पर मौजूद है, कुछ लोग यहां पर मौजूद है, तो आई हैव चेंज्ड इट अपडेट ताकि वो आ जाए जूम वालों के लिए भी, और फिर हम इसको शुरू करते हैं। ये हाँ जी, और आ रहे हैं जब स्क्रीन को जरा सवाल शेयर करें। कौन सा सवाल चाहिए? सोर्स का हिस्सा है, एक बड़ा रिसोर्स है जिसका आईज, बिल्कुल आईज उस रिसोर्स का हिस्सा है। आप क्लोज हो रहे हैं उसके, और क्या है? सोल एक चौथी चीज है। वन मोर आंसर इज फिजिकल रिसोर्स। फिजिकल रिसोर्स, फिजिकल, यू आर वेरी क्लोज। जिसने फिजिकल रिसोर्स का है वो बहुत बहुत क्लोज है। कैन यू बी मोर स्पेसिफिक प्लीज? हाथ पांव, जिस्म, योर हार्डवेयर, योर बॉडी। अल्लाह ताला ने वेरी डिग्री सब इंसानों को दी है, योर सॉफ्टवेयर, योर हार्डवेयर, आपका दिमाग, आपकी बॉडी। तीसरे रिसोर्सेज क्या है जो अल्लाह ताला ने, तीसरा रिसोर्स जो अल्लाह ताला ने सब इंसानों को दिया? दिल। दिल अगर आप पंपिंग स्टेशन की बात करते हैं तो जिस्म का हिस्सा है। अगर आप उसको फिलोसॉफिकल सेंस में कहते हैं तो वो एक चौथी चीज है, जो स्पिरिट अभी आई थी या सोल आई थी वो एक चौथी चीज है। तीसरा रिसोर्स कौन सा है? आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप सबसे पहले क्या चीज मांगते हैं अपने बॉस से, अपने अब्बा से? आपके अब्बा कहते हैं बेटा तुम्हें ये काम करना है, तो आप क्या क्या मांगते हैं? नहीं, टाइम आपका रिसोर्स नहीं है, टाइम चल रहा है, टाइम इज नॉट लिमिटिंग योर कंट्रोल। मनी, 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 नहीं, टॉलरेंस नहीं, मनी, वेल्थ, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्यों? क्योंकि मटेरियल रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं,
and material resources are interchangeable with financial resources. वो मशहूर हदीस है ना कि एक साहब आए उन्होंने कहा कि मेरे मुझे मेरी मदद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे पास क्या है, मतलब तुम्हारे पास बर्तन है, वो बर्तन आए दो दिन में बिके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुल्हाड़ा खरीदने का हुक्म दिया, उसके अंदर दस्ता लगाया और कहा कि लकड़ियाँ काटो, पैसे कमाओ और बच्चों को खिलाओ. तो मटीरियल रिसोर्सेज मौजूद हैं, इंटरचेंजेबल हैं विद फाइनेंशियल रिसोर्सेज. ये तीन रिसोर्सेज हैं. चौथी चीज स्पिरिट है. अगर आपकी स्पिरिट इन चीजों को कंट्रोल करती है, आपकी चीजों को, तो आपके रिजल्ट अच्छे होंगे. अगर आपकी स्पिरिट इनको इस्तेमाल नहीं करती, तो आपके इन रिसोर्सेज को कोई और इस्तेमाल करेगा फॉर देयर ओन बेनिफिट्स. ठीक है, तो ये आपके हाथ में. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं और आखिर में गरीब मरते हैं. और बहुत सारे लोग होते हैं जो बिल्कुल, वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी में बहुत सुनी है कि बिल्कुल गरीब था, उसके बाद उसने मेहनत की, दिमाग इस्तेमाल किया, जिस्म इस्तेमाल किया, रिसोर्सेज इस्तेमाल किया और वो अमीर हो गया. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन स्टोरीज हैं. तो ये सिर्फ पहला हिस्सा है इस दुआ का, रब्बी शादी सदरी. दूसरा हिस्सा है वो ये सिर्फ अमरी, मेरे काम को आसान कर दें और मेरे काम को आसान करते हैं, मेक माई टास्क ईजी. जब भी आप किसी भी हस्ती को अपना खुदा मानते हैं ऑन अ कॉन्शियस लेवल, तो आपके और उसके दरमियान एक अग्रीमेंट होता है, और उस अग्रीमेंट के अंदर कुछ आपके करने के काम होते हैं, कुछ उसके करने के काम होते हैं. तो इस दुआ के अंदर पहले करने का काम आपका है, और जिंदगी के अंदर भी पहले करने का काम आपका है. उसके बाद आप अल्लाह ताला के पास जाते हैं और कहते हैं मेरे काम को आसान करते हैं. मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आप काम करने से पहले दुआ नहीं करते, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि अगर कोई फेलियर होता है तो लोग सबसे पहले क्या कहते हैं, कोई नुकसान हो जाए, कोई फेलियर हो जाए, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, अल्लाह की मर्जी थी. यानी हम अपनी पूरी नालायकी का जिम्मेदार अल्लाह को ठहराते हैं. और अगर कोई कामयाबी मिल जाए तो हम क्या कहते हैं, तेरा भाई मेहनत कर रहा था यार, देखा नहीं रहा आप तो दो दो बजे तक जागता था. उल्टा होता है. ठीक है, अल्लाह ताला कहता है अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो अपनी खराबियों की तरफ नजर करो, और अगर कोई फायदा पहुंचता है तो मेरा शुक्र अदा करो. हम उल्टा करते हैं. कोई नुकसान पहुंचता है तो हम कहते हैं अल्लाह की मर्जी थी, अल्लाह का किया जा रहा है ये सारा. और इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल जो है वो एक लफ्ज है जो हमारे यहाँ बोलते हैं इंशाल्लाह. इंशाल्लाह क्यों बोलते हैं, अगर अल्लाह ही करेगा तो करेगा, मैंने नहीं करना. यही होता है ना कि कोई दोस्त कहता है, हम कहते हैं यार इंशाल्लाह, इसका मतलब अल्लाह ही करेगा, मैं मेरा तो इरादा नहीं है. तो बेसिकली हम इसका उल्टा करते हैं. एक बहुत मशहूर कहानी है कि एक साहब थे, उन्होंने दुआ करनी शुरू की, अल्लाह मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है. जंगल में चले गए, चिल्ला काटना शुरू हो गए, गुफा के अंदर बैठ गए, कुछ चार महीने गुजर गए उनको चिल्ला काटते हुए. इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि आसमान से हवा गए. अब वो दुआ करें, अल्लाह मेरा प्राइस बॉन्ड निकला है, आसमान से हवा गई. भाई प्राइस बॉन्ड खरीद तो ले, निकल आएगा. हम अपना काम नहीं करते, हम सारी चीजें कहते हैं जी किस्मत के ऊपर हैं, अल्लाह के ऊपर हैं, हो जाएंगी इंशाल्लाह, जो नसीब में होगा. हर चीज से जिम्मेदार अल्लाह ताला है ना, हम नहीं है. ठीक है, और फिर तीसरी चीज है वैसे बाहर सामी, और मेरी जुबान की गिरा को खोलते, और जुबान की गिरा का ताल्लुक भी दिमाग की गिरा के साथ है. गिव मी क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स सो दैट अदर्स मे अंडरस्टैंड मी, सो दैट पीपल मे अंडरस्टैंड मी. ठीक है, तो इस दुआ का बहुत गहरा ताल्लुक है हमारी जिंदगियों के साथ, हमारे प्रोफेशन के साथ. आपके करने के काम पहले, किस्मत, अल्लाह ताला, रिजल्ट्स, ये सारी चीजें बाद में. ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दुआ नहीं करते, आप करें, बिल्कुल करें, लेकिन इससे आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है. ओके, इसको हटा दें वो जो ये आप लोगों के पास टाइम है, जो सबसे पहले कर लेगा वो विनर होगा. जूम वालों के लिए भी है, यहाँ पे दो चीजें हैं, जैसे 3A और B, B जूम के लिए, 5A और B, B जूम के लिए, बाकी सब जूम और यहाँ पे मौजूद सब लोगों के लिए यही है. ठीक है, आप में से पेन और पेपर्स हैं सबके पास, नोटबुक्स हैं, नोट्स कर लें इन सवालों के जवाब. जो सबसे पहले सारे सही जवाब दे देगा वो विनर. Your time starts now. Uh,
अगर किसी के पास पेन और पेपर नहीं है तो वो बता दें। अगर आप लोग यहां तक पहुंच गए हैं और एक पेन पैदा नहीं कर सकते अगर आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी। जो लोग सुन रहे हैं वो आपस में चैट्स कर सकते हैं, जूम वाले चैट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और यहां पे जूम पे अब्दुल रहमान है, अब्दुल रहमान को आप अपने आंसर सबमिट कर सकते हैं अगर आप पूरा कर लेंगे। जी थ्री का ए आपके लिए प्रेजेंट, यहाँ पे जो लोग प्रेजेंट है फिजिकल, और जो बी है वो जूम के लिए। तुम वेट कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे पेन प्रेजेंट है। क्या नाम है आपका? डावर। डावर नाम इतना तुम्हारा, दबंगे और बैठ के वेट कर रहे हो तुम पेपर पेन में। उठ के उस सिक्के के दूसरी तरफ क्या लिखा होगा? आगे चले MYA आगे नहीं, हाँ उस सिक्के के दूसरी तरफ लिखा हुआ था MYA। तो उसने कहा उसका जवाब जो है ये पीछे पीछे लिखा हुआ है MYA। एक तरफ क्या लिखा हुआ है? STB स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर बुलशिट। दूसरी तरफ लिखा हुआ है MYA। MYA के ए का मतलब है नहीं, वो कहते ना क्या बोलते हैं वो नकले कुफर कुफर नबाशत, तो भाई मैं नकल कर रहा हूँ सॉरी, तो पार्टन माय फ्रेंड्स। उसने कहा MYA का मतलब है मूव योर एस, काम करो काम, मूव योर एस, बैठे रहने से जवाब नहीं मिलेंगे, पेन नहीं आने वाला तुम्हारे पास, ठीक है वापस चले गए सवाल हो गया। ये भी है
दोबारा ध्यान दे रहा हूँ। सर वह सर तलाल भी मंसूर ने इन सबके आंसर दिए हैं सर, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मेरे साथ शेयर कर सकते हैं तलाल बिन मंसूर, तलाल वेरी गुड, मैं शेयर करता हूँ, तलाल वेरी गुड। यस नो नहीं है, यस यस नो नहीं है तलाल, तलाल मुझे एक नाम चाहिए, हु इज वेयरिंग व्हाइट सॉक्स, वापस आ जाए तलाल, जवाब ठीक नहीं है आपके, आई नीड आंसर्स, आई नीड नेम्स जी, सॉक्स नाउ पैर व्हाइट चलेंगे। ये कौन है, बड़ी खुशफहमी है नहीं, सॉक्स व्हाइट चलेंगे सर, आपने भी तो व्हाइट पहनना चाहिए, मैं डंप करूंगा सर। जी आप ठीक है, कुछ कह रहे हो, नहीं कुछ नहीं, ठीक है। दोबारा बोले सर, मुझे हाउ वी हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन स्टिल ऑफ यस और नो, नाम बताएं आपके पूरे ज़ूम के ऊपर जितने लोग मौजूद हैं उनमें से कौन व्हाइट सॉक्स पहना हुआ है, एस्क देम, एक आंसर्स मेरे पास आ गए हैं, बट यू हैव गॉट अ चांस, अगर इसमें से कोई गलत हो जाता है तो नेक्स्ट वाला जो है वो विनर होगा। Thank you.
हाँ जी, और आ रहे हैं जब स्क्रीन को जरा सवाल शेयर करें। कौन सा सवाल चाहिए? दो पहले आप दोनों शासक किए या बाकी मैंने पहले किया कर रहे थे रूम के हम बाहर गए पीछे लेने टाइम्स अप सबसे पहले हबीब आए हैं, उमर है यहाँ टेबल टेनिस कौन की टीम में रहा है? उमर कहाँ है? उमर नाम नहीं लिखा इधर आपने, नंबर 3 में। ठीक है, अब आई टेक दैट, ओके। नंबर 4 उमर फारूक कौन है? आप 3 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं, ठीक है। नंबर 5 अब्दुलरहमान सर, वो जो रूम की मीटिंग, अब्दुलरहमान तुम्हारा 15 साल से ज्यादा जी सर, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, ओके। फैजान, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? ओके। अभी मैंने शुरू पे अपना शेयर करके मैंने अच्छा ये मैसेज होया सब ने। ऑलराइट, कौन से ओएस का नंबर है आपके पास? आपके पास नंबर है मेरा, लेकिन अभी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर नहीं है। Exchange contact details, so please, you are out. Abdul Rafi, number 2 पर है। Faraz Mahmood, number 1 पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा, number 1 सर हारिस, number 2 फराज। फराज कौन है? स्पोर्ट्स की टीम में रहे हैं? इधर तो नहीं है फराज, इधर कोई स्पोर्ट्स की टीम में रहा है? सर यू आर आउट। ओके, उजैर इलाही कहाँ है? उजैर आप टीम में रहे हैं? नहीं रहे, जितना तुम सोच रहे हो तुम कभी टीम में नहीं रहे।
नंबर थ्री उज़ैर, ओके नंबर फोर उज़ैर इलाही, तीन से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बड़ी छोटी सी उम्र में, हारून चकदा नंबर फाइव 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, हारून सर वो यहाँ नहीं है आरएस दानियाल, दानियाल कौन है आप भी टीम में रहे हैं, ओके असदुर रहमान ठीक है आप मेंबर हैं पीवीपीएफ के, ओके राइट नंबर फोर ठीक है राइट नंबर फाइव 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इमरान, ठीक है मोहम्मद इमरान कौन है इधर, इमरान भाई तो नहीं है जिनको मैं जानता हूँ, किसका नाम लिखा ये कौन है, असद, असद का पेपर है ये, असद इमरान कौन है, हाँ लेकिन यहाँ पे नहीं है ना वो तो आज आए नहीं है, मोहम्मद इमरान टेक्सटाइल तुक्का मार दिया तुमने, इमरान भाई को जानते हो वो अगर इधर होते तो तुक्का लग जाता, सर ये ना इसमें लिखा है वो है नहीं ना इधर अरे जी जी अच्छा ठीक है यार नाराज क्यों हो रहे हो बड़ा बता दे यार भूल गया था नंबर थ्री उज़ैर ओके नंबर फोर असद सैयद वैस ओके नंबर फाइव इमरान दावर अच्छा ठीक है इमरान दावर ठीक है नंबर सिक्स असद असद आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब ओके उज़ैर नंबर सेवन ठीक है ठीक है नाइन हु सीनियर उज़ैर ओके उज़ैर में सब कुछ मिल गया तुम्हें यार तुम इसके नीचे लिख दो मेरे पास तुम हो नंबर टेन फिर उज़ैर नंबर इलेवन शुक्र है किसी और का नाम आया ठीक है अलकाजी मंसूर इंजीनियर सुनैन ठीक है सुनैन भाई क्या आप बिजनेस मैन हैं एंटरप्रेन्योर हैं ठीक है ओके नंबर थर्टीन असद 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 कहाँ है आप वैसे एक से ज़्यादा इंजीनियर हैं फैमिली में तस्वीर है असद नाम दिखा दो और सलाम के लिए बहुत सारी तालियां होती हैं अरसलान थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया आपका नाउ व्हाट डज दिस एक्टिविटी से क्विकली मेरे पास पर्ची आ गई है 5 मिनट की है ठीक है इंटरेक्शन जीतने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं देखिए क्या बात याद रखिएगा एक पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है एसटीवी एंड एमवा स्टैंड स्टोर एसटीवी मैं बता देता हूं दोबारा भी रुको एक बात याद रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंटरेस्टेड इन रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स आर ऑलवेज एन आउटकम ऑफ योर एक्शंस एंड योर बिहेवियर्स आपके जैसे भी रिजल्ट आए आप पीछे मुड़ के देखेंगे उसके पीछे कोई ना कोई एक्शंस होंगे या बिहेवियर्स होंगे इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स यू हैव टू चेंज योर एक्शंस और बिहेवियर्स आपने कितने सवाल किए होंगे क्यों आप में और जो उन्होंने पहले जवाब दिया या ये जो 10 लोग हैं इनमें क्या फर्क है सर उन्होंने एफर्ट करी है मैंने नहीं करी क्यों नहीं की मैं टायर्ड हूं इस वजह से राइट एक्शंस और बिहेवियर्स के पीछे फीलिंग्स होती हैं या थॉट्स होती हैं ये एक फीलिंग है मैं टायर्ड हूं इस फीलिंग ने एक एक्शन को ट्रिगर किया और वो एक्शन है कि मैं बैठा रहूंगा कोई बात नहीं और उसका रिजल्ट ये है कि मेरे सिर्फ 4 सवालों के जवाब हैं दैट्स इट ये कौन जीता है अरसलान का है अरसलान तुम क्या सोच रहे थे जब शुरू हुआ है तो कि मैं जितना जल्दी हो सके सारे कंप्लीट कर लूं मैंने सोचा अ थॉट
it triggered an action. And that action resulted in winning. आपने भी इसी तरह का कुछ सोचा? सबसे पहले जी मैंने ये सोचा था कि मेरे बॉस से ज्यादा लोगों से पीआर बन जाए हां से कम टाइम में मेरी थॉट्स ये थी कि मेरी पीआर बन और उसकी वजह से रिजल्ट आया इफ यू वांट टू चेंज योर रिजल्ट्स इन लाइफ यू नीड टू चेंज योर एक्शंस एंड योर थॉट्स एंड योर फीलिंग्स जिंदगी के अंदर बहुत सारी जगहों पर यू आर गोइंग टू फील द सेम ये बहुत बड़ा झूठ है हमारे माशरे के अंदर जो हमें बचपन से बोला जाता है हम सबसे बोला जाता है बेटा एक दफा मैट्रिक कर लो फिर सुकून ही सुकून है फिर इंटर कर लो फिर सुकून ही सुकून है फिर इंजीनियरिंग कर लो फिर सुकून ही सुकून है धोखा है धोखा नहीं है सुकून हमारे पीएम साहब ने कह दिया है सुकून सिर्फ कब्र में कोई सुकून नहीं है चैलेंजेस होंगे टायर्ड होंगे तपे रहोगे लेकिन keep a tab on your thoughts keep a tab on your feelings because they are going to trigger actions and actions will end up in results keep an eye on that agar isse mutmain ho jo result hain life mein bhi aise result chahiye to theek hai attempt program theek hai isme koi masla nahi but it's your choice isme tum ye nahi bologe allah ki marzi se Of course. ठीक है तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है और ये याद रखनी है ये बात ये अगली जो स्लाइड है जरा मुझे दिखाइए प्लीज मेरे पीछे से स्लाइड आई हो जाए ओके जरा ये एक और नीचे अच्छा MYA इसीलिए मैं बताता हूं मैंने ये MYA और STP आपको क्यों कहा था और इसका क्या मतलब है ये जरा इसको बड़ा करेंगे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट उसके अंदर उन्होंने कहा है कि 2015 के अंदर टॉप स्किल्स कौन सी थी और 2020 के अंदर टॉप स्किल्स कौन सी हैं अगर जरा चाहें उसी के ऊपर जी प्लीज एक और दफा बटन दबाएं एक और दफा दबाते रहें दबाते रहें दबाएं दबाएं और बस ऊपर जाए बस आप ये देखें कि 2015 के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और एक्टिव लिसनिंग थी जो कि 2020 के अंदर नहीं है आप ये देखें कि कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स 2 पे थी अब वो 5 पर आ गई है आप देखें कि नेगोशिएशंस 5 पे थी और वो 9 पर आ गई है दो चीजें ऐसी हैं जो नहीं आई हैं 2020 के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी और कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आप देखेंगे थोड़े अरसे में नंबर 1 पर आ जाएगी कहते हैं कि 21st सेंचुरी के इलिटरेट वो लोग नहीं होंगे जो लिखना पढ़ना नहीं जानते 21st सेंचुरी के इलिटरेट वो होंगे जो लर्न अनलर्न और रीलर्न करना नहीं जानते होंगे जो कुछ आपने आज तक पढ़ा है ये अगले 2 साल में रद्दी की टोकरी में चला जाएगा हो सकता है 1 साल में चला जाए यू हैव टू बी सो फ्लेक्सिबल एंड सो रेडी टू चेंज एंड सो रेडी टू अनलर्न एंड रीलर्न न्यू थिंग्स कि आपके पास सुकून करने का टाइम नहीं है किसी से भी यू हैव टू बी ऑलवेज रेडी इसीलिए मैंने वो जो लिखा था ना MYA STP स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर बुलशिट यू नेवर नो एक चीज जो कोविड ने इस दुनिया को सिखाई है वो तो ये सिखा दी है कि यू नेवर नो क्या होने वाला है एक दिन हम ऑफिस जाते हैं अगले दिन हम ऑफिस नहीं जाते हैं हर चीज बंद हो जाती है हम जूम पर आ जाते हैं Everything changes. Everything. You never know. So you have to be ready. You have to be so cognitive. You have to have that ability of cognitive flexibility. कि आपको पता हो कि ये खत्म हो गया मैंने नई चीज सीखनी है और नई चीज सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि आज से मैंने सीखना शुरू कर दिया जो कुछ आपने सीखा है वो ठीक है आपके काम आने वाला है लेकिन उसके बाद आपने स्ट्रेटजीज एंड टैक्टिक्स आर बुलशिट मूव योर एस मूव ऑन मूव फास्ट जितना जल्दी मूव करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा और ये होगा अगली चीज मैं आपको दिखाता हूं दैट्स मोर स्केल 2025 के अंदर एक्टिव लर्निंग एंड लर्निंग स्ट्रेटजी नंबर 2 पर आ गई है ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो क्रिटिकल थिंकिंग एंड एनालिसिस आ गया है
कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गई है, ये चीजें चेंज, रेजिलियंस आ गई, ये तुम्हारे लिए है, रेजिलियंस, स्ट्रेस टॉलरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी. यू ऑल विल बी स्ट्रेस्ड आउट. इट्स सो फास्ट पेस्ड, द चेंज इज सो फास्ट पेस्ड दैट यू विल बी स्ट्रेस्ड आउट. आपको इससे निपटने का तरीका पता होना चाहिए, और उसका तरीका यही है कि मूव फास्ट, मूव ऑन, स्टैंड अप एंड मूव ऑन. ठीक है, आखिरी चीज, एक और डाटा मैं शेयर करता हूं आपके साथ आगे. ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डाटा है. वो ये कहते हैं कि 2018 के अंदर 65% ऑफ बिजनेस लीडर्स ये समझते थे कि एम्प्लॉयज को नई स्किल्स की जरूरत होगी, 65% दो साल पहले. इन 2020 94% बिजनेस लीडर्स ये समझते हैं सिर्फ दो साल में. यू एज एन एम्प्लॉय, यू एज ए न्यू एंट्रेंट विल नीड अपस्किलिंग, अपस्किल, न्यू स्किल्स, अनलर्न, रीलर्न. 94% बिजनेस लीडर्स ऐसा समझते हैं, दो साल पहले सिर्फ 65% बिजनेस लीडर्स ऐसा समझते हैं. अराउंड 40% ऑफ वर्कर्स विल रिक्वायर रीस्किलिंग इन 6 months. 6 महीने आपको अपने ऊपर लगाने पड़ेंगे 40% लोगों को, 6 महीने नई स्किल सीखने के लिए. ठीक है, और अगर आप कंज्यूमर इंडस्ट्री में और हेल्थ केयर और हेल्थ इंडस्ट्री में, तो ये टाइम 6 महीने से बढ़ के ज्यादा हो जाएगा, आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा. ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनर्जी सेक्टर के अंदर 6 महीने वाले कम है, इधर भी आपको ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर और एनर्जी सेक्टर में जाते हैं. तो वो जो सुकून जो है ना, वो सिर्फ कब्र में है. आपको निकाल दिया यूनिवर्सिटी ने, बहुत अच्छा है, गो हैड. आपको अगर नई जॉब चाहिए, गो हैड, मूव योर एस, फाइंड आउट अ न्यू जॉब. बट रिमेंबर, यू, आप लोग खासतौर पर, यू विल ऑलवेज बी ऑन अ मूव, ऑलवेज, एंड बी रेडी फॉर दैट. इफ यू आर नॉट, इट्स योर चॉइस. रिजल्ट्स आपके हैं, कोई बात नहीं. ठीक है, बिटवीन अप्रैल एंड जून 2020 कोर्सेरा के ऊपर 4 times ज्यादा लोग आए हैं, 4 times कोर्सेरा के ऊपर. कोर्सेरा पता है ना, 4 times, 4 गुना. पहले 100 लोग थे, तो अब 400 लोग हैं, राइट. इंटरनल ऑनलाइन लर्निंग इंक्रीज 5 times एंड 9 times एनरोलमेंट. लर्नर्स एक्सेस इन ऑनलाइन रिसोर्सेज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर 9 times लोग ज्यादा आ रहे हैं. इंटरनल ऑनलाइन लर्निंग के प्रोग्राम्स के अंदर 5 times लोग ज्यादा आ रहे हैं. इसका मतलब यह है कि एवरीबडी नोज दैट दे हैव टू मूव. इफ यू आर नॉट मूविंग, ओके, योर चॉइस. सो इट्स स्केरी पिक्चर, स्केरी पिक्चर. ये स्केरी पिक्चर, आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम नॉट हियर टू मोटिवेट यू, सॉरी. I'm here to show you the scary picture. ये scary picture है भाई जान, आपकी मर्जी है. आप बैठे रहते हैं, चिल करते हैं, करें, बिल्कुल आप थके हुए, कोई बात नहीं, आप चिल करें. आप Netflix देखें, बिल्कुल करें. लेकिन आखिर में सवालों के जवाब आपके पास चाह रही हूँ मैं. नहीं कुछ यार, सॉरी, इसके लिए तालियां बजा दें कि बेचारा फंस गया है. ओके, उसके लिए पिक्चर है भाई, याद रखिएगा, STDMYA. मूव योर एस. थैंक यू वेरी मच. सर, इंजीनियर हारिस महमूद साहब आप सबके सामने थे.
कुछ खौफनाक बातें, कुछ लेसन्स, कुछ लर्निंग्स आपके सामने रख रहे थे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहे थे, और उम्मीद है कि इन तमाम चीजों ने आपको किसी ना किसी हद तक एक अंदर के एक इंसान को जगाया जरूर होगा। थैंक यू वेरी मच सर हारिस महमूद फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब इसके बाद हम बिना किसी ताखीर के सर इंजीनियर अल काजिम मंसूर की जानिब बढ़ेंगे। सर प्रेसिडेंट हैं पीईएफ के, पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के सीईओ एंड फाउंडर हैं, पाकिस्तान की लीडिंग जियो टेक्निकल फर्म सॉइल मैट के, जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में अपना किरदार अदा किया है। सर इंशाल्लाह यहाँ पर हमें पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का एक इंट्रोडक्शन देंगे। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर हारिस साहब ने जो सबको, जो सोते हुए उनको जगा दिया, तो उनमें मैं भी शामिल हूँ कि वाकई जो आगे की दुनिया है वो कंपटीशन की दुनिया है, और मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी गुज़श्ता ज़िंदगी है उसमें दो चीज़ों ने इनकलाबी तब्दीली लेके आई। पहली चीज़ जो हमारी याद में जो इनकलाबी तब्दीली लेके आई वो लेके आई वो 9/11 का वाक़या। 9/11 के वाक़े के बाद भी दुनिया बदल गई, दुनिया में जॉब सिनेरियोस चेंज हो गए, ट्रैवलिंग चेंज हो गई, मुख्तलिफ मुल्कों के हालात बदल गए, और दूसरा जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा इस पिछले यानी इस सदी में वो ये कोविड है। और कोविड ने भी जैसे 9/11 ने एक रुख मोड़ दिया था जिंदगी का, इस तरह कोविड ने भी एक रुख मोड़ दिया है जिंदगी। अब 9/11 में प्रेसिडेंट बुश ने कहा था कि द हिस्ट्री बिगिंस टुडे, वी डोंट केयर यू वर आवर फ्रेंड फॉर 30-50 इयर्स, व्हाट वी केयर टुडे इज इफ यू आर आवर फ्रेंड टुडे। तो आपकी जो भी हिस्ट्री रही हो वो आज ख़त्म हो गई और आज से एक नई हिस्ट्री शुरू होगी। ये प्रेसिडेंट फोर्ड ने, प्रेसिडेंट बुश ने 9/11 के वाक़े के बाद पहली स्पीच में कहा। और इसी तरह कोविड-19 वो इतना सडन तो नहीं था जैसे 9/11 था कि वो लग चपकने में दो बिल्डिंगें गिरी और ये हुआ और फिर अगले दिन से अमेरिका ने सोचा कि वो ना हो हमने अफगानिस्तान पे या किसी भी मुस्लिम मुल्क पे हमला करना। तो कोविड-19 चश्मे ज़न में नहीं हुआ, लेकिन विद इन कपल ऑफ मंथ्स द होल वर्ल्ड चेंज। और अब जाहिर है कि जो आप लोग जो इस वक्त प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल हो रहे हैं उनके लिए जो चैलेंजेस हैं वो डबल हो गए, रीडबल हो गए। तो इस हवाले से जो इंजीनियर हारिस महमूद साहब ने बातें की वो बड़ी काबिल तवज्जो हैं, और उस पर हमें उन चीज़ों को जो न्यू रियलिटीज़ हैं जो हम कह सकते हैं कि पोस्ट कोविड रियलिटीज़ हैं, दे आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द वन विच वर प्री कोविड। तो इसलिए इस हिसाब से हमें गियर अप होना होगा। लेकिन प्री 9/11 हो या पोस्ट 9/11, प्री कोविड हो या पोस्ट कोविड, जो पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के रहनुमा उसूल हैं वो नहीं बदलेंगे, और वो रहनुमा उसूल आपकी जिंदगी के साथ साथ, मैंने तो अपनी कोशिश करके
गुज़श्ता 35 साल की जो कैरियर है वो कोशिश की है कि इन ब्रहणों और सूरों के साथ गुजारूँ, और जो भी सिनेरियो हो उसमें ये तीन हमारे मोटो जो हैं वो चेंज नहीं होने, और वो मोटो हमारे क्या हैं कि ऑनेस्टी, डेडिकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सेलेंस। ऑनेस्टी विल नॉट चेंज विद कोविड और 9/11 और एनीथिंग। आपके अंदर से ये आपको आवाज आती है कि क्या ये बात सही है या ये बात गलत। जो भी बाहर के हालात हों उसमें ये चीज़ आपको अंदर से इसकी आवाज़ आती है कि हम ये काम जो कर रहे हैं ये क्या सही है या गलत। और 99% या 95% अगर हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हम जानबूझ के गलत कर रहे होते हैं, ये जानते हुए कि ये गलत है। धोखे में गलती 5% या 1% मानी जा सकती, लेकिन जानते बूझते अगर हम यानी कोई डिसऑनेस्टी के काम कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का इदराक हो जाता है। अल्लाह ताला की तरफ से इंसान को ये सलाहियत दी हुई है कि वो बता सके कि ये बात सही है या गलत है। तो हमारे जो ऑनेस्टी का मियार है वो नहीं है जो अंग्रेज़ों का ऑनेस्टी का मियार है। अंग्रेजों की ऑनेस्टी का क्या मियार है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अंग्रेज ये कहते हैं कि ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, यानी पॉलिसी तो जब चाहे चेंज हो सकती है, तो उनके हिसाब से ऑनेस्टी भी जब चाहे चेंज हो सकती है। वो कभी ये सोचते हैं कि हिंदुस्तानी रियासतों पर कब्जा करना बड़ी ऑनेस्टी की बात है, और फिर सोचते हैं कि नहीं है। तो एज ए पॉलिसी दे अडॉप्ट, यानी नॉन मुस्लिम्स दे अडॉप्ट ऑनेस्टी। At the moment, I can say that they are more honest than us. लेकिन उनकी और हम में जो बुनियादी फर्क है कि उनकी honesty जो है वो एक policy के तहत है। वो ये policy उन्होंने सोचा कि इस honesty में फायदा है, इसलिए ये honesty अपनाई जाए। जबकि हमारे लिए honesty अल्लाह ताला की तरफ से आएगी। अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमें बता दिया कि क्या चीज़ honesty है और क्या चीज़ dishonesty है, और ये एज ए पॉलिसी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे और अंग्रेजों, ऑल दो यू वुड फील कि आजकल के जो माहौल है उसमें जो मुस्लिम दुनिया का हाल है उसके मुकाबले में अगर हम ऑनेस्टी की बात करें तो अंग्रेज या जो वेस्टर्नर्स हैं हमसे बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। वो हैं ऑनेस्ट, लेकिन वो एज ए पॉलिसी, वो उन्होंने देखा कि ऑनेस्टी में फ़ायदा है तो ये अपना लो, और हमारे लिए ऑनेस्टी जो है वो एक फर्ज है ordained from Allah। तो हमें इससे मुफर नहीं है, पॉलिसी हमारा फायदा हो या नुकसान हो हमें ऑनेस्टी करनी है। तो ये जो हमारा ऑनेस्टी का एंगल है वो चेंज भी नहीं होगा, और उसमें कोई इबाम भी नहीं है, और उसमें कोई पॉलिसी वाली बात नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से काम है। दूसरा हमारा जो मोटो है वो डेडिकेशन है। ये भी जैसे मैंने कहा कि प्री कोविड, प्री 9/11, पोस्ट कोविड, पोस्ट 9/11 दुनिया चेंज हो गई, लेकिन जो रहनुमा उसूल है वो वही है। तो हमें कोई भी काम करना है, हमने कोई भी फील्ड करनी है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं और इंजीनियरिंग करके छोड़ रहे हैं या कुछ, लेकिन जो काम भी आप कर रहे हैं वो डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, और उसमें पूरी तवज्जो और पूरी दिलजहमई के साथ करते हैं। तो दूसरा रहनुमा असूल जो पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का है वो डेडिकेशन है, और तीसरा जो है वो है प्रोफेशनल एक्सेलेंस। हम लोग जब इंजीनियरिंग फील्ड में दाखिल हुए थे तो शायद हमारे लिए प्रोफेशनल एक्सेलेंस की उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं थी जितनी ज़्यादा अहमियत आज है। प्रोफेशनल एक्सेलेंस की हमेशा अहमियत रही, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, जो जो हालात चेंज हो रहे हैं, दुनिया बदल रही है, प्रोफेशनल एक्सेलेंस जो है वो प्रिस्क्रिप्शन है फॉर सर्वाइवल।
यू कैन नॉट सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड विदाउट प्रोफेशनल एक्सेलेंस एज एन इंजीनियर. आपको अपनी फील्ड में प्रोफेशनल एक्सेलेंस हासिल करनी है, और अगर वो आप हासिल नहीं कर पाए या हासिल करने की ख्वाहिश नहीं रखते या हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे, तो फिर सक्सेस का जो है वो बहुत ही मतलब बाज दबे तो होता है, जैसे प्राइस बॉन्ड में निकल गया किसी का, उसमें उसने कोई नहीं, लेकिन इतनी उसने मेहनत की तो फॉर उनके के प्राइस बॉन्ड खरीद लिया. लेकिन ये जो हमारी फील्ड है, जनरली जब तक आप प्रोफेशनल एक्सेलेंस अपनी फील्ड में हासिल नहीं करेंगे, तो आपकी जो प्रोग्रेस है वो उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह की रिक्वायर्ड है. तो पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम ने ये तीनों एंगल्स को अपनी अपने प्रोग्राम्स में, अपनी जो उनका शेड्यूल है, तो उसमें इन तीनों चीज़ों को किसी न किसी हद तक कवर करने की कोशिश करते हैं. पिछला साल जैसा आप लोगों को पता है कि बहुत ही डिस्टर्ब रहा, इवन देन पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम ने कई प्रोग्राम्स अरेंज किए, और जिसमें जॉब सेमिनार्स और मॉक इंटरव्यूज, इस तरह की बेताशा चीज़ें जो यंग इंजीनियर्स को गाइड कर सकें, वो हमारे प्रोग्राम्स का हिस्सा रहे. पांच चीज़ें हमने इस दफ़े ड्यू टू कोविड सिचुएशंस, जैसे एनुअल पिकनिक्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं, नेटवर्किंग के दूसरे इवेंट्स, वो हमने कम कर दिए. लेकिन ये कि कुछ ना कुछ थ्रू आउट द ईयर पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम कराची चैप्टर और सम चैप्टर्स को करता रहा, आपके पास जो है वो लिस्ट नज़र आ रही कि हमने क्या क्या करते रहे. तो ये तो एक हमारा एंगल है इसको करने का, कि ये आप जो ये कुछ इको ज्यादा कर रहे हैं तो ये हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो हम थ्रू आउट द ईयर इसको करते रहे हैं और आइंदा भी इंशाल्लाह करते रहेंगे. और ये जो तीन उसूल, इन तीन उसूलों के ऊपर हम आपको इंजीनियर्स फोरम में कुछ हम दे रहे हैं. अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी ऑनेस्टी एजुकेशन और प्रोफेशनल एक्सेलेंस के साथ गुजारना चाहते हैं, तो इंजीनियर्स फोरम इस प्लेस पर. यहाँ एक ज़बरदस्त मिक्स है यंग इंजीनियर्स और एक्सपीरियंस इंजीनियर्स. इस कमरे में तो शायद मैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैंने 1983 में ग्रेजुएशन किया. लेकिन हमारे जो साथी हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं, नहीं मैं साहब उनसे सीनियर बोस, तो एक ब्लेंड है एक्सपीरियंस और यूथ का. तो यूथ जो यंग इंजीनियर्स हैं, दे हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम दोज हु हैव ऑलरेडी अचीव्ड टारगेट. आज ये आरिफ साहब ने 15 लिस्ट में चीज़ें लिखी, तो इसमें से 13 के ऊपर मैं फटा रहा, तो मैं कोई सिर्फ मेरे पास आ जाता तो 13 को टिक हो जाता. तो मतलब हम लोग वो जो है वी आर एट ट्वाइलाइट ऑफ आवर करियर, वी आर एट द एंड ऑफ आवर करियर, एंड वी वॉन्ट टू इम्पार्ट what we have learned throughout the career to the young generation. And this we do through Pakistan Engineers Forum. इसमें continuous flow of information है from
experienced engineers who are young engineers. And vice versa, also from the young engineers to the experienced one. तो हम लोग जो अपने ट्वाइलाइट ऑफ द करियर में हैं वो ये चाहते हैं कि वो जो कुछ उन्होंने सीखा पूरी जिंदगी में उसका किसी तरह यानी वी कंसिडर इट एज अ पे बैक टाइम. हमें इस मुल्क ने, इस माशरे ने, इस प्रोफेशन ने बहुत कुछ दिया और अब हमारे ऊपर फर्ज है कि हम जो कुछ हमें मिला है उसका शुक्राना इस तरह अदा करें कि जो लोग नए इस फील्ड में आ रहे हैं उनको वो कम से कम गाइडेंस दे सकें जो हम में से बहुत से लोगों को सपना मिल सके. तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि पाकिस्तान इंडियन फोरम के रुकन बने, इनकी एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लें और इंशाल्लाह यू वुड फील के यू आर गेनिंग फ्रॉम दिस ट्रांसफर ऑफ थॉट्स. ये ऑल्दो मेरा मौजू तो नहीं है, दूसरे एक्सपर्ट्स इस पर आपसे बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं 35 साल से अकेडियर हूँ. वो कई दफ़े इस 35 सालों में इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे ज़माने भी आए और बहुत बुरे ज़माने भी आए. तो ये एक साइकिल है गए, अच्छा ज़माना चलता 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 फिर बुरा ज़माना फिर अच्छा चलता. तो यू नो यू गेट कॉट अप समवेयर कि आप जिस वक्त पास हुए उस वक्त क्या हालात थे. हम जब पास हुए तो उस वक्त ये हालात थे कि किसी को पहले 3 महीने में किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली थी, ये भी हालात थे और उस ऐसे भी हालात थे. और जब हम इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन लिया तो हमारे जो फाइनल ईयर के लोग थे वो कह रहे थे कि हमारे पास 4-4 ऑफर हैं. तो इस तरह के एक्सट्रीम हालात होते हैं. अभी भी अनफॉर्चुनेटली आप में से जो लोग इस वक्त फील्ड में आए हैं तो हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे अच्छे हालात हमेशा नहीं रहते वैसे बुरे हालात भी नहीं रहते. लेकिन जब ये हालात बुरे हों तो कुछ आदमी को एक्स्ट्रा न्यू लाइंस सोचनी चाहिए. और मैं जो यंग इंजीनियर्स आजकल मुझसे मशवरा मांगते हैं तो उनको 2 चीज़ों पे मैं ज़रूर कहता हूँ कि फोकस करें. नंबर 1 जो है वो है फर्दर एजुकेशन. आप फर्दर एजुकेशन जब हासिल कर रहे हैं तो इंशाल्लाह उसके दौरान ये जो बुरे हालात हैं ये ओवरकम हो जाएंगे और व्हेन यू विल कम बैक इनटू द मार्केट यू इन एडवांस स्टेज. और फर्दर एजुकेशन आप पाकिस्तान से भी हासिल कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर. और पाकिस्तान से बाहर फर्दर एजुकेशन हासिल करना जो है वो सिर्फ ये नहीं कि जो बहुत जिसके माँ बाप अमीर हैं वो वही हासिल कर सकते हैं, ऐसे हालात नहीं हैं. बाज स्कॉलरशिप्स ऐसी मौजूद हैं जिसमें पाकिस्तान से अमरीका या जहाँ जा रहे हैं आप वहाँ के एयर टिकट से लेके आपके तमाम एजुकेशनल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग योर फीस बुक्स एंड लिविंग एक्सपेंसेस एंड ट्रैवलिंग वो सब कवर हो जाए. तो सिर्फ ये कि जाहिर है वो मेहनत करनी होती है उस तरह की स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए. तो ये स्कॉलरशिप मौजूद हैं और आप लोग आजकल चूँकि इंटरनेट का दौर है तो यू हम जब पास आउट किए थे तो हमें तो अमेरिकन कल्चरल सेंटर जाके वहाँ की कोई किताबें ढूंढनी होती थी यूनिवर्सिटी के नाम देखने के लिए, उनका एड्रेस क्या है या उस पर भेजेंगे कैसे. तो ये चीज़ें बहुत आसान हैं. तो इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज की बेतहाशा स्कॉलरशिप्स जिसमें कोई ज़्यादा खर्चे इन्वॉल्व नहीं होते. तो एक तो ये है कि फर्दर एजुकेशन और दूसरी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, CSS के एग्जाम्स, PCS के एग्जाम्स. ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे कराची के स्पेशली लोगों की कोई तवज्जो नहीं.
एज अ रिजल्ट हमारा हम हमेशा से ये शोर करते रहे कि कोटा सिस्टम खत्म करो और कोटा, अब तो जो कोटा हमारे पास है उसके लड़क भी नहीं हमें मिलते, यानी जो टूटा फूटा कोटा कराची के लिए या सिंध अर्बन के लिए है वो भी फिलअप नहीं हो पाता क्योंकि हमारे नौजवान खासतौर से इंजीनियर्स वो उसकी तरफ आते हैं। तो ये दो फील्ड ऐसी हैं जो कि दो काम फील्ड है, एक तो कंटिन्यूड एजुकेशन और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये आजकल के हिसाब से बेस्ट है। जब जॉब मार्केट खराब है और इंजीनियरिंग की चीज़ें नहीं रहती हैं तो ये दो चीज़ें जो हैं ये कंटिन्यू है, तो इसकी तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है। आई होप के जो हमारे स्पीकर्स हैं उनको इसके ऊपर लादे आपको कर सकेंगे। आप लोगों को अगर इंजीनियर्स फोरम के मुताबिक कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, हम लोग यहाँ मौजूद हैं। इंजीनियर्स फोरम की मरकजी टीम भी है, सूबाई और शहरी की भी टीम भी मौजूद है और आपके दस्तावेज में है, तो जब भी कोई इस तरह की बात बहुत शुक्रिया। इंजीनियर अल काजिम मंसूर आपके सामने PEF का पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी रख रहे थे, वो चीज़ें भी बता रहे थे कि क्या PEF करता है, काम क्या है। और चैट में कुछ लोग जो है वो कुछ पार्टिसिपेंट्स हमारे PEF में ज्वाइनिंग का तरीकेकार पूछ रहे हैं, आई होप कि हमारी जो बैकएंड की टीम है वो उनको रिप्लाई कर देगी। प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बुफे नॉलेज और एक्सपीरियंसेस का, मतलब आप जो काम करना चाहते हैं आपको उस तमाम के जो लीड और पियोनीर्स हैं वो मौजूद हैं, आप उनसे कनेक्ट हो, आप उनसे पूछें, आप उनसे उनकी राय लें, आप उनसे उनके एक्सपीरियंसेस पूछें, बजाय इसके कि आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, आप जो काम करना चाहते हैं उसके पियोनीर से थोड़ी गाइडेंस ले लें और ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मौजूद हैं। तो आई होप कि ये ज़रूर आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं, अपने साथ बड़ी भरपूर एक्टिविटीज़ और एनर्जी लेकर आते हैं स्टेज पर। उनका ताल्लुक है, बिल्कुल सही नाम बताया, उनका ताल्लुक है क्वालिटी हेल्थ एंड सेफ्टी से, स्टूडेंट्स की एक बहुत ज़बरदस्त तंजीम खतीब के साथ लिंक है, लीड ट्रेनर के तौर पर स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इन तमाम में पर्सनल बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन तमाम की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाते हैं। मेन उनका जो काम है वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिटर का है, पाकिस्तान की लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा ऑडिटर अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। और मैं बुलाना चाहता हूँ स्टेज पर इंजीनियर सैयद अवैस मुख्तार को। अच्छा हम
जब इंजीनियरिंग करके पास आउट होते हैं, और एक छोटे से वाक्य से शुरुआत करना चाहूँगा, लाइट अगर टिक कर दें, एक छोटा सा वाक्य ये है कि एक साल 2020 गुजरा और लिंक्डइन के ऊपर कौन कौन है इस वक्त, सब आप लोग हैं, ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, लिंक्डइन के ऊपर मैं काफ़ी एक्टिव हूँ और अराउंड कुछ लोगों से रबता है जो कि जिनकी क्वांटिटी 10,000 के करीब बनती है। अब जैसे ही कोई भी बैच पास आउट होता है, चाहे वह एनडी का हो, दाऊद का हो, तो जो यंगस्टर्स हैं, जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो लिंक्डइन का रुख करते हैं। एक जॉब नेटवर्किंग साइट है, ज़बरदस्त वेबसाइट है, मैं सबको उसके इस्तेमाल का मशवरा देता हूँ। लेकिन होता ये कि वो जो सीनियर्स होते हैं उनकी फील्ड के, उनको इनबॉक्स करते हैं कि आई एम जस्ट पास आउट और है ना, इस तरह की जॉब चाहिए। और ठीक है, पिछले सालों के अंदर कुछ 10-12-15-20 रिक्वेस्ट इस तरह के आती थी चीज़ें, लेकिन 2020 ऐसा साल गुजरा और जो फ्रीक्वेंसी है वो देख के मुझे लगा कि शायद 90% जो इस साल पास आउट हुए इंजीनियर्स, उनको जॉब्स नहीं मिली। ठीक है, मेरा ही अंदाज़ा है, क्योंकि वो मैसेजेस जो हर साल हर बैच के पास आउट के ऊपर 20-30-50 लोगों के मेरे पास आते थे, 200-300 लोग अगर रबता कर रहे हैं आपके, और आप कभी कोई पोस्ट ऑफर करते हैं वहाँ पे एक जम्बे गफीर रेज्यूमे का आता है, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, मार्केट के अंदर इसकी बेताशा, जॉब्स की बेताशा कमी है। ठीक है, तो इस टॉपिक की अहमियत क्या है कि हम पास आउट होते हैं, हमारा काम क्या होता है कि हम जॉब तलाश करें और हम ब्रेड एंड बटर अपनी फैमिली के लिए मुहैया करें। नहीं मिल पाता तो यकीन परेशानी होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, एट द एंड डिप्रेशन के अंदर होता चले जाता है। तो ये इसकी नीड है, इस टॉपिक की। अच्छा, प्रेजेंटेशन दोबारा ही लाइट ऑफ कर, ये वाली हो सकती है अगर कम हो गई है वो, तो देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा आगे आइएगा। तो तीन चीज़ें किसी भी शख्स को जब वो पास आउट होता है तो जॉब मार्केट के अंदर एंटर होने के लिए तीन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आगे आइएगा, वो तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। इसको अगर फोकस किया जाए तो जॉब सर्चिंग बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए तरीक़ेकार की ज़रूरत होती है, और वो प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए आप करेंगे तो वो काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर SOPs फॉलो नहीं होंगी तो यकीन उस काम को करने के अंदर बहुत ज़्यादा लेटनेस आ जाएगी। आप अंधेरे के अंदर टामक टोइयाँ मार रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो तीन चीज़ें हैं, नंबर वन इज़ नेटवर्किंग, नंबर टू इज़ अ विनिंग रेज्यूमे, और नंबर थ्री इज़ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत होंगी, लेकिन मेरी जो समझ बूझ है उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये तीन चीज़ें जिस शख्स ने एक्वायर कर ली तो वो बहुत आराम से इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट हो सकता है, जॉब हासिल कर सकता है और अपना काम स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट पे जाइए। तो ठीक है, नंबर वन के ऊपर बात करते हैं, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग को एग्जांपल मुझे मिल पाएगी ऑडियंस में से, नेटवर्किंग क्या होती है, इंटरेक्ट विद अदर्स, और फिजिकल और वर्चुअल इंटरेक्शन किसी भी तरीके की हो सकती है। अच्छा, नेटवर्किंग करना, लोगों से ताल्लुकात बढ़ाना, अपना सर्कल ऑफ नेटवर्क, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को इंक्रीज करना, और फिर उसको अपने जॉब हासिल करने के मकासद के लिए इस्तेमाल करना, क्या लगता है आपको ये सारी टैक्टिक्स होंगे, चलाकी या कोई नेगेटिव चीज़ जहन में आती है? नहीं, ठीक है, वो अच्छी बात है। प्रेजेंट सिनेरियो जो है कंपनीज का, उसके अंदर नेटवर्किंग को एक बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है। ठीक है, कंपनीज प्रेफर करती हैं ऐसे लोगों को जॉब के लिए जो ऑलरेडी उनके किसी एम्प्लॉय से कनेक्टेड हो। क्या वजह है इसकी? ट्रस्ट। और जब कंपनी हायरिंग कर रही होती है तो उस हायरिंग की कॉस्ट होती है, जो लोग इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग के ग्रेजुएट्स हैं
उन्होंने और या मैकेनिकल इंजीनियर्स भी ऑपरेशन रिसर्च एक सब्जेक्ट उसके अंदर ही पढ़ते हैं, हायरिंग की कॉस्ट है, फायरिंग की कॉस्ट है, रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, कंपनीज को वो कॉस्ट बचानी होती है, ठीक है। तो कंपनीज इस हायरिंग कॉस्ट को बचाने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर ये सर्कुलेट कर देती हैं कि फलानी पोजिशन के लिए एक बंदा रिक्वायर्ड, और फिर अगर उनको वो बंदा मैसर हो जाता है, वहाँ से सीवीज मिल जाते हैं, तो फिर क्योंकि वो उनके एम्प्लॉय का ही कनेक्टेड मेंबर होता है, उसकी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन, व्हाटएवर, इन तमाम चीज़ों के लिए कंपनी को खर्चा नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो कंपनीज की कॉस्ट बड़ी हद तक कट हो जाती है, तो वो प्रिफर करते हैं कि ऐसा बंदा जो कि उनके एम्प्लॉयज़ से कनेक्टेड हो, वो हमें इस जॉब के लिए मिल जाए, तो दैट्स बेटर, ठीक है। ट्रस्ट है, वो किसी हद तक धोखा नहीं देगा, वो माली मामलात के अंदर उसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, और कुछ भी अप एंड डाउन हो जाए, कुछ भी मसला हो जाए, तो उसका जो कनेक्शन है तो वो हमारे पास मौजूद है, ऑलरेडी कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है, जो उसका रेफरेंस है। तो इस वजह से नेटवर्किंग कंपनीज के लिए भी फ़ायदेमंद है, और बीइंग अ जॉब सीकर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्या अच्छा, ये एक छोटी सी चीज़ है कि द बिगर द नेटवर्क ऑफ द बिगर देन नेटवर्क द बिगर देन सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। मैं 10 लोगों से कनेक्टेड हूँ, और 10 लोगों से मैं किसी तरीके से बात करता हूँ कि यार मुझे जॉब चाहिए, उनमें 10 में से कोई भी मुझे रेफर नहीं कर पाता नहीं, ठीक है, तो ये कंडीशन है। लेकिन मैं 500 लोगों से कनेक्टेड हूँ, तो 500 के अंदर मरे से मरा 50 लोग तो ऐसे होंगे जो कि शायद मुझे कहीं पर रेफर कर पाएंगे, ठीक है। अगर मेरा सर्कल ही इतना छोटा होगा, तो उतना ही छोटा मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, उतना ही छोटे वो लोग होंगे जिनसे मैं किसी टास्क को करवा सकता हूँ, किसी काम को करवा सकता हूँ। तो हमारे नेटवर्क का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कुछ एरियाज हैं जहाँ से हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, फेसबुक, लिंक्डइन, rosy.pk एक वेबसाइट है, वहाँ से जॉब सीकिंग भी होती है, उसके ऊपर नेटवर्किंग भी हो सकती है, ठीक है। सोशल नेटवर्क्स हैं, इवेंट कॉन्फ्रेंसेस, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, सुबह इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी हमने की जिसके ज़रिए हमने बहुत से लोगों से कनेक्शन बनाया, ठीक है। तो 16 सवाल थे, 16 लोगों से हमने, 16 नहीं कम से कम 10 12 15 लोगों से तो उसके अंदर रब्ता किया है। तो एक नेटवर्क हमारा बन गया, पर्सनल कनेक्शन बन गए, तो ठीक है, नेक्स्ट पे जाइएगा। चलो, तो एक चीज़ तो हमारे जहन में आ गई कि नेटवर्किंग ज़रूरी है, नेटवर्किंग होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज़ रेज्यूमे। अच्छा, वंस आपका नेटवर्क बहुत ज़बरदस्त है, तो आपने जॉब के लिए किसी को कहा, डॉक्टर आपने कहा मुझे अपना सीवी भेजो, रेज्यूमे भेजो, तो आप बीइंग अ जॉब सीकर अपना रेज्यूमे उसके पास भेजेंगे। अब रेज्यूमे अच्छा भी हो सकता है, रेज्यूमे बुरा भी हो सकता है। हो सकता है कि आप बहुत कॉम्पिटेंट पर्सन हो, लेकिन आपका जो पर्चा है रेज्यूमे, वो आपको एक बिल्कुल ही बिलो एवरेज शख्स बना के पेश कर रहा हो, क्या ख्याल है, ठीक है। बाज़ रेज्यूमे ऐसे होते हैं कि उसको देखने के बाद कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो रिक्रूटर्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं, फौरी तौर पर उसको शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है, फौरी तौर पर उस बंदे को बुलाया जाता है। तो क्या पता वो शख्स इतना कैपेबल ना हो, क्या पता वो शख्स इतना कॉम्पिटेंट ना हो, लेकिन उस कंपनी ने उस शख्स को अभी नहीं देखा, कंपनी ने सिर्फ कागज़ का पर्चा देखा और उसके ऊपर अभी फैसला कर रही है, ठीक है। तो ये कागज़ का पर्चा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाना, डिज़ाइन करना, इसको मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो हायर समवन टू मेक वन, ठीक है। बीइंग इंजीनियर, मेरे अंदर तो ये लैकनेस थी कि जब मैं पास आउट हुआ तो मुझे एक अच्छा डॉक्यूमेंट बनाना नहीं आता था, ठीक है। हो सकता है बहुत से लोगों के अंदर ये लाइकनेस हो, तो हमारे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर कोई ऐसे कोर्सेज नहीं होते। फर्स्ट ईयर के अंदर हमने पढ़ा होगा शायद बिजनेस कम्युनिकेशन, उसके बाद किसी ईयर में पढ़ा है हमने कुछ जिसके अंदर हमें डॉक्यूमेंटेशन या कुछ लिखना, कुछ डिज़ाइन करना, कोई डॉक्यूमेंट की शक्ल देना कुछ सिखाया गया हो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये एक हमारे कोर्स स्ट्रक्चर के अंदर एक फ्लॉ है जिससे हर इंजीनियर गुजरता है, और फिर जब वो पास आउट होता है तो अगर उसने कोई एक्स्ट्रा कुछ सीखा नहीं, कुछ कोर्सेज नहीं किए, तो वो एक आम इंजीनियर, एक आम बच्चा एक अच्छा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर सकता। तो बेहतर ये है कि अगर वो कर सकता है तो इंटरनेट से सीखे और
मुख्तलिफ तरीकों से एक अच्छा डॉक्यूमेंट एक अच्छा रेज्यूमे बनाए, अगर नहीं कर सकता तो किसी को हायर करे कि वो उसके लिए एक अच्छा रेज्यूमे बनाए, ठीक है, सिंपल एंड प्रोफेशनल होना चाहिए। नेक्स्ट पे जाइएगा, क्लिक कीजिएगा या टैप कर दीजिएगा व्हाटएवर, ठीक है। तो ये हमने एक ओवरव्यू दे दिया कि कैसा होना चाहिए रेज्यूमे, इसके ऊपर डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। कुछ कॉमन मिस्टेक्स के ऊपर बात करते हैं, रेज्यूमे के अंदर कभी भी लाइज या एग्जैजुएशन नहीं होनी चाहिए, बैक टू रियल, ठीक है, बी ऑनेस्ट। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपके सामने रेज्यूमे रख के बात की जा रही होती है, ठीक है, रेज्यूमे उसमें खुला हुआ होता है और आपसे उसमें से क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे होते हैं। अब उसके अंदर आपने कोई ऐसी बात कर दी जिसका आप जवाब नहीं दे पा सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर हॉबीज़ के सेक्शन की बात की जाए तो आपने उसके अंदर लिख दिया कि मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ, तो आपसे अगर पूछ जाए लास्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप कब हुआ था, कौन सी टीम जीती थी, कौन से फेवरेट प्लेयर्स हैं, और हम उसका जवाब ना दे सकें, ठीक है, तो फिर एक सवाल उसके जहन में पैदा होगा, एक ऐसा शौकीन है कि सिर्फ इसको इन चीज़ों का नहीं पता। बुक रीडिंग बहुत से लोग लिख देते हैं कि हम बुक रीडिंग के शौकीन हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कोई से 5 बुक्स के नाम बता दें, और हमने पढ़ी शायद चंद एक ही बुक्स हों, उनमें से एक का नाम हमें याद हो, तो एक ऐसा शौक है जिसके अंदर आप चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसी तरह सॉफ्टवेयर्स जो कि हमने अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के अंदर चंद एक बार और एज अ कोर्स पढ़ा है, उसको उसके ऊपर हमें प्रैक्टिस नहीं आती, उसके ऊपर हमें कुछ बनाना नहीं आता। इंजीनियरिंग जब हम कर रहे होते हैं तो बहुत से कोर्सेज ऑफर हो रहे होते हैं, एन एड यूनिवर्सिटी की अगर बात करूँ तो ऑटो कैड बहुत ज़्यादा बच्चों को कराया जाता है, लेकिन हर वो कोर्स ऑटो कैड का करने वाला ड्राफ्टिंग के अंदर परफेक्ट नहीं हो पाता, ठीक है। तो अगर उसने अपने रिज्यूमे के अंदर लिख दिया कि मैं ऑटो कैड जानता हूँ और उसके बारे में सवाल पूछ लिए गए और उसके आंसर वो नहीं दे पाया, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होगी जो उसके अगेंस्ट में जाएगी। आपके रिज्यूमे के अंदर प्रूफ रीडिंग के डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए, बहुत बुरा लगेगा कि आपके रिज्यूमे के अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, और मतलब एक इंजीनियर के लिए बात जेब नहीं रहती कि उसका डॉक्यूमेंट इतना खराब हो। कलर एंड फॉन्ट वेरिएशन देखने में अच्छा लगे, ठीक है, डिज़ाइन हो एक रेज्यूमे का, जब आपके रेज्यूमे के अंदर फॉन्ट वेरिएशन आ जाती हैं, कलर वेरिएशन आ जाती हैं, कहीं पर फॉन्ट बड़ा है, कहीं पर छोटा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट फिल कर दिया गया हो, तो होता ये कि जो उसको पढ़ने वाला होता है उसके उसको वो अनईजी फील करता है उसको पढ़ते हुए, और हो सकता है वो उसको शॉर्टलिस्ट भी ना दे, ठीक है, क्योंकि वो एक डॉक्यूमेंट है, वो उसके ऊपर एक वाइब्स दे रहा है और उसी की बुनियाद के ऊपर फैसला होता है। कॉपी पेस्टिंग ये सबसे बड़ी गलती है जो हम कर रहे होते हैं रेज्यूमे के अंदर, किसी का रेज्यूमे मांग लिया और उसके ऊपर भी चीज़ें चेंज करनी शुरू की, और जब उसके अंदर हम चीज़ें चेंज करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो पुरानी वाली हैं हम सोचते हैं ये सही है मेरे लिहाज से भी ठीक है इसको रहने दो, लेकिन अगर उसमें से कोई सवाल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट किसी ने पढ़ा है कभी रेज्यूमे के ऊपर, कौन कौन जानता है कि रेज्यूमे के अंदर ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट भी होता है, होता है ना, ठीक है, तो वो हर शख्स कॉपी पेस्ट करता है, टू वर्क इन द एक 2-3 लाइन है वो वही सब कॉपी पेस्ट कर होता है, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई कैन फुली एक्सप्रेस माय एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट, तो क्या हर शख्स की जिंदगी का और जॉब करने का एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बाज दफ़ा कंपनीज के अंदर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अपना ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन कर दो, तो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आपको पता नहीं आता मैंने क्या लिखा, ठीक है, क्योंकि कॉपी पेस्ट होता है, और बाज़ इतने मुश्किल वर्ड लिख देते हैं कि उसको एक्सप्लेन करना उस वर्ड का मानी क्या है, अगर आप हमसे वही पूछ लिया जाए तो शायद हम उसको एलेबोरेट ना कर पाएँ, तो ऐसा ही गलतियाँ नहीं करें, कॉपी पेस्ट ना करें, बेहतर ये कि रेज्यूमे स्टार्ट स्क्रैच से बनाएं। अच्छा, रेज्यूमे के अंदर कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता, मुख्तलिफ पोजिशन के लिए हम अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसी के हिसाब से अपने रेज्यूमे को चेंज कर रहे होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है तो 10 पोजिशन के लिए हो जा सकता है, सप्लाई चेन के अंदर जा सकता है, ड्राफ्टिंग के अंदर जा सकता है, डिज़ाइनिंग के अंदर जा सकता है, तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लिहाज से अपने रेज्यूमे को एडिट करें और फिर भेजें। अच्छा, रेज्यूमे के अंदर
जहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, नेक्स्ट एक और एक और एक और क्लिक कीजिए, तो वहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हम लिख रहे होते हैं उनमें से क्या मैटर करता है वो कैसे पता लगेगा। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, एक और बार ज़रा क्लिक कीजिएगा, एक और टैब आ गया राइट साइड पे, एक्सक्यूज मी, हाँ स्टक है, क्या है, चले खैर, ये दो कॉलम हैं, अभी आ जाएगा दूसरा कॉलम भी, इनमें नंबर वाइज बताया गया कि कौन सी चीज़ रिज्यूमे के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है हायरिंग मैनेजर से सर्वे करने के बाद और मुख्तलिफ चीज़ों को सर्वे करने के बाद। एक स्टडी मैंने पढ़ी थी, उसमें क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ नहीं, तो देखा जाए तो यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री अकेडमिक डिग्री फॉरेन लैंग्वेज प्रिंसिपल कॉलेज मेजर जीपीए प्रोजेक्ट्स और ये हैं जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें। ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, कम्युनिकेशन स्किल, रेफरेंसेस, रेफरेंसेस के बारे में कौन क्या जानता है। रेज्यूमे के अंदर हम एक लाइन बड़ा लिखते हैं, रेज्यूमे विल बी फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट, भाई अगर आप रेज्यूमे दे नहीं रहे उस वक्त तो लिखने की क्या ज़रूरत है कि मैं दे दूंगा, ठीक है, इस तरह तो 50 डिटेल हम लिख सकते हैं कि फलानी चीज़ मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ये प्रोवाइड कर दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स दे दूंगा, तो लेकिन अगर हम कुछ नहीं लिख रहे हैं तो उसको लिखने की क्या ज़रूरत है भाई, यानी अगर एम्प्लॉयर मांगे पर आपकी ये स्टेटमेंट ना लिखी हुई होती तो क्या आप नहीं देते, तब भी आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें, मेंबरशिप इन अ क्लब और एन ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सैलरी, रिसर्च स्किल्स, खैर इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं लेकिन इन जेनेरिक से बता दिया गया कि बहुत ज़्यादा मैटर ये करती हैं और वो कुछ कर रही होती मैटर नहीं। ओके नेक्स्ट, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कितने इंजीनियर्स पाकिस्तान से हर साल पास आउट होते हैं, किसी को अंदाजा है, 10,000, 20,000, अराउंड 5,000, तो एनडी के एक साल में हो जाता हूँ, 1,00,000 सर, 1,00,000, जहाँ जो मेरा मैंने एक दफ़ा कैलकुलेशन की थी इट्स अराउंड 50,000 के आसपास है इंजीनियर्स जो के पास आउट होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 2 साल के अंदर 2 बैचेस पास आउट हो रहे होते हैं, तो इस तरह से, खैर इतने सारे इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं तो क्या आपके अंदर ऐसा क्या है कि आपको दूसरे इंजीनियर के ऊपर फोकियत दी जाए। तो अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये सवाल पूछ लिया जाए कि व्हाट्स इन इट, मतलब आपके अंदर ऐसा क्या है कि हम आपको हायर करें, तो आपके पास क्या जवाब होगा, कोई दे सकता है जी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपके पास अंदर ऐसा क्या है, क्या जवाब देंगे आप जी? जी, आई हैव डन एक्स्ट्रा कोर्सेज विद वर्ल्ड इन माय डिग्री प्रोग्राम। जबरदस्त, ठीक है, और कोई जवाब देना चाहेगा या यही बता, चले आगे चलते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब है कि व्हाट्स, व्हाई यू आर सो स्पेशल, आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या स्किल्स एबिलिटीज हैं कि मैं एक दूसरे सेम बैच के सेम इंजीनियर सेम ग्रेड के इंजीनियर से स्टैंड आउट करता हूँ, और अगर नहीं आपके अंदर ऐसा कुछ तो फिर आपको एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कोई प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, अगर नॉर्मल इंजीनियर साल के अंदर पूरे अपने कोर्स के अंदर 2 इंटर्नशिप्स करता है आप 2 से ज़्यादा कर सकते हैं, नॉर्मल इंजीनियर अगर 1 प्रोजेक्ट कर सकता है तो आप उससे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स करें, ठीक है, ऐसे कोर्सेज जिसको करने के बाद आपके सीवी की वर्थ बढ़े, वैल्यू बढ़े, वो चीज़ें करें, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए ताकि आप बता सकें कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैंने क्या क्या कोर्सेज करे हुए हैं, मैंने क्या क्या मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी,
क्योंकि ये भी आप बता सकते हैं कि जो कि मुझे स्टैंड आउट करती हैं दूसरे इंजीनियर से, आप बता सकते हैं कि मैंने कॉन्फ्रेंस सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेट किया है, मैंने इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है, मैंने बहुत सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं, मैंने यूनिवर्सिटी मैगजीन के अंदर लिखा है, और बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जो कि हट के हो, कुछ ऐसा हो जो कि आपको स्टैंड आउट कर सके, कुछ ऐसा हो जिसकी बुनियाद पर आप कह सकें दिस इज़ माई यूनिक सेलिंग थिंग, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपके अंदर होना चाहिए, नहीं है तो एक्वायर करें, पैदा करें, ताकि आप इंडस्ट्री के अंदर पेनिट्रेट कर सकें। नेक्स्ट, ठीक है, बैक जाएगा। अगर आप जॉब नहीं मिलती बिल्फर्स, तो बेटर देन नथिंग आप कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो कि आप से अगर कोई पूछे कि क्या कर रहे हो तो आपके पास जवाब हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, आप मुँह छुपाते ना फिर रहा हूँ। तो एक यंग इंजीनियर्स के साथ ये भी बहुत होता है कि नए जो हमारे बुजुर्ग हैं वो बहुत पूछते हैं यहाँ भी आजकल क्या हो रहा है, तो एक ही जवाब होता है जॉब सर्च करो। तो उसके अलावा और कुछ करें, वॉलंटियर करें, किसी से बोले मैं तुम्हारी कंपनी में आके फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर दूँगा, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दें, कोई इंटर्नशिप कर दें, कोई ऐसा काम करें जो कि आप कह सकें मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, बेटर देन नथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर कुछ रेज्यूमे के ऊपर बात करेंगे। रेज्यूमे नेक्स्ट कर दूँ, एक रेज्यूमे मेरे पास आया था, बहुत कहने की बात है, फ्रेश ग्रेजुएट का है लेकिन इट्स वर्थ शेयरिंग। मैं अपनी हर इस तरह की जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसके अंदर बताता ज़रूर हूँ, प्रेजेंट करता हूँ, पाँच छः बार क्लिक करवा दीजिए। ठीक है, अच्छा दो साल पहले मेरे पास ये आया था रेज्यूमे, और आगे कीजिएगा, नेक्स्ट चार पांच दफ़ा क्लिक कर दीजिएगा, कुछ मैंने पॉइंट्स वहाँ पे लिखे हुए हैं वो बता दें। ठीक है, अगर नहीं आते मैं बताता हूँ। अच्छा, इस रेज्यूमे को देखते हुए आपको क्या क्या अच्छी बात फील हो रही है इसमें? जी सिंपल है, एक थीम आपको नजर आ रही है, थीम का रंग क्या है इसमें? ऑरेंज, ठीक है। इवन उसने अपनी जो डिस्प्ले पिक्चर लगाई हुई है उसके अंदर भी एक कलर वाजह है, ऑरेंज, रेड, येलो, ठीक है। तो इस के अंदर आपको एक है ना सिमेट्री नजर आ रही है, थीम नजर आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट इसके अंदर भरा हुआ नहीं है। तो ये एक अच्छा रेज्यूमे की क्वालिटीज़ हैं कि सिंपल होता है, प्रोफेशनल होता है, उसकी कोई कलर स्कीम होती है, ठीक है, एक थीम होती है, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइट स्पेस होता है। कोई शख्स हाथ में ले तो उसको पढ़ने के ऊपर मोटिवेट करे, ना कि उसका दिल चाहे कि नहीं यार इसको हटाओ, मैं कोई और चीज़ पढ़ लेता उसके बजाय, ठीक है। नेक्स्ट जाइएगा, फाइनली और आगे जाइएगा, और आगे, नेक्स्ट, कौन कंट्रोल कौन कर रहा है ये पीछे से कंट्रोल? अच्छा माउस मिल सकता है वो आगे, मैं जल्दी कर दूँगी इस प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरा रेज्यूम है जो कि मैं हमेशा बैड एग्जांपल के लिए तरीके से पेश करता हूँ, और है तो ये मेरे दोस्त है इसलिए मैंने उसका नाम हम छुपा दिया। तो इसके अंदर लॉगोज नज़र आ रहे हैं आपको जो कि बहुत ही ऑब्सोलीट है, पहले ज़माने में शायद इस्तेमाल होता हो लेकिन अब मतलब क्या ज़रूरत है लॉगो दिखाने की। फिर इसके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, सही है, उसने जो कुछ लिखना था लिख दिया इसके अंदर, वहाँ पर दो पैराग्राफ हैं, हर जॉब के साथ 10-10 पॉइंट है, किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि वो तमाम चीज़ों को गो थ्रू करें, ठीक है। इसको तो देख के आपको लग रहा हो कि क्या अजीब चीज़ बात है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन अजीब वगैरह लिखी हुई कि CNIC नंबर, अपना अपने अम्मू का, क्या क्या ज़रूरत है, किसके लिए अप्लाई करें, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये थी रेज्यूमे के हवाले से चीज़ें। टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं
मैं आपको इंटरव्यू के हवाले से कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैं एक इंजीनियर का इंटरव्यू ले रहा था और मैं अक्सर इस बात को प्रेजेंट करता हूँ कि जब वो मेरे पास आया तो मतलब हाँ पर आता, उसकी हालत ऐसी हो रही थी शायद अभी गिर जाएगा। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने बोला सब खैरियत है, क्या हुआ? तो थोड़ी देर उसके अवसान बहाल हुए तो उसने जवाब दिया, सलाम किया, बातचीत की। मैंने बोला तुम इतना घबराए हुए क्यों? तो उसने बोला दिस वॉज माई फर्स्ट इंटरव्यू। ठीक है, की पॉइंट क्या था कि पहली बार इंटरव्यू था, ज़्यादा वो घबरा रहा था। तो इसका हल क्या क्या निकल सकता है? अगर हम चाहते हैं कि इंटरव्यू के अंदर हम कॉन्फिडेंट हों, बेहतर तौर पर इंटरव्यू दे सकें, तो क्या करना चाहिए? हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू देने चाहिए। ठीक है, पहली बार कोई भी काम करोगे डर लगेगा, पहली बार लोग किसी से बात कर रहे होते हैं डर रहे होते हैं, पहली बार कोई किसी कोई बिजनेस कर रहे होते हैं तो डर रहे होते हैं। ठीक है, पहली बार शादी कर रहे होते हैं तो बहुत खौफ होता है, पहली बार जिंदगी के अंदर जो भी काम होगा उसके अंदर आपको डर लगेगा। तो डर को ख़त्म करने की इस जॉब के बारे से बात करें, डर को ख़त्म करना है तो क्या करना है, उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के लिए अप्लाई करो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज दो। इसी वजह से हम लोग इसी पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम के प्लेटफॉर्म से हम मॉक इंटरव्यू सेशंस करते हैं, ताकि कम से कम एक दो बार इंटरव्यूअर इंजीनियर बैठे किसी पैनल के सामने तो उसको पता तो एक्सपीरियंस हो कि किस तरह का इंटरव्यू होता है, किस तरह की प्रेशराइज माहौल के अंदर बातचीत चल रही होती है, दो तीन लोग सामने हों और एक के बाद एक सवाल आ रहे हों तो मैं कैसे हैंडल करूँगा। ठीक है, तो इट्स माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप फॉर इंटरव्यूइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यूज दें, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे अप्लाई करें। और दैट्स इट, कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज इसको रैप अप करते हैं। जूम के ऊपर जो लोग सुन रहे हैं वो उसमें से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें इंटरव्यू या रेज्यूमे के हवाले से वो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सैयद अवैस मुख्तार, आपके सामने बड़ी अहम गुफ्तगू रख रहे थे, यानी यंग इंजीनियर्स के लिए जो इस वक्त ग्रेजुएट हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं उसको रिपीट करूंगा इनकी बात में से, नेटवर्किंग के हवाले से मेरे उस्ताद कहा करते थे, योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ। तो उस बात पर जो है वो इन्होंने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू की, जज़ाकअल्लाह खैर। उसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत एक्सपीरियंस रिसर्च वर्क में अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इनका, असिस्टेंट प्रोफेसर है एनएडी यूनिवर्सिटी के, ग्रीन इंजीनियरिंग और नैनो टेक्नोलॉजी से आज कल लिंक हैं, उसके रिसर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर वो कुछ इंजीनियरिंग फील्ड्स के हवाले से आकर गुफ्तगू करेंगे। प्लीज़ वेलकम सर डॉक्टर साद नसीम। साद नदीम मेरा नाम है, डॉक्टर जो है वो पीएचडी करने की वजह से मैं लगाता हूँ साथ में, मुकम्मल डॉक्टर साद नदीम नाम याद है इसका। यहाँ पे जो मुझे टॉपिक दिया गया था वो है करंट इंजीनियरिंग ट्रेंड्स इन केमिकल पेट्रोलियम एंड पेट्रोकेमिकल सेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द न्यू इंजीनियर्स दैट आर नाउ इन द सर्च ऑफ जॉब। अच्छा, ये नाम बाकी ये कि मैं एनईडी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हूँ और वहाँ पे एज असिस्टेंट प्रोफेसर मैं जॉब कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो अभी 24 स्लाइड्स हैं लेकिन अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है ना, मुझे पीछे तो पहले ही बोल दिया था कि आपने 5-10 मिनट में इसको खत्म करना है। अब उसमें
जो करंट सिनेरियो है केमिकल इंजीनियरिंग का या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग का या पॉलीमर इंजीनियर्स का या हम कहें जो हमारे ये मटेरियल इंजीनियर्स हैं, तो उसमें एज सच जो बहुत ज़्यादा हम लोगों को ये खबर सुनने को मिलती है कि जॉब्स नहीं हैं, चीज़ें नहीं हैं, ये एक थोड़ी देर के लिए एक फैक्ट है, लेकिन आफ्टर 2-3 ईयर्स थोड़ा इस तरह, लेकिन 2 से 3 साल के बाद जो है ये चीज़ थोड़ी बहुत रिजॉल्व हो जाती है और उस वक्त जो है हम लोग कोई ना कोई नया तरीका सीखते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, कोई उसमें कामयाब हो जाता है और कोई नहीं भी हो पाता तो बहुत सारी लर्निंग जो है उसको हासिल हो जाती है। यही चीज़ हमारे सारे पिछले स्पीकर आपको बता भी रहे थे, तो मैं उसी के ऊपर अपनी बात को इस तरह से आगे लेके चलूँगा कि द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड द केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशन आर नॉट ऑलवेज व्यूड बाय द जनरल पब्लिक एज बीइंग वेरी इनोवेटिव फील्ड्स, क्योंकि हम लोग इसको देख रहे होते हैं कि भाई आप जाएंगे इंडस्ट्री में जाके जो है किसी भी एक उसके सेगमेंट के ऊपर जाके वर्किंग कर रहे होंगे। चलिए खैर, उससे पहले यहाँ पे कितने केमिकल इंजीनियर्स हैं कुछ मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? 6 हैं यहाँ पे, सही है, और कुछ ना कुछ ऑनलाइन भी होंगे तो हम इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, तो इसमें अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है फिर हमारा बन जाता है कि अगर हम इसमें से 36 हैं और इधर अगर हमारे पास बाकी 20 अपराध मौजूद हैं तो 55 में से 10 जो हैं वो 10% हो जाते हैं इससे प्लस बहुत। अच्छा खैर, और जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप लोगों को और बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश होते हैं जिसको मैं अभी इधर इस वक्त डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जो आप लोगों के लिए आगे करने की चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। दिस परसेप्शन में हैव सम वैलिडिटी के इफ़ वी कंपेयर द CPI केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, वी आर ऑल डिस्कसिंग इन लिंक विद ऑल द इंजीनियर्स, केमिकल इंजीनियर्स, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स, क्योंकि हम किसी भी एक फील्ड के अंदर किसी ना किसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, सो इफ़ यू कंपेयर द CPI विद द सो कॉल्ड टेक्नोलॉजी सेक्टर, तो जो भी टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसमें अगर हम जैसे आजकल जैसे मैं अभी नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड से रिलेटेड हैं, ठीक है, जैसे स्क्रीन्स हैं, स्क्रीन कवर्स हैं, चीज़ें हैं जो आपके लैपटॉप्स हैं, मोबाइल हैं, ठीक है, सेलफोन डिवाइसेज हैं, तो इसकी जो इनिशियल रिसर्च है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर नहीं कर रहा होता, वो केमिकल या मटेरियल्स इंजीनियर या पॉलीमर इंजीनियर कर रहा होता है, ठीक है। और उस रिसर्च को मास स्केल के ऊपर ले जाने के लिए भी केमिकल पॉलीमर या प्रोसेस इंजीनियर जो है वही वर्किंग कर रहा होता है, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा देखना होता है कि हम कौन कौन सी चीज़ के ऊपर जाके आगे वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। सो ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स टेंड टू ब्रिंग अबाउट चेंज एट अ रैपिड पेस, ठीक है, दिस इज़ वाई दे कम अप एज अ वेरी इमर्जिंग फील्ड, लेकिन उसके बैक एंड पे सारे का सारा काम जो है हम प्रोसेस इंजीनियर्स ही कर रहे होते हैं। द रिलेटेड बिजनेस एंड कमर्शलाइज प्रोडक्ट्स ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ बोथ क्विकली एंड कॉन्स्टेंटली, और बहुत तेजी के साथ वो चेंज भी होते चले जाते हैं, कॉन्स्टेंट बेस के ऊपर डेवलप भी हो रहा होता है और चेंज भी हो रहा होता है। अगली स्लाइड इसकी थोड़ी सी मुझे कर दीजिए। अच्छा जी हाँ, सो द केमिकल इंजीनियरिंग कंट्रीब्यूशन सच एज स्केल अप प्लांट डिजाइन, प्लांट ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर रिक्वायर्ड टू मूव दोज प्रोमिसिंग न्यू डेवलपमेंट्स टूवर्ड कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन आर ऑफन इनविजिबल, क्योंकि वो बैकएंड के ऊपर सारी की सारी चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस भी किए, फॉर स्मार्टफोन द डेवलपमेंट मास प्रोडक्शन ऑफ बेटर मटेरियल्स, और आजकल जो है वो हम जो केमिकल और प्रोसेस इंडस्ट्री में डिस्कस करते हैं वो डिस्कस कर रहे होते हैं जो आप लोगों के स्मार्टफोन्स की बैटरीज हैं, सही, और उनके अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल जो है, ठीक है, आप लोग लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर जो है आपको इस वक्त आपकी करंट टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हुई हुई है, तो इस वक्त लिथियम ईयर बैटरीज और मेटल ईयर बैटरीज के ऊपर वर्किंग जा रही है, और
कुछ नहीं पता कि किसी भी वक्त हमारे पास जो ब्रेक थ्रू आ जाए इसके टाइम स्पेन को बढ़ाने में, सही है? तो अगर वो चीज़ किसी भी वक्त में आ जाती है तो पूरी पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एकदम चेंज हो जाएगी, और उसकी जो इस वक्त लिथियम के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है वो ख़त्म हो जाएगी, और लिथियम के बाद जो है बेरिलियम है और बहुत सारे दूसरे मटीरियल्स हैं उसके साथ मेटल ईयर बैटरीज जो है वो एक बिल्कुल प्रॉमिसिंग और नए क्या कहना चाहिए एक सब्स्टिट्यूट के तौर पे सामने आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बैकएंड पे जो केमिकल या प्रोसेस इंजीनियर्स हैं, पॉलीमर या मटीरियल इंजीनियर्स हैं, ये सारे वर्किंग कर रहे होते हैं। और अगर आप इसके ऊपर जाएँ और सर्च करें और इसके ऊपर क्या कहना चाहिए थोड़ा सा एफर्ट भी करनी पड़ती है और थोड़ा सा पैसा भी लगाना पड़ता है किसी चीज़ के ऊपर, सही है? तो आप इससे बहुत कुछ अच्छा जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट इसमें इस तरह से डिस्कस नहीं हुआ हुआ लेकिन वो है, इस वक्त हमारे पास जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट है, इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला म्यूनसिपल वेस्ट है, सही है? और म्यूनसिपल वेस्ट में हमें अंदाजा ही नहीं कि हम किस तरह के म्यूनसिपल वेस्ट जो है वो जनरेट कर रहे हैं। हम घरों से म्यूनसिपल वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, सॉलिड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, लिक्विड वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद फिर हम जो है होटलों से वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, होटल्स इस वक्त होटल्स का बिजनेस बूम पे है ना, सही है? और कितना कचरा होटलों से किस किस तरीके से जा रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स की शक्ल में जा रहे हैं, ठीक है? और उनके जो पॉलीस्टाइरीन बॉक्सेस वाइट बॉक्सेस होते हैं उसकी शक्ल में जा रहे हैं। अब प्लास्टिक्स को भी हम सब डिवाइड करना शुरू करते हैं उसी कैटेगरी में। उसके बाद फिर जो खाने की चीज़ें हमारे पास बच जाती हैं, सही, बायोडिग्रेडेबल मटीरियल है, ये एक अलग जो है वो वेस्ट की शक्ल में हमारे पास जा रहा है, ठीक है? अगर हम इसको ही सिंक्रोनाइज कर लें और इसको किसी एक इस तरह से इकट्ठा करना शुरू कर दें तो हमारे पास उसके बहुत सारे तरीक़ेकार मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए से हम उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। एक तरीका जो है मैं आपको बताता हूँ कि जो इस वक्त म्यूनसिपल वेस्ट से हम फ्यूल ऑयल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? और उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टर सिस्टम क्रिएट करना है, उसमें फास्ट पायरोलिसिस वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया है और जर्मनी है वो फास्ट पायरोलिसिस टेक्निक को 2 सेकंड की टेक्निक को डिस्कस करते हैं, लेकिन उसमें उसको सॉलिड चाहिए, एमरफोस स्टेट में चाहिए और पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए, सही है? कि उसके जो है मटीरियल 2 माइक्रॉन से ज़्यादा का ना हो, 2 से 4 माइक्रॉन, तो ये उनकी जो है सॉरी 2 से 4 मिलीमीटर, सॉरी, सही है? तो ये पार्टिकल साइज उनको चाहिए। तो टेक्नोलॉजी जगह के हिसाब से चेंज हो सकती है, हमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि हम जो है क्योंकि हमारे पास उतने अच्छे सिस्टम नहीं है तो हम उसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल जनरेट करने में, वो गैशियस फ्यूल है, ठीक है, या लिक्विड फ्यूल है। तो एक प्रोजेक्ट तो मैं भी अभी इस वक्त कर रहा हूँ और उसको हमने यूनिवर्सिटी स्केल के ऊपर हमारे जो है वो कहते हैं फंडिंग के लिए आगे किया भी और स्क्रीन आउट भी हुआ, पर वो टॉप 40 के अंदर है, उसमें से भी शायद स्क्रीन आउट उसमें होना है और इट विल बी इन टॉप 20 इंशाल्लाह, तो फिर वो उसको हम आगे एक्सक्लूड भी करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप लोग कर सकते हैं अपने एंड पे। ये तो एक चीज़, मैं मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद था कि मेरे पास करने के लिए स्टूडेंट्स थे, लेकिन आप वैसे स्टूडेंट इस चीज़ को खुद से भी कर सकते हैं, प्लास्टिक बॉर्डर्स को श्रेड करके उसको आगे आप वर्किंग में लेके आ सकते हैं, उससे फाइबर बना सकते हैं और उस फाइबर को जो है आप किसी भी जगह पे कपड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ करना है केमिकल इंजीनियर को उसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, उसको किस तरह से शेड करना और उसको आगे लेके चलना है। तो ये जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं और उससे आप पाकिस्तान बहुत अच्छा टेक्सटाइल प्लेयर है, ठीक है, तो आप इसमें एक ये वर्किंग कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स हैं कि जो छोटी इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और आप उसको कर सकते हैं बीइंग केमिकल इंजीनियर, बिकॉज यू नो विच टाइप ऑफ मटीरियल यू नीड, सही है, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट इट, और जस्ट आपको एक सप्लाई चेन का एक सेटअप जो है वो क्रिएट करना है। तो अभी केमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशन या पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रोफेशन के स्टूडेंट्स को एक सप्लाई चेन का जो है वो एक सब्जेक्ट आप ऑनलाइन इसको स्टडी कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा मदद देगा, ठीक है? मुझे बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं इसको आगे परसू करूँ, लेकिन मैं क्योंकि एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर के थ्रू चल रहा होता हूँ तो मैं उस तरह से उसको नई चीज़ों को कर सकता, लेकिन इट हैज़ बहुत बहुत बड़ा उसका स्कोप है मौजूद इस मुल्क के अंदर, सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि इस शहर के अंदर इसका बहुत बड़ा स्कोप मौजूद है, सही है? अच्छा, हम आगे चलते हैं। एक स्लाइड आगे कर दीजिएगा।
So we chemical engineers are in an ideal position to develop solutions for some of today's most important problems, such as providing food, potable water, goods and energy to growing population. इसको हम किसी भी अंदाज में डिस्कस कर सकते हैं, सही है? Satisfying these needs via conventional methods would be impossible and potentially disastrous for the planet. अब उसमें इस ये जो दो तीन चीजें लिखी हुई है उसमें वर्टिकल फार्मिंग है, दीगर चीजें हैं, ये आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा जो है इनडेप्थ नॉलेज की भी जरूरत नहीं है। आप जाएं किसी भी एक 100 गज की किसी भी जगह ले लें और उसके ऊपर वर्टिकल फार्मिंग कर लें किसी भी एक चीज की, किसी भी एक सब्जी की, किसी भी एक उसकी, हद तक आप जाफरान भी उगा सकते हैं, जाफरान उगाएं और आप जाफरान बेचें, ठीक है? सो यू हैव सो मेनी थिंग्स, बट यू मस्ट हैव सम इन्वेस्टमेंट एट हैंड। ये इशू है। अच्छा, खैर, significant advances are needed to improve productivity and yield of crops, reduce environmental contamination, improve energy and water stewardship and more. ये drip irrigation वगैरह ये चीजें जो है वो chemical engineers ही ने उसको introduce करवाया, और आप भी अपने मुल्क में आप किसी भी बंदे के पास जो है मुल्तान है, फैसलाबाद है, इधर बहुत लोग जो है इसके बारे में सोचते भी हैं, तो आप उधर जाके किसी के साथ वर्किंग कर सकते हैं कि भाई हम आपके जो इस वक्त फील्ड है उसको हम छोटे सी जगह पे कितना ज़्यादा जो है उसकी जो है यील्ड पर यूनिट एरिया जो है हम बढ़ा सकते हैं, कि उसको अगर हम सिर्फ ट्रे प्लांटेशन के ऊपर ले जाएं, ठीक है? वाटर सर्कुलेशन को आप डिस्कस कर सकते हैं, उसके मिनरल्स के हिसाब से उसको डिस्कस कर सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा एक और सिनेरियो है। अगली स्लाइड ये चलिए इसको फिर जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है? सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस दैट हैव ग्रेट पोटेंशियल, थोड़ा सा उसको चलिए अब बहुत ही तेजी से चल रहे हैं तो हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक आगे और स्लाइड कीजिएगा। एक वो है पाई चार्ट हमारे पास, हम उस पाई चार्ट की तरफ चलते हैं। आगे 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 कर दीजिएगा। और आगे कर दीजिएगा। नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो मटेरियल्स है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा इस वक्त वर्किंग है, और ये बहुत सारे वंडर्स भी हमें करके दे रही है, सही है? कि जो हमारे पास वो इरिगेशन है उसमें हम किस तरह से अपनी जो सॉइल है उसकी स्वेलिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ा लें, और हमारी सॉइल जो है वो उतनी देर स्वेल रह लें कि हमारा जो पानी है वो नीचे ना जाए। जितनी देर पानी नीचे नहीं जाएगा वो पानी हमारा पौधा ले सकता है, अपटेक कर सकता है, ठीक है? तो हमारे जो वाटर कंजम्पशन है वो बहुत कम हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? हमने इसके ऊपर भी वर्किंग करी है और मैंने भी इस पर वर्किंग करी है, तो ये मार्वल्स हैं कि अगर हम इसको आगे थोड़ा सा भी आगे लेके चलें और इंडस्ट्रियलाइज करें तो बहुत ये हमें अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। आगे कीजिएगा। एरोजेल, जीरोजेल के ऊपर बहुत बहुत इस तरह से काम हो चुका है ये। हाँ, ये आठवीं और नवीं स्लाइड जो है वो हम इसको देख लेते हैं। एडवांस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं ये, इसके ऊपर अभी जो है एक इंडस्ट्री ने अपना एपीआई का प्लांट लगाया है, सही है? बल्कि लगा रहे हैं वो। तो एपीआई आर बेसिकली रॉ मटेरियल फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। इसके ऊपर आप लोग वर्किंग कर सकते हैं कि किस तरह से हम जो है किसी भी एक सिंपल रॉ मटेरियल से एक एपीआई को जो है, जैसे आइबोप्रोफिन है, यहाँ पे आइबोप्रोफिन डायरेक्ट आता है और वो जो है पैक होके और लोगों तक पहुँच जाता है, तो उस आइबोप्रोफिन को आप किस तरह से 6 स्टेप्स में बना सकते हैं, 3 स्टेप्स का प्रोसीजर है, ठीक है? तो वो दो तरह के प्रोसीजर्स को आप कंपेयर करके कि हाँ भाई हम किस चीज़ को किस तरह से कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको आरएनडी उसके ऊपर करना पड़ेगा, और यू कैन हैव अलॉट ऑफ पे क्या कहना चाहिए मनी इन्वॉल्व इनिशियल फेज, बट इट विल पे ऑफ यू वेरी क्विकली, क्योंकि इस वक्त हमारी जितनी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें चाहिए, और वो सारी चीज़ें जो है वो
चाइना से और बाहर से मंगवा रहे होते हैं, अगर वो एपीआई आप एक या दो भी डेवलप कर लेते हैं, इट इज इनफ फॉर यू, सही, फॉर योर लाइफ टाइम, या आप उसी के ऊपर बैठ के जो है वो खाते रहें। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग इसमें एड कर सकते हैं। आठवीं स्लाइड का ये ये गोल चक्कर है, सही है, और इसमें हमने जो है इंजीनियरिंग आरएनडी, कमर्शियल आरएनडी और इस तरह से इन सारी चीज़ों को जो टेंथ के अंदर मजीद थोड़ा हुए, हम उससे भी आगे चलते हैं। इलेवेंथ पे आ गई है प्लीज। बल्कि इलेवेंथ को भी छोड़े, थर्टीन पे आ जाए, 13 को बताओ, 13 स्लाइड पे इससे एक और नहीं। हाँ ये सही है, ये हमारी जो है वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन बाय फ्यूल है, कि जो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 1990 से लेकर 2035 तक ये डिस्कस हुई हुई है, और 2008 इसका जो है बेस लाइन है कि जिससे हमने आगे प्रिडिक्ट किया इसको, ठीक है। तो लिक्विड्स और कोल और नेचुरल गैस ये किसी भी वक्त में कम होने वाली नहीं है, सही है, इनकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा मौजूद है। वर्ल्ड एनर्जी कंजम्पशन यानी कि इट विल बी कंज्यूम, इट नीड्स टू बी प्रोड्यूस, इसका मतलब है कि इसको उतना प्रोड्यूस भी होना है, तो ऐसा नहीं है ना कि अभी प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा आगे, वो मुस्तकबिल आगे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ज़्यादा रिफाइनरी चाहिए हमें, ज़्यादा चीज़ें चाहिए, ज़्यादा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स चाहिए, ठीक है, उससे उतनी ज़्यादा प्लास्टिक्स बनने, तो हर चीज़ की अपनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके तरीक़ेकार जो है वो तब्दील हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास रिन्यूएबल्स और न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो थोड़ा थोड़ा अपना क्या कहना चाहिए हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसका एक बहुत बहुत छोटा सा ही हिस्सा है, उससे ज़्यादा आगे बढ़ नहीं सकते, लेकिन रिन्यूएबल्स जो है उसके अंदर हम लोग काम कर सकते हैं कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने फ्यूचर एंडेवर्स के अंदर, ठीक है। आगे ये 14 स्लाइड कीजिएगा, और ये हमारे पास जो है 2025 तक का शेयर है कि जो किस किस के पास है, इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस के पास है, डेवलपिंग नेशंस के पास है, ठीक है, और फिर ईस्टर्न यूरोप है, ठीक है, और फिर सोवियत यूनियन है, तो इनके पास कौन कौन सा शेयर है, और डेवलपिंग कंट्रीज के पास जो है वो कितना शेयर है, तो ये हम लोग जो है वो अब इसमें से आप खुद ही देख सकते हैं कि किस उसमें फिट हो सकते हैं। तो वी हैव द पोटेंशियल कि भाई हमारे एक तो हमारे पास एक तो कंजम्पशन ज़्यादा है, तो हम इसमें जो भी इंडस्ट्री लगती है, जो भी आगे काम है उसमें हम हायर हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, वैसे बीपी की एनर्जी आउटलुक जो है वो 2030 और अब शायद 2045 के लिए भी आ गई है, तो वो भी हमें बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इंसाइट दे सकती है। अच्छा, ओवर केमिकल इंजीनियर्स, इसमें हम लोग बाकी भी चाहिए पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स को भी शामिल कर लेते हैं कि दे आर केमिस्ट इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस एंड दे आर द ब्रिज बिटवीन टेक्नीशियंस एंड मैनेजमेंट, और ये ब्रिज जो है आप इसका रोल और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक दो कोर्सेज हिसाब भी कर लेते हैं, आयुष के कर लेते हैं, एनर्जी ऑडिटर वगैरह कर लेते हैं, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम से कर लेते हैं, तो यू गेट बेटर एंड बेटर, सही है, टाइम एज फार एज योर वर्थ इज कंसर्न, आप भी वर्थ भी बढ़ती चली जाती है उस इंडस्ट्री में। अच्छा जनाब, ट्राइंग टू कन्वर्ट रॉ मटीरियल टू फिनिश प्रोडक्ट्स, ये सारे काम केमिकल इंजीनियर कर रहा होता है। 17 पे आ जाइएगा जनाब, ठीक है, 17 पे। अच्छा जनाब, हु आर वेटिंग फॉर देम इन पाकिस्तान, केमिकल इंजीनियर्स को जो हायरिंग जहाँ जहाँ पे हो सकती है, या पेट्रोकेमिकल इंजीनियर्स की या मटेरियल इंजीनियर्स की, तो सीमेंट सेक्टर जो है वो हमारा बहुत बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है, अटक है, चिराट है, DGK, फौजी, फैक्टो, ठीक है, जावेद खान, तो खैर अब तो नया नाम बात, खैर उसको तो हम छोड़ देते हैं। अच्छा जनाब, तो हार्ट है,
बहुत ये सारे सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं कि जिस जो इसके अंदर अभी सारी कवर भी नहीं हुई है, ठीक है। भी एक तो केमिकल इंडस्ट्रीज में सीमेंट इंडस्ट्रीज को पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बनी हुई है और इसको सॉल्यूशंस भी चाहिए, ठीक है। जो साइलो की मूवमेंट्स हैं, साइलो ये बहुत पुराने लगा दे, तो उसके लिए आपको, चलिए मैं बस जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करता हूँ, ठीक है। उसमें साइलोज हैं, इलेक्ट्रोसिटिक प्रेसिपिटेटर्स हैं, इसके ऊपर बहुत सारी वर्किंग है, और जो क्लिंकर फॉर्मेशन है उसमें कोल के ऊपर के कोल को हम किस तरह से जो है रिप्लेस करने किसी और चीज़ से, उसके ऊपर बहुत सारी R&D जो है वो हो सकती है। तो आप उसके ऊपर कोई भी सोल्यूशन लेके आए तो इट विल वर्थ, ठीक है। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। रिफाइनरीज हैं, और रिफाइनरीज में जो आजकल सबसे बड़ा इशू है वो है एनर्जी कंजम्पशन का, ठीक है। तो हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं कि जो हमारी एनर्जी स्ट्रीम्स को डील कर सकते हैं, हिंट है और दीगर तरह के हीट एक्सचेंजर नेटवर्क सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। और एसपिन का अपना हीट एक्सचेंजर नेटवर्क का सूट है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से उस हीट इंटीग्रेशन को आपके पास करके देते हैं कि जिससे आप बहुत अच्छा फिजिबल वायबल और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन फॉर एनर्जी कंजम्पशन और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन आप दे सकते हैं अपनी इंडस्ट्री को, अगर आप उनका इस्तेमाल करें, ठीक है। आगे आ जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं यूरो 4 की तरफ जिस तरह से हम चाह रहे हैं, तो डीसल्फराइजेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा वो है कि अब आपको डीसल्फराइज फ्यूल चाहिए और यूरो 4 स्टैंडर्ड्स आपको जो है फॉलो करने हैं, तो अभी पाकिस्तानी इंडस्ट्री इसका भी रही नहीं रिफाइनरी, तो अगर आप लोग उसके ऊपर वर्किंग कर लेते हैं तो यू विल बी मोर देन नीडेड, कि भाई आपको जो है वो चीज़ें पता हैं कि जिस तरीके से आप यूरो 4 को मैच करवा सकते हैं, चाहे डीजल की हाइड्रो डीसल्फराइजेशन है, सही है, कैरो की है, जितनी भी चीज़ें जेट फ्यूल्स वगैरह के लिए, तो अभी PIA और इनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगने वाली हैं मजीद भी, सही है। तो अगर आप वो उस हवाले से इसके ऊपर वर्किंग करें तो रिफाइनरीज को इस वक्त स्किल्ड लोग चाहिए कि जिनको वो पता हो चीज़ें, सही है। अच्छा जनाब, पावर जनरेशन है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पावर साइकिल्स हैं वो उनकी एफिशिएंसीज को आप बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इंटरकूलर्स के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, आपके जो जो ड्यू पॉइंट्स हैं ड्यू पॉइंट्स के हिसाब से आप जितना वाटर से आप हीट एक्सचेंज करवा सकते हैं, सही है। जो कूलर हैं हमारे उसके ऊपर हम बहुत बहुत सारे काम कर सकते हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं इनके, उनमें जो है जो BOD COD लेवल्स हैं TGS हैं, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इसकी नॉलेज आपको इसके ऊपर होनी चाहिए। आगे अगली स्लाइड पे चलते हैं 24 पे। ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जो करंट प्लांट्स हैं उसके अंदर जो प्रोपेन चिलिंग वगैरह है उसके अंदर हमें बहुत सारे इश्यूज आते हैं कंप्रेसर्स में, चीज़ों में, ठीक है। हमारे पास जो अमाइन सेक्शन हैं उसमें अमाइन को डिग्रेड करना, अमाइन को यूज़ करना, तो इसमें बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं और आपको उसका कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं मिल रहा होता उसको उसमें, तो ये आप लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जितनी भी हमारी ये थ्री फेज सेपरेटर हैं इसके ऊपर आप काम करके एक अच्छा थ्री फेज सेपरेटर जो है सजेस्ट कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ अमूमन नहीं लगे हुए होते, ठीक है। तो गैस और इंडस्ट्री में भी हमारे पास जो ऊपर प्रोसेसिंग फैसिलिटी है उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। 21 का ये बस, यानी कि सिर्फ अमाइन और सिंपल जो हमारे पास मेकअप वाटर वगैरह डिस्टिल्ड वाटर और ये छोटे छोटे चीज़ें इसकी सप्लाई बहुत ज़्यादा उधर रिक्वायर्ड होती है, तो और ये उधर लोगों को नहीं अंदाजा होता, तो वो सिर्फ बड़े जाइंट से खरीद रहे होते हैं, आप लोग वो भी बेच सकते हैं उधर। फर्टिलाइजर सेक्टर है, ठीक है। अब FFPL है कि जिसके अंदर पूल रिएक्टर है, पूल रिएक्टर उसके अलावा और किसी के पास नहीं है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है किस तरह से चेंज हो रही है और पूल रिएक्टर के बाद अब हम उसको मजीद किस तरह से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूरिया प्रोडक्शन के लिए, सही है। और जो हमारे पास डाई यूरिया बन रहा होता है उसको हम किस तरह से जो है सही कर सकते हैं इस मसले को, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप केमिकल इंजीनियरिंग मैगजीन वगैरह है इसको पढ़ें तो इसकी बहुत सारी चीज़ें आपके पास सॉल्व हो सकती हैं। 22nd स्लाइड, खैर ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, इसके अंदर हमारे पास पेट्रोलियम इंजीनियर्स वगैरह जो है ये वर्किंग कर सकते हैं कि भाई, खैर थोड़ा सा भी उसमें है सिलसिला के बहुत तेज़ हायरिंग नहीं है, लेकिन इट विल बी ओवर देयर।
आफ्टर सम टाइम 23rd स्लाइड हम देख लेते हैं ताकि फिर उसको आप समाप्त करेंगे। EOR के इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त अमल दखल है कि आप जो है पॉलीमर EOR के ऊपर जा रहे हैं, केमिकल EOR के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, या स्टीम से जो है वो ER के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर हम ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी है, इसके अंदर आप लोग जा सकते हैं अगर आपने मुख्तलि सॉफ्टवेयर के ऊपर काम किया हुआ है, ठीक है। अच्छा जनाब, आगे हम लोग चलते हैं लास्ट राइड के ऊपर 24th। और ये केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स हैं, इसमें हमें सर्फेक्टेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग आजकल रिक्वायर्ड है, ठीक है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमें कहती हैं कि भाई आप हमें इस तरह का सर्फेक्टेंट बना के दें, ये चीज़ ग्रीस में जो है हमारे पास ये चीज़ इशू आ रहा है। तो बहुत सारे ये इशूज़ हैं कि जो हम जिनको एड्रेस कर सकते हैं, बींग केमिकल पॉलीमर या पेट्रोकेमिकल या मटीरियल इंजीनियर, हम लोग इन सारी चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर। तो जैसे जैसे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं वैसे वैसे इनको सर्फेक्टेंट्स और इंटरमीडिएट जो है उनकी रिक्वायरमेंट उसी हिसाब से इनकी चेंज होती चली जा रही है। तो यहीं तक मैं अपनी सारी चीज़ें रखूँगा। तो देर इज़ अलॉट ऑफ स्कोप आउट देयर, ठीक है, बस उसको हमें समझना है और उसको आगे लिखे। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। वेस्ट मैनेजमेंट में हम लोग कुछ भी नहीं करते, कहते हैं ये भैंस कॉलोनी जो है सही है, इसमें कितना जो है ये वेस्ट जनरेट कर रहा है, उस वेस्ट से आप बायोगैस बना सकते हैं, उस वेस्ट से आप उस वेस्ट से आप बेहतरीन फर्टिलाइजर बना सकते हैं। हर हर 8 से 9 साल बाद ना एक समरी आती है, पीपल्स पार्टी के दौर में एक समरी गई थी, वो अप्रूव है उसके ऊपर, हाँ भाई चलो यहाँ पे जो है बायोगैस जनरेशन प्लांट लगेगा, उसके बाद वही समरी जो है इस हुकूमत ने दोबारा निकाली, सही है, उसको दोबारा का हायर फिर लगेगा, सही है, और अगले 10 साल बाद फिर दोबारा कोई और हुकूमत आएगी, वो फिर दोबारा निकालेगी और फिर वो लग रहा होगा। तो आप जाएं और लगा लगा दें, तो हम इधर सेल कर रहे हैं, आप उधर से जो है एक नेचुरल गैस का सब्स्टिट्यूट दे रहे हैं, सही है, आप नेचुरल गैस की स्पेक्स ही दे रहे हैं। अगर आप उस बायोगैस जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से आपको अगर मीथेन ईथेन प्रोपेन मिलता है, आप मीथेन और प्रोपेन को अलग कर लें, ठीक है, और आप मीथेन को बेच दें, उधर जो मौजूद इंडस्ट्री है उसी को बेच दें, सही है, उसकी जो नेचुरल गैस रिक्वायरमेंट है, तो आपको तो कुछ नहीं आ रहा, आपने सिर्फ एक वेस्ट को जो है जो उस जगह के लिए खुद एक मुसीबत है, उन लोगों को फेंकना होता है हर रोज हर घंटे हर 15 मिनट के बाद उनके लिए एक मुसीबत है, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ एक वेस्ट मैनेजमेंट का बता रहा हूँ, ठीक है, उससे पहले मैं बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस, तो बहुत सारे आइडियाज हैं, चीज़ें हैं, हम लोग उसको कर सकते हैं और करने की ज़रूरत है, सही है, बात होती है, अप्रूव भी हो जाती है, बहुत सारी पैसे भी चले जाते हैं और हुकूमत पैसे भी अदा कर चुकी है 2 दफ़ा घंटे, सही है, अरबों रुपये जा चुके हैं, लेकिन वो लिखती नहीं है चीज़ें। तो आप अगर किसी के पास पैसे हैं तो थोड़ा बहुत भी करें, एक दूसरे के साथ आप लोग काम करें, तो इवेंट वो ठीक है। कासिम अली शाह कहते हैं, बात को सुनकर उस पर अमल करना जरूरी नहीं होता, उस पर गौर करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर जितने भी स्पीकर्स, जितने भी प्रेजेंटर्स आपके सामने आएंगे और जो ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, तो जरूरी नहीं कि आप इन तमाम की बातें सुनकर उनको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर दें फौरन, हाँ उन पर थोड़ी देर रुक कर गौर जरूर करें, यकीनन इससे फायदा होगा। हम अपने नेक्स्ट स्पीकर की तरफ बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह असर का ब्रेक लेंगे 5:30 पर। हमारे नेक्स्ट स्पीकर हैं पाकिस्तान की नंबर 1 IT यूनिवर्सिटी से लिंक हैं और PhD हैं CS और IT में। सर साथ में आपको केमिकल और पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बताया, सर से आपको बड़ी इनसाइट्स मिलेंगी कंप्यूटर और CS IT की फील्ड्स के हवाले से। प्लीज वेलकम सर हसान, डॉक्टर सैयद हसान जमील। हसान जमील सर, माय नेम इज डॉक्टर हसन जमील, आई हैव अ लिटिल डाइवर्स बैकग्राउंड, आई डिड माय बैचलर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन आई डिड माय मास्टर्स इन टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, एंड इन 2015 आई स्टार्टेड माय PhD क्लाउड कंप्यूटिंग व्हिच इज कंप्यूटर साइंस फील्ड।
So now I work as an assistant professor in FAST University. Slide share, please. अच्छा मेरा जो टॉपिक है वो आईटी कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन इस एरिया की जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं उसके मार्केट के ट्रेंड्स क्या हैं और जॉब इंडस्ट्री क्या है. नहीं ये तो साथ डॉक्टर साथ की स्लाइड्स थी. लोगों के इनमें है ही कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है यानी जो टेली कम्युनिकेशन की फील्ड के अंदर जो इंजीनियरिंग करके निकल रहे थे वो ट्रेडिशनली जो है वो टेलीकॉम की कंपनीज हैं, ISPs हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं और साथ साथ जो टेलीकॉम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मतलब कहना चाहिए कि जो मोबाइल कंपनीज हैं टावर्स और उनका जो नेटवर्क के ऊपर वो जॉब्स जो हैं वो सर्च करते रहते हैं. इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट की जगह प्लीज नेक्स्ट नेक्स्ट की फुल स्क्रीन सो फुल स्क्रीन कर दें F5. स्लाइड शो कर दें स्लाइड शो और नेक्स्ट कर लें. तो ट्रेडिशनल जो जॉब्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंट्रोल की इंस्ट्रूमेंटेशन की जॉब है, ऑटोमेशन की, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की जॉब्स हैं, सोलर सिस्टम में ऐसी टेली कम्युनिकेशन में सेलुलर मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, ISPs हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हैं. नेक्स्ट ही है नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा प्लीज. अच्छा वो नीचे से ऑपरेट हो रहा कम्युनिकेशन गैप है तो टाइम भी मुझे 10 मिनट दिया फिर 2-3 मिनट तो मेरे यही नेक्स्ट नेक्स्ट में निकल जाना. अच्छा देखिए ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस की जो जॉब्स हैं जो मेरा ख्याल है कि जो यहाँ लोग मौजूद हैं उसमें बहुत कम होंगे जो कंप्यूटर BS हो यानी BS कंप्यूटर साइंस. मोस्टली हमारी यूनिवर्सिटी का ट्रेंड ये है कि बैचलर्स 8 सेमेस्टर में स्टूडेंट होते हैं हायर हो जाते हैं मोस्टली. वजह यह है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर इस वक्त मार्केट जो पाकिस्तान की मार्केट है उसके अंदर प्रॉमिंग की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं और जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनके स्टूडेंट अभी पास आउट नहीं होते कि उनकी हायरिंग हो जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर आके लोग हायर करके ले. लेकिन उसके साथ साथ देखें कि नेटवर्क्स की जॉब है, इसी तरह आईटी सपोर्ट की जॉब है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर सिस्टम, आईटी, इन सब मिक्स फील्ड्स की मैं जॉब डिस्कस कर रहा हूँ. इन सब जॉब्स को आप सब जानते हैं, जो लोग इस फील्ड से रिलेटेड हैं उनको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये जॉब्स मार्केट में मौजूद है. ठीक है, इसी तरह सिस्टम्स आईटी सपोर्ट की है, डेटाबेस मैनेजमेंट की जॉब है. इसी तरह फिर कुछ लोग होते हैं जो अपना कैरियर टीचिंग की तरफ लेके आते हैं. तो आईटी में या कंप्यूटर साइंस में टीचिंग में इस वक्त बहुत स्कोप है. बहुत ऑब्वियसली इट्स अ वेरी टफ मतलब मुश्किल रास्ता है. आप यहाँ पे बैचलर कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से जो बैचलर करके निकल रहा है वो 60-80,000 मार्केट में ले रहे हैं. ठीक है, और जो टीचिंग का वे है वो बहुत टफ है. मतलब एक बच्चा जो है बैचलर करके निकल रहा है तो हम उसको ऑफर कर रहे हैं कि आ जाओ तुम लैब इंजीनियर या इंस्पेक्टर के लिए, हम क्या दे देंगे आपको, हम 40-45 दे देंगे यूनिवर्सिटी की जो मार्केट ट्रेंड आपको बता. तो दिस इज वेरी टफ वे, बट कुछ लोग कैरियर के तौर पर इसको ज्वाइन भी करते हैं, आते भी हैं, फिर मास्टर्स PhD के बगैर आपका इसमें कैरियर नहीं. नेक्स्ट की जगह प्लीज. अच्छा, इसके साथ साथ देखें ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं. जो अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं करेगा वो ऑब्सोलीट हो जाएगा, मार्केट में उसकी वर्थ नहीं रहेगी. तो ये सारी जॉब्स हैं और कुछ अरसे तक शायद रहेंगी भी, लेकिन इनमें से बहुत सारी जॉब शायद डिसअपीयर भी हो जाएं. जो मुझे लगा कि शायद मैं मास्टर्स करने जाऊंगा, वापस आऊंगा तो लोग एयरपोर्ट पे हाथ फूल लेके खड़े होंगे और कहेंगे आइए सर आप ही के लिए तो खड़े थे, आप UK से मास्टर्स करके आए, आइए बड़ी अच्छी जॉब आपके लिए. और उस वक्त रिसेशन था और टेलीकॉम इंडस्ट्री बुरी तरह से जो है ना वो मुतासर हो गई. यानी आप ये यकीन करें कि मैं जॉब के लिए जाता था, दो तरह के आंसर होते थे इंटरव्यू के लिए, आइदर आप ओवर क्वालिफाइड हैं या आपको तो हमारी फील्ड में एक्सपीरियंस ही नहीं है, मतलब के किसी तरह भी हमारा रखना नहीं है. तो इस तरह के हालात जो है वो पेश आ सकते हैं. नेक्स्ट करें प्लीज, स्लाइड नेक्स्ट कीजिएगा, जो भी स्लाइड मैनेज करें. तो आपको अपने आप को अपडेट करना है करंट ट्रेंड्स को देखते हुए.
तो इस वक्त जैसे इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर एक बहुत बड़ा एरिया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, स्लाइड को मैं बस एक दो चीजें पढ़ गई। इसी तरह रोबोटिक्स है, स्मार्ट ग्रिड है, ठीक है, इनके ऊपर काम हो रहा है। ये वो फील्ड्स हैं जो अभी हम शायद ये सोच रहे हो कि पाकिस्तान में कहां ये चीज होने वाली है। ऐसा नहीं है, टाइम तेजी से चेंज होता है। इस वक्त सिंपल आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड आप एरिया देखें, मिसाल के तौर पे इस वक्त अगर कोई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में रिसेंट ईयर्स में आई है तो वो किस आपके इल्म में? किसी को पता है कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर कोई किसी पाकिस्तानी किसी कंपनी के अंदर हुई है तो वो किस एरिया में हुई है? मोबाइल एंड ऑटोमेशन में। क्या ना, क्या नाम है कंपनी का? सही है, कितने मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी आपके अंदर ख्याल में? अच्छा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरा अंदाजा है कि इस वक्त सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आ रही है वो स्टार्टअप कंपनीज है। मिसाल के तौर पे ये जो वैन की कंपनी थी SWVL ऐसे कुछ सोहेल करके उसका नाम, इसी तरह से और जो कंपनीज थी, कुछ बाहर की कंपनी जैसे करीम है, बाइकिया है, तो आप ही देखें ऊबर है और इस तरह की, ये आप देखेंगे इनका रेवेन्यू कितना है, कितनी तेजी से इन्होंने बूस्ट किया। इसी तरह आप थोड़ा सा एक्सपोजर इंटरनेशनल करें तो इंडिया की तरफ चले जाएं और मुल्कों में देखें तो वहां पर भी बहुत तेजी से ये चीजें बूस्ट कर रही है। तो आपको एरियाज को डिफाइन करना होगा, उनकी तरफ जो है वो तेजी से मूव करना होगा। तो एफिशिएंट लाइटनिंग टेक्नोलॉजी ने इस वक्त जो है वो इस पर बहुत काम हो रहा है, जैसे मतलब सोलर पैनल वगैरह, ये सिस्टम तो बहुत पुराने भी होते जा रहे हैं लेकिन इसमें और बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें काम हो। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द नेक्स्ट, ये ध्यान में रखें कि आज नहीं तो 4-5 साल बाद 10 साल बाद दुनिया चेंज होगी व्हीकल्स के हवाले से, और अमेरिका में तो चेंज हो गया, बहुत तेजी से चेंज आ रहा है। नेक्स्ट करना यूरोप में भी, यूरोप के कंट्रीज हैं जहाँ पे बहुत तेजी से जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चलेंगे। इसी तरह से टेलीकॉम इंडस्ट्री में 5G नेटवर्क्स बिल्कुल कल की बात है, यानी कुछ जगहों पे उन्होंने नेस्टिंग शुरू भी कर दी है। और इसकी इस एरिया में आप अगर देखें, सबसे पहले एक बात ये समझ लें कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज एक टर्म यूज करते हैं, यानी सबसे पहले आने वाले का एडवांटेज, जिस तरह से कंपनीज में फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, इसी तरह से टेक्नोलॉजी में जो आप पहले इन्वे, आपका एक्सपीरियंस 5 साल का है और जो बाद में आ रहा है उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत फर्क है। तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को आप एक्सप्लोर कर लेंगे, उसकी एरिया को आप मतलब ऑक्यूपाई कर लेंगे तो आप मार्केट में इन हो सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, मशीन लर्निंग है, ये एरियाज है जिनमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, इसी तरह से ये कुछ और मैंने नेक्स्ट कीजिएगा नेक्स्ट। इसी तरह से आप लोगों ने काफी नाम सुना होगा, मैं डिटेल में इस वक्त नहीं जा रहा हूँ, मैं सिंपल रीड आउट कर देता हूँ। IoT एक ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर पाकिस्तान में बहुत गुंजाइश मौजूद है और इसके अंदर काम हो भी रहा है। भाई साहब हमारे यहाँ मौजूद है, उन्होंने बाहर स्टॉल भी लगाया है अपनी कंपनी का, वो IoT बेस्ड कंपनी है और आप उनसे भी सवाल कर सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं। इस तरह क्लाउड कंप्यूटिंग है जिसके अंदर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड की तरफ जा रहे हैं, यानी रीजनल एरियाज के ऊपर। मिसाल के तौर पे AWS है, उसका हो सकता है कि नॉर्थ अमेरिका में कहीं डेटा सेंटर हो, हमारा पाकिस्तान से जो एक्सेस कर रहा है उसको डिले आ सकता है, लेटेंसी आ सकती है, तो वो अब रीजनल बेसिस पे जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट की तरफ जा रहा है। एज टेक्नोलॉजी है, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, ब्लॉकचेन है कुछ थोड़ा सा, नेक्स्ट कीजिएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिएगा। ये सारे एरियाज है कि जिसके अंदर हमें फोकस करने की जरूरत है। और मैं थोड़ा सा ये बात कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो है इसमें लाजमी नहीं है कि आपका बैचलर जो है वो किसी खास स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी से ही हो। मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी हो सकते हैं और आप इन सारे एरियाज में काम कर सकते हैं। हो सकता है आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया हुआ, आप इन सब एरियाज में काम कर सकते हैं। इवन के आई नो द पीपल दोस डिड द मैकेनिकल इंजीनियरिंग और वो कंप्यूटर सिस्टम और इसकी तरफ आया और बहुत सारी चीजों में उन्होंने भी टेक्नोलॉजी को लीड भी किया। इस तरह के लोग भी मौजूद हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस एरिया को अट्रैक्ट करते हैं, नए ट्रेंड्स को किस तरह से आप फॉलो करते हैं, उसके अंदर आप अपनी जगह बनाते हैं। ट्रेडिशनल जॉब मार्केट अपनी जगह कुछ देर रहेगी भी, हो सकता है कि ये जॉब्स रिप्लेस हो जाए, बिल्कुल नई किस्म की जॉब्स आ जाए, तो आपको अपने आप को इस चीज़ों के साथ अपडेट करना है। ये सारे एरियाज हैं जो मैं स्लाइड शेयर भी कर दूंगा, वो ईमेल पे भी आपको मिल जाएंगी। और कोई मुझसे इससे रिलेटेड कोई भी गाइडेंस लेना चाहे, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, बस मैं अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। एक तो नेक्स्ट स्लाइड है प्लीज, ये बस मेरा ख्याल है कि आप जी सर मेगाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के हवाले से बताएंगे कि आने वाले 2 साल में किस तरह के ट्रेंड्स हो रहे हैं पाकिस्तान में और इंटरनेशनल?
मेकाट्रॉनिक्स मेरा एरिया नहीं है, सॉरी। ठीक है, रोबोटिक्स से लिंक कर रहा है। मैंने आपको गाइडलाइन जरूर दी है कि रोबोटिक्स में, लेकिन रोबोटिक्स में कुछ पार्ट ऐसा है ना जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो मैं उस साइड पे ही कुछ थोड़ा बहुत गाइड कर सकता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपका बैकग्राउंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और आप उसके मैकेनिकल साइड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो मैं उस पर कुछ नहीं गाइड कर सकता, लेकिन अगर आप रोबोटिक्स की प्रोग्रामिंग और रोबोटिक्स के अंदर किस सतह पे सॉफ्टवेयर काम हो रहा है तो ये बहुत हॉट एरिया है, इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, दुनिया में हर जगह हो रहा है। सही है, तो देखें दोनों अलग चीजें हैं। असल में टेक्नोलॉजी में मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं समझा सकूं, मुख्तसर ये समझे कि जहां पर भी आपको ऐसा लेजर चाहिए, ऐसा रिकॉर्ड चाहिए कि जिसकी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, जिसको आपने ऐसा स्टैंप लगाना है जिसको कोई फॉर्ज ना कर सके, सही है, वहां आपको ब्लॉकचेन यूज करना है। मिसाल के तौर पर ब्लॉकचेन की स्लाइड पे आएगा प्लीज। मिसाल के तौर पे जो है वो आपको यूनिवर्सिटीज का लेजर है, डिग्री और उससे रिलेटेड सारे मामले आते हैं, वो बहुत जरूरी ऐसा डेटा है कि जिसके अंदर कोई गड़बड़ ना कर सके। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड है, आप ब्लॉकचेन पे ले जाए इंतहाई कम हो जाएगा, डुप्लीकेट फाइल्स का सारा मसला खत्म हो जाएगा, नामुमकिन है कि कोई ब्लॉकचेन में कोई मैनिपुलेशन कर सके। ठीक है, तो वो एरिया है ब्लॉकचेन का। AI is a different domain. Artificial intelligence बहुत different चीज़ है, तो वो फिर comparison नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है फर्दर कोई क्वेश्चन या ऑनलाइन अगर कुछ आप लेना चाहें, वरना फिर मैं ईमेल एड्रेस आप लोगों से शेयर कर देता हूँ अपना, फर्स्ट स्लाइड पे शायद मेरा ईमेल एड्रेस हो, वरना मैं बता देता हूँ hassan.jamil@nu.edu.in hassan.jamil@nu.edu.in। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, और आई होप कि कुछ ना कुछ मैंने शेयर डिलीवर किया। अराउंड 15 मिनट्स का ब्रेक है, उसके बाद जो है फिर मुलाकात होती है सर की नमाज के लिए। सर के बाद बैक ऑफ जाओ ना, नमाज के लिए जगह नीचे ही है, जैसे आप यहाँ से उतरते हैं तो फिर राइट साइड पे आप देखते हैं तो आपको नजर आ जाएगी सब वहाँ पे। आप देखा कि मुख्तलिफ इंजीनियरिंग के स्कोप्स क्या चल रहे हैं और उनके अभी के ट्रेंड्स क्या हैं, और ये भी हमने समझा कि अगर एक बहुत ही स्पेशल और बहुत खास बिरयानी हो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स बड़े शानदार हों, लेकिन उसको एक टूटी हुई और ख़राब तरीन प्लेट में अगर प्रेजेंट कर दिया जाए तो ये प्रेजेंटेशन कितना ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तमाम बातें सीखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, और ज़रूरी नहीं कि ये बातें आपको सिर्फ जॉब सीकिंग और इंटरव्यू के दौरान हेल्प आउट करें, बल्कि ये ज़िंदगी में भी आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी इंशाल्लाह। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं, और इंजीनियरिंग ट्रेंड्स को समझने के लिए और मज़ीद कुछ इंजीनियरिंग के हवाले से बात करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ बहुत ही एक्सपीरियंस इंजीनियर हैं और हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स में शामिल रहते हैं, डॉक्टर बशीर लाखानी साहब, कि वो स्टेज पर आएँ और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के हवाले से बताएं। कोशिश करूँगा कि जितना बिलीव कर सकूँ, मुझे वक्त की शिद्दत और उसका तंगी का अंदाजा हो चुका है, यूँ भी मेरे पास बहुत थोड़े से सिर्फ 5-6 स्लाइड है, तो ज़्यादा तो मुझे आपके सामने बात करनी, फिर आगे बढ़िएगा। जी मैं बेसिकली एक सिविल इंजीनियर हूँ और वाटर रिसोर्सेज इस स्पेशलाइजेशन, और डीके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इसमें वाटर बहुत। एक बहुत अहम बात यह है कि मैं अगर यहाँ सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, तो शायद जब हम बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें थोड़ा बहुत इंटरलिंक कर रही होती हैं। मैं अभी जो रिसेंट दो प्रेजेंटेशन भी दो के हवाले से मैं छोटी सी बात करूँ कि मसलन हमारे डॉक्टर साहब ने फरमाया था 7 जानकारी
एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भैंस कॉलोनी के लिए, तो 5 साल पहले इतफाक से हमने उसकी फिजिबिलिटी स्टडी बनाई है एक डच क्या कहते हैं फंडिंग कहते हैं। इसी तरह से क्या कहते हैं वेरी रिसेंटली हमने वापडा के साथ एक मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए एक प्रपोजल जमा कराया है, जो बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट जो है बादशाह और मेहमंद और तासू सा प्रोजेक्ट, जिसमें हम IoT और क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इनफैक्ट जब हम प्रोजेक्ट फील्ड में जाते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ हम इस्तेमाल कर रहे हो तो हमें ज़रूरत पेश आती है। पाकिस्तान की इस पर सुल्तान क्या है, ये वो स्लाइड है कि जो मैं पिछले 2 साल से पेश कर रहा हूँ, इसलिए कि हमारे साथी हमें मुझे 8 साल इस बात पर जिम्मत देते हैं। सिलसिला ये है कि आई वॉज वेरी होपफुल, खास तौर पर जब CPAC के मामला चलना शुरू हुए और इसके हमें अंदाज़ा था कि हम बहुत तेज़ी से इसे कहते हैं कि तरक्की के दौराहे पर जाना शुरू कर देंगे बहुत तेज़ी से शाहरा पर, लेकिन बदकिस्मती से जो काम हमने अंजाम दिया है वो ये है कि मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी यहाँ मौजूद हैं, कि लोड शेडिंग के तस्करे हम बहुत सुनते रहे हैं और इस हवाले से पावर जनरेशन पर खासे काम भी होते रहे, लेकिन आप में से कितने लोगों को बात मालूम होगी कि इस वक्त पाकिस्तान की पावर जनरेशन कैपेसिटी करंट रिक्वायरमेंट से 1.5 टाइम है, यानी आपकी ज़रूरत इस वक्त भी 23,000-24,000 से ज़्यादा नहीं बढ़ती समर के अंदर, लेकिन इस वक्त आपकी कैपेसिटी जो हो चुकी है वो 35,000 हो चुकी है। उसके बावजूद भी लोड शेडिंग भी होती है, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए कि हमने जब 8 से 5 साल पहले, मैं सिर्फ इस हुकूमत को इल्ज़ाम नहीं देता, हम सबका मामला ये कि हम आसान चीज़ें जिनमें शायद मुमकिन है कि कमीशन अच्छे मिलते हों उनकी तरफ पहले भागते हैं और मुकम्मल प्लानिंग नहीं करते। CPAC का आपने नाम सुना होगा, CPAC पे जब काम शुरू हुआ पूरे पाकिस्तान में तो CPAC सिर्फ रोड्स का या एक राहदारी का नहीं था, बल्कि उस राहदारी के अलावा बहुत सारे इंडस्ट्रियल जोन बन रहे थे और इंडस्ट्रियल जोन के लिए बहुत पावर चाहिए थी आपको, और इंडस्ट्रियल जोन की ज़रूरत इसलिए थी कि हम अगर हम ग्वादर से या कराची भी एक बहुत अहम पॉइंट है, उसमें हम अक्सर लोगों नहीं मालूम ग्वादर ही है, कराची उसके एक बहुत अहम नोड है। कराची से और ग्वादर से जब वो चाइना कुछ मटेरियल आता है इंटरनेशनल जाता है तो बहुत से इंटरनेस्ट कहेंगे क्या ज़रूरत है, इवन चाइनीज इंटरेस्ट कहेंगे कि हम चाइना ले जाएं, वहाँ तैयार करें अपने प्रोडक्ट्स और उसके बाद दोबारा इसी रास्ते वापस भेजें, क्यों ना ऐसी रोड कराकर इंडस्ट्रीज में अपनी इंडस्ट्री लगाएं, और एग्जैक्टली यही होना था और यही होना चाहिए था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स इस कदर शुरू हो गए कि उस सीरीज का पहला जो इंडस्ट्रियल जोन डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट दाबेजी इंडस्ट्रियल जोन, जो अभी शायद इस पर करंट से कहते हैं कि टेंडरिंग के फाइनलाइजेशन स्टेज पर और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में थोड़ी सी पे बात भी करूँगा, तो बात यह है कि ये ऐसा क्यों हुआ कि हमने रोड के कॉन्ट्रैक्ट धड़ाधड़ अवॉर्ड कर दिए बनना शुरू हो, उसके अलावा हमने पावर जनरेशन के जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बने थे, प्राइवेट कंपनीज बने थे, वो हमने अवॉर्ड कर दिए, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रॉब्लम ये है कि फिर आपको परचेज करनी है, आपका ज़रूरत हो या ना हो जो एग्रीमेंट के मुताबिक आपको उसकी कैपेसिटी 4 अरब रुपये करने हैं, और हम उस एरा में दाखिल हो चुके हैं, वो एरा है कि जो मेरी तरह वो लोग जो इन हालात से वाकई में पिछले 2-3 साल से शोर मचा रहे हैं, अल्लाह के बंदो क्या करने जा रहे हो, हमें खौफनाक और मुझे वाकई अपनी खौफ आता है कि कैसे दौर में दाखिल हो गए कि वो जो अब नाम सुना होगा सर्कुलर डेप्थ, जब आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, आप अगर आप 35,000 मेगावाट पावर की अगर 35 में से 30,000 की पेमेंट कर रहे होंगे, आप 4-5,000 बचाने के लिए शायद अपने एफिशिएंट प्लान पर अपन कर देंगे, खुद अपने प्लान है, लेकिन 30,000 की पेमेंट आप कर रहे होंगे जबकि प्रोड्यूस तो आप 22-23 कर रहे होंगे। दो काम जो होने चाहिए थे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होनी चाहिए थी और ट्रांसमिशन का काम होना चाहिए था, ट्रांसमिशन सिस्टम आदमी हमारा अल्लाह रहम करे क्या कहते हैं, हमने जहाँ जहाँ पूरे मुल्क में हमने पावर जनरेशन के प्लांट मिला दिए लेकिन नहीं किया। तो ये एक ऐसा सवाल है कि इतने बहुत बड़ा सवाल के जो हमने चीज़ सोची थी कि क्या हम उसके मुताबिक हम काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं,
और उसने आइंदा आइंदा की उसमें चीजें अभी ठीक होती है और इसलिए मैं नॉट वी आर स्टिल क्रॉस बोर्ड दोहराहे पर कि हमें तरक्की के रास्ते पे जाना है या तरक्की के ऊपर बहुत तेजी से जाना है खुदा ना खास साहब हम अभी भी संभले के और मालूमा के दिन आप पावर मतलब हमें कॉस्ट थोड़ा रेशियो हो जाए या सब डेप का रेशियो हो जाए जो आप पे ही ना कर सके तो हम ना करने का कंडीशन हो गया लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगले तीन सालों को अच्छा इस्तेमाल कर लिया और आपने इंडस्ट्रियल जोन पर बढ़ने पर तवज्जा दिया आपने और साथ साथ क्या कहते हैं पावर ट्रांसमिशन के अभी तक भी पावर ट्रांसमिशन के बड़े प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं हुए निषेध नहीं हुए जो जरूरी है ये आपने काम कर लिया इंशाल्लाह ऐसे दोहराए पर इंशाल्लाह दौड़ेंगे तो सिर्फ तरक्की का रास्ता हुआ तो हम यही दुआ कर सकते हैं इस पर कि हम किसी सही ट्रैक पर जा सकें इस वक्त इसी का नतीजा ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो भी रही है हो भी है और होने भी है रोड से हाईवेज है एनर्जी पावर पॉइंट की मैंने बात करी ट्रांसमिशन है और इंडस्ट्रियल जोन है ये सारे के सारे जो है इसे कहते हैं इसमें बहुत पोटेंशियल है बहुत गुंजाइश है इधर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज जी नेक्स्ट प्लीज मैंने इस पर क्वेश्चन मार्क इसी लगाया था मैंने बात कर ली इस पर ठीक है अब ये ग्रोइंग सेंट्रल पाकिस्तान में जो है इस पर जो है इन सबके साथ रखते हम देखते हैं तो जो कंज्यूमर गुड्स हैं फास्ट मूविंग है वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो पिछले पाँच साल में 80% इंक्रीज और मजीद तेजी से इंक्रीज हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा रहने सहन का वो हर वो चीज़ जो पहले लग्जरी होती थी वो जिंदगी का लाजमी हिस्सा बनती जा रही है पहले एक बार अगर किसी ने फ्रिज खरीदा तो मानो अगले 20 साल तक जो चलना है अब ये सारी चीज़ें भी एक तरह से डिस्पोजल बनती चली जा रही है और इसकी मिसाल है क्या कहते हैं कि नोकिया ने अपना मोबाइल बड़ा मजबूत बनाया नाकाम हो गए एक जमाने में अगर आप जिन लोगों ने 2000 के शुरू में कंप्यूटर मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू हो गया क्या था 3031 है ना हाँ 31 बहुत मजबूत लेकिन क्या बना उसका क्या कहते हैं लोग क्या बिल्कुल पीछे रह गया इसने को उतना मजबूत बनाया गया अगले की जरूरत बच नहीं आती और सैमसंग जो है आप 1.5 लाख का भी मोबाइल लीजिए आप 2 साल के बाद प्रॉब्लम करना शुरू कर देते हैं तो ये जो है जो कंज्यूमेबल गोड्स और फिर ये क्या कहते हैं जो डिस्पोजेबल वाले आइटम्स कॉन्सेप्ट जो है इसने बिल्कुल तब्दील किए तब्दील कर दिए जरूरत बहुत बदल गई है क्या तो ये हमें समझना चाहिए इन चीज़ों को इंफ्रास्ट्रक्चर में इस वक्त ये वैसे घोड़ा काम हुआ है इस वक्त हाउसिंग सेक्टर में और बिल्डिंग्स में बहुत एक साथ बहुत सारे काम शुरू हुए और उसके नतीजे में अचानक इंजीनियर्स की डिमांड जो है और अब ठीक है शुरू में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ती है लेकिन इसके साथ साथ फिर ये सब जानते हैं कि जब इंजीनियर्स की डिमांड बढ़ेगी फिर वहाँ प्लांट लगे गए फिर गुड्स भी आ गए फिर इक्विपमेंट भी आएंगे फिर मशीनरी भी आएगी तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो बुनियाद ऊपर इंजीनियर की बुनियाद है जो इतनी दूर इसी पर उनकी जरूरत पेश आती है वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है इसलिए इस वक्त भी बहुत शदीद जरूरत है हम 1975 उसके बाद से अभी तक पाकिस्तान में जो है कोई बड़ा रिजर्वायर कंप्लीट नहीं हमारी पानी की रिक्वायरमेंट तेजी से बढ़ी आबादी कई गुना होगी और हम जो रिजर्वायर कैपेसिटी जो है वो लिटिल चल रही है अब उसमें काम शुरू हुआ है अब शुरू काम शुरू हुआ है इस वक्त तासुर भी काम हो रहा है तजला में भी काम है तजला एक्सेशन भी काम हो रहा है और भाषा में भी काम हो रहा है और कई उसमें एक तो पानी की वॉल्यूम मकदार एक क्वान्टिटी और उसके साथ साथ उसकी क्वालिटी चूँकि हमने अपने पानी का सत्यानाश कर दिया हम जो है इंडस्ट्रियल गैस जो है अनट्रीटेड फेंक रहे हैं पूरे मुल्क में और डाउन स्ट्रीम हम उसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं पीने के लिए इंडस्ट्रियल गैस और डोमेस्टिक गैस आपने सुना होगा करके शहबाज शरीफ के हवाले में और अब भी कुछ बारिश हो गए हैं पंजाब में साफ पानी के नाम से कई प्रोजेक्ट हुए जो बाद में हाइडल वेयरों के केसेस बने हुए वो सारे और मैं उसमें भी लोगों से कहता रहा कि ये अप्रोच गलत है अगर उन्होंने प्रोजेक्ट अवॉर्ड नहीं किया इसलिए मैंने उनको कॉन्सेप्ट डिफर किया मैंने कहा का पापा से बहुत बड़ी कंपनी है कंपनी का आपका कॉन्सेप्ट बताएगा आप पानी गंदा करें आपके तक साफ करें नहीं आप वाटर फिल्ट्रेशन के प्लांट बाद में लगाइएगा आप पहले वेस्ट वाटर और इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो है उसकी ट्रीटमेंट कीजिए आप और उसको एम्प्लॉय कीजिए के लिए आप ये गंदा पानी जैर जमीन ही फेंकेंगे नहरों में और दरियाओं में नहीं छोड़ेंगे आप क्योंकि अल्टीमेटली सारा वाटर बॉडीज में ही जाता है ना EPA के रूल्स है कि वाटर बॉडीज में डिस्पोजल की क्या कंडीशन होनी चाहिए पानी आप वाटर उसको नहीं करें लेकिन एक आप आइंदा दिनों में वाटर ट्रीटमेंट वाटर फिल्ट्रेशन और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसके बेशुमार काम इस वक्त भी आए हुए हैं और आ भी रहे हैं ठीक है ना और पावर जनरेशन तो हमें अंदाजा क्या कहते हैं बहुत पावर जनरेशन हो चुकी है सर और मजीद होनी है अभी
उन्होंने बताया 35,000 तक तो कैपेसिटी बन चुकी है और मजीद कम अज कम 10,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स पाइप लाइन में इस वक्त पब्लिक और ये सारे के सारे जरा क्लिक कीजिएगा ये सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिकली शुरू थी पहले पावर सेक्टर से फिर पावर से फिर रोड सेक्टर में आए रोड सेक्टर से अब वाटर सेक्टर में आ गई है यानी गवर्नमेंट नहीं चाहती अपने पास से कि इन चीज़ों को पैसे खर्च करें पब्लिक इन्वेस्टर खर्च करेंगे और उससे कमाएंगे 25,000 पैसे कमाएंगे ये अब इसका एक फ़ायदा भी कह रहे हैं नुकसान भी कह रहे हैं इंजीनियर्स कह रहे हैं जो काम करना चाहते हैं जो मेहनती है क्या कहते हैं एक प्राइवेट जो है जो फसलें के इलेक्स के तब तक के एसी थी और सरकारी थी उसमें तो सिफारिशें भी मिलती है बेशुमार लोग थे पोलिटिकल पार्टीज ने भर्ती करवा दी थी कराची वाटर बोर्ड में बटन पक्की के थे प्राइवेट में तो लाख रिप्रेजेंट कर जाएंगे वो तो कहेंगे भी अपना भाई भी काम नहीं कर रहा मुझे निकालो जवाब दे कर दो तो यानी आपको अपने आप को पूरा कंप्लीट कंप्यूटर बनाना पड़ेगा आप इसमें सर्वाइव कर सकें और आप भी चाहता है कि जो आप जो आपको दे रहे हैं उसे कई गुना ज़्यादा कमा के दे रहे हो आप ये बहुत अहम चीज़ है अब आइएगा मैं क्विक क्विक जो है हर सेक्टर वाइज बात करूँगा सिविल इंजीनियरिंग जो है इस पर वाटर रोड्स और बिल्डिंग बिल्डिंग से मैंने बताया कि अपने इस वक्त बहुत काम हो रहा है बिल्डिंग से हाउसिंग के बेशुमार प्रोजेक्ट जो है कई महंगा टाउन आपका जिस नाम सुना होगा आपने बिल्कुल बन पड़ा होता था पिछले 8-10 महीने से बहुत तेजी से काम शुरू हो चुका है पी एच एस स्कीम बहुत तेजी काम हो रहा है उसका आस्था का रूल देखें तो बेशुमार स्कीम है गवर्नमेंट के अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं जो कितने 50,00,000 घर वाले 50,00,000 कम है कम अज कम बेशुमार प्रोजेक्ट जितनी सहूलतें दी गई हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब बूस्ट करती है तो उसके साथ बेशुमार इंडस्ट्री लगेंगे सिविल इंडस्ट्री जो है टेक्निकल से डाली है वो करेगी मैकेनिकल इंजीनियर्स का वहाँ आएंगे स्टील इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी और इसके बाद भी अब इसमें जो है कहते हैं जो इंजीनियर्स सिविल इंजीनियर्स के जो स्कोप है वो ये कहते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन के लिए प्रोजेक्ट प्लानिंग और डिज़ाइन के लोगों को पढ़ना डालते हैं पढ़ने के शौकीन यानी मुझे आज इंजीनियरिंग 30+ हो गए आज भी हमारे टेबल पर जो है इंजीनियरिंग की किताबें जो है वो सारी मौजूद हैं चूँकि डिज़ाइन में जो आप कहते हैं प्लानिंग लेते हो तो किताबें जानी छोड़ती हैं आपका और आपको मैथमेटिकल में एनालिटिक्स स्किल्स में बहुत अच्छे लगे पहले की जब आप सोच रहे हो तो देखेंगे जब आप सिविल इंजीनियर हैं और इफ़ यू वांट टू गो फॉर प्लानिंग एंड डिज़ाइन तो मेक श्योर क्या कहते हैं ये गुड एनालिटिक्स स्किल्स आपका जो है मिजाज जो ज़्यादा आसानी में ठीक है आपको अच्छा लग सकते हैं अदरवाइज बेहतर है गो पर क्या कहते हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन एंड सुपरविजन साइंस पर ठीक है ना जो हम कंस्ट्रक्शन में और कॉन्टेंट मैनेजमेंट में करते हैं और इसके बाद जो है फिर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा काम जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में क्या है सिविल इंजीनियर आपको देखते होंगे अक्सर मैसेज आ रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज के जी आप हमें अपना सीवी दीजिए पहले बड़ा आसान था कि एक जो कॉन्ट्रैक्टर जो थे बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्टर काम होते थे आपकी लिस्ट में जो रिक्वायरमेंट है कितने इंजीनियर उनके पास होने चाहिए वो कोई भी दिखा देते या आपसे सिविल लेकिन अब चूँकि पी सी ने सिस्टम कर लिया कि कोई भी एक इंजीनियर एक से कंपनी में हो ही सकता और पूरा डेटा खोलिए तो यहाँ तक अभी बड़ा मुश्किल हो गया कि इंजीनियर हायर कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम है सकता हूँ क्या करते हैं एग्जीक्यूशन में बेशुमार इंजीनियर्स का प्रोजेक्ट मौजूद भी है और लोग हायर भी किए जा रहे हैं और इसके बाद क्या कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तो है ठीक है ना आइए ना अच्छा सॉरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इसमें मैंने बताया कि पावर जनरेशन और ट्रांसमिशन में बहुत काम इस वक्त है और उसमें यूटिलिटी पावर से लेकर बैटरी सिस्टम तक है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन जो है ना वो तो बहुत ही अहम एरिया है अब कराची में बेशुमार जो लोड शेडिंग होती है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं अब हमारे यहाँ पाकिस्तान में सिस्टम ही हो चुका है एक ज़माने में वापस सारे काम करती थी के कराके सारे काम करती थी अब ऐसा नहीं है क्या कहते अब पावर जनरेशन कंपनीज अलग है प्राइवेट कंपनीज है नेपरा का रूल है वो पावर बेचती है क्या कहते हैं सिस्टम को वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लेती है बट अब ट्रांसमिशन कंपनी बीच में आएंगी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आएंगी तो ये हर एक अपना अपना जो है ना डोमेन है और उसी लिहाज से वहाँ पर जो इंजीनियर्स की वहाँ खपत भी और जरूरत भी क्या कहते हैं और इसके बाद क्या कहते हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उसमें भी लाजमत है कि सारे इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट्स हैं क्या कहते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन सब के जो इक्विपमेंट की मैनुफेक्चरिंग है कम्युनिकेशन इंडस्ट्री जो है वो ज़्यादा इस पर बात भी हो चुकी है तो कुछ क्या कहते हैं इंडस्ट्रीज में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की मेंटेनेंस है यूटिलिटीज है और फिर इन सब की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है जो सारे बड़े प्रोजेक्ट उस पर हो रहे हैं यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है लेकिन ये ना हो क्या तो उम्मीद समझते हैं कि मैं बेशुमार लोग इंटरव्यू करता हूँ जी हम प्रोजेक्ट मैनेज जाना चाहते हैं अल्लाह के बंदे आप जरूर जाएंगे लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए मेरे प्रोजेक्ट्स को समझना जरूरत है ना पहले आपके पास 8-10 साल का एक्सपीरियंस आए आप ये नहीं हो सकता कि आप पहले दिन जाके या दो साल के एक्सपीरियंस में मैनेजर बन जाए आप लेकिन मैनेजमेंट की स्किल्स वो है तो हम इंजीनियर्स में बहुत कम खराब होती है
हमारे इंजीनियर बहुत अच्छे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत अच्छे डिजाइनर होते हैं, बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, ठीक है, लेकिन एक रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स बहुत कम लोगों की इंजीनियर ये स्किल बहुत अच्छी होती है रिपोर्ट राइटिंग की। ठीक है, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि शायद जब तक मैं पाकिस्तान में था एनडीए पढ़ने के बाद भी बहुत अच्छी, हम अपने बॉस से कहते हैं कि आप मुझे ड्राइंगे बनवा लें, आप मुझे डिजाइन करवा लें रिपोर्ट, वो कहते हैं लखानी देखो तुम कहते सीनियर हो गए तो मैं रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी, और हकीकत में ऐसे ही होते हैं ना। अलहमदुल्ला आपको जब अमरीका से मास्टर्स पी एच डी किया वहाँ चला लिखना पड़ा लिखाना पड़ा, जो हमारा एक कमजोर पहलू है, और मैं चाहूँगा कि बिंग इंजीनियर जो है आप अपनी इसको बहुत स्किल्स इन स्किल्स को रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स को और वही चीज़ पर आपको लीड करेगी मुझे मैनेजमेंट डिजाइनिंग, ठीक है ना। ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लास बात है कि सबसे अच्छी इस वक्त भी जो है हाईली पेड डिसिप्लिन है इंजीनियरिंग का, और जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज हम निकल गया मेरा पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल में जाएगा ना उसमें बात ही नहीं करना है। मेरा ख्याल शायद पाँचवीं नहीं है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर आगे बढ़िए चले मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो है उसमें भी जैसे कहते हैं कि जो करंट पोजिशन जो है एक जानब तो टिपिकल मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ा है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए वो सर्विसेज का एरिया है, यानी सर्विस सेक्टर पहले एक जमाने में था कि बेचना और आफ्टर सेल सर्विस करना जो ये सारे नॉन इंजीनियर्स का काम है, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब उनको भी अंदाजा हो गया कि सर्विस इन सर्विसेज में बेचने के लिए भी और आफ्टर सेल सपोर्ट देने के लिए भी सबके लिए इंजीनियर्स की जरूरत है, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को लिए आप सोच सकते हैं कि ये भी एक एरिया है, उसमें लाजम है कि आपको कम्युनिकेशन की स्किल बहुत अच्छी आपकी होनी चाहिए, आपकी रिपोर्ट की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, बातचीत आप अच्छा करना चाहते हो, और दूसरे के फिर आप इंडस्ट्रियल ऑपरेशन जो है, और एक बड़ा फर्क है कहते सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में मैं कहता हूँ कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अगर आप किसी इंडस्ट्री में चले आते हैं जो रनिंग इंडस्ट्री है, तो इंडस्ट्री चाहे कॉटेज इंडस्ट्री हो चाहे बहुत बड़ा प्लांट हो क्या कहते हैं, आप अगर सही परफॉर्मेंस कर रहे तो प्लांट भी चलता रहेगा और आप भी काम करते रहेंगे, लेकिन एक सिविल इंजीनियर जो है हम प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, तो सिविल जो है कोई बड़े से बड़ा रोड बन रहा हो या क्या कहते हैं जो है डैम बन रहा हो, ठीक है ना, बराबर से कंप्लीट होना है और फिर मुझे अगला प्रोजेक्ट तलाश करना है, तो बस ये सब चीज़ें मैं कहते हैं कि इसका वक्त मैं आपके सामने रह सकता हूँ, उम्मीद है कि और सबसे अहम बात लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि बराबर अल्लाह ताला ही है क्या कहते हैं कि जो सारा रिस्क देता है और वही सबसे कमी और अजीज है, उससे उम्मीद रखें कोशिश करते रहें और अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो आपका रिस्क आपका है वो आपसे कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको सही रास्ते में सही दिक्कत में मिलेगा। थैंक यू। और फिर उसको प्रूफ भी किया है, और कभी उन्होंने खुद प्रूफ किया है, कभी वक्त ने उनको प्रूफ कर दिया। आपकी भरपूर तालियों में मुस्तफा अहमद साहब। अच्छा, आप लोगों से मोहब्बत इतनी है कि यार गर्मी में ये वेस्ट कोट पहनते हैं, इसके पीछे भी कहानी है, ठीक है, ये चप्पल, ये कभी शलवार एंड दिस वेस्ट कोट ऑफ जामावर और फॉर दैट यू गाइस। अच्छा, उससे पहले मुझे ये बताएं कि जो लास्ट दो सेमिनार्स हुए थे करियर गाइडेंस के बाय पीईएफ, वो कितने लोगों ने अटेंड किए हैं लास्ट से लास्ट ईयर केएसबीएल 2019 आई गेस, जब हमने सफर का आगाज किया, कितने लोग थे? तब आपको याद थी मैंने कहा था कि हमने एक स्टार्टअप लॉन्च किया है क्लोथिंग ब्रांड बाय द नेम जॉनम, जिसमें शायद एक या दो फ्लैट्स थे लास्ट ईयर जो हुआ कोविड-19 से थोड़े से दो महीने पहले, वो कितने लोगों ने अटेंड किए? तब हमारी फैक्ट्री के फ्लैट्स की तादाद आई गेस 4 या 6 हो गई, और आज अ डिफरेंट स्टोरी, समथिंग न्यू टू शेयर विद यू गाइस। कहने का मकसद यह है कि इवेंट का नाम है करियर गाइडेंस सेमिनार, कहीं भी ये लिखा है जॉब गाइडेंस सेमिनार। मैं पिछले 10 साल से कराची ता खैबर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में फ्रीलांसिंग एंड जॉब्स के अगेंस्ट सेमिनार्स करता हुआ, बिकॉज आई हैव एन एजेंडा एंड दैट एजेंडा इज एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेशली फॉर इंजीनियर्स, बिकॉज यू गाइस डिजर्व समथिंग फार मोर
than what you are actually aiming for. यानी कि school इसलिए ताकि अच्छा college इसलिए ताकि अच्छी university और अच्छी university service भी है ताकि अच्छे resume लिख सको. And then finally the ultimate goal of your life is finding a job. आज मेरी यार ये जरा YouTube लगा और YouTube पे जो है आप लोग जॉनम हेड ऑफिस ओपनिंग सेरेमनी द ऑर्गेनाइजर्स फॉर द ऑर्गेनाइजर्स. अच्छा कहने का मकसद ये है व्हाई डू आई ऑलवेज टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप व्हेन इट कम्स टू यू गाइस. तीन साल पहले जब हमने क्लोथिंग ब्रांड का आगाज किया जिसका सफर आज कहां तक पहुंचा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस बिल्डिंग में 15 फ्लैट्स थे उसके 10 से 11 फ्लैट्स नाउ इज अ जॉनम प्रॉपर्टी फुल फ्लैश फंक्शनल फैक्ट्री ऑफ जॉनम क्लोथिंग ब्रांड. नेशनल स्टेडियम के पास हमारा एक पूरा हेड ऑफिस आउटलेट है. डिफेंस स्पेस 1 गोल्डमार्ट 2 शॉपिंग मॉल पे वन ऑफ द रिफाइनेस्ट बीस्पोक आउटलेट एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लॉन्च हो चुका है जो पूरी तरीके से ऑटो पायलट है. आई एम नॉट देयर. कमर जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो उधर नहीं है. मुस्लिम अजीज जो मेरा बिजनेस पार्टनर है वो उधर नहीं है. हम पीछे से मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और वो आउटलेट कोई और एक एम्प्लॉई इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द फाइनेंशियल द सेल्स अफेयर्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग ऑफ दैट आउटलेट. और कहानी यहां तक नहीं रुकती. पंजगुर which is the border city linked with Iran ke jahan yahan tak ki street lights bhi Iran provide karta hai wo bijli ki street lights mein hoti hai udhar hamara pura ek bahut bada outlet launch ho chuka hai. And after Eid jo Eid ul Adha hai Turbat aur Quetta ka irada kiya hai. Turbat aur Quetta ke baad Karachi mein mazid 3 branches banne wali hain. So it's a long story but the question is when we started jaise Nazam. Thank you so much for the kind Nazul Jonu. When you start something, people will tell you, you can't do it. मेरे hashtag है अपनी life का hashtag you can't do it. जब हमने सिलाई कढ़ाई का start किया तो हमारे दोस्त ये मामूली दोस्त नहीं है. ये CA certified, ACCA certified, बड़े बड़े पोस्टों पर काम करने वाले लोग bank manager, CFOs, यार ये तो कई चक्रों में पड़ गए. You've got a break. मेरी एक software house firm है STC Network के नाम से. मेरा जो business partner था उसकी Zonk की franchise थी. दूसरा तीसरा job कर रहा था मुस्लिम मजीद. तो मैं सारे खानदान वालों ने कहा कि तुम engineers हो के and you're into a clothing brand. तुम अब कुर्ते बनाओगे लोगों की, कमीज सलवार बनाओगे. They didn't have the idea of what we were imagining. हम करना क्या चाह रहे? We had a single agenda and that is we won't be doing business. We are going to start a startup that can be completely autopilot within a span of 10 years ताकि हमारे जाने के बाद हमारी नस्ल को वो मेहनत नहीं करनी पड़े जो हमें करनी पड़े ताकि बिजनेस इतना खड़ा हो चुका हो कि उसको मैनेज करने में रिमेनिंग जनरेशंस निकल जाए. एंड व्हाट हैपेंड आज मेरे आधे से ज्यादा एनआईटी के जो क्लास फेलोज हैं वो दुबई में है या सऊदी अरेबिया में. दे आर नॉट मैरिड. एक दोस्त मुझे परसों मिला जिसने मुझसे कहा कि मुस्तफा मेरी 13 लाख अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट कर दूं. वो एक टीपीएस बहुत बड़े फर्म है वहां काम करता है डेवलपर है. मेरी 13 लाख सैलरी है लेकिन महीने के आखिर में मेरी जेब में कुछ भी नहीं बचता. मेरा एक दोस्त जो सिंपाड़ी साइंस स्कूल में एलेवन में मेरे साथ था वो MIT से उसने ग्रेजुएशन की. माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहा था पर उसके बाद गूगल में गया. वो मेरे पास आता है हर साल जब भी मिलता है. ये बात मैं बार बार कह चुका कि मुस्तफा यू नो व्हाट एट द एंड ऑफ द मंथ यार कुछ बचता ही नहीं है. बिकॉज एज योर एक्सपेंसेस इंक्रीजिंग एज द लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजिंग योर लग्जरी इंक्रीजिंग सो डज द स्पेंडिंग. तो इफ यू डोंट हैव अ लुक्रेटिव फॉर्मूला कि मैं अपनी अर्निंग्स को कैसे सेविंग्स में और सेविंग्स को कैसे एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं कि जो मनी क्रिएशन में चला जाए जो पैसा बनाए बर्बाद ना करे. मेरे पास अगर आज करोड़ है तो मैं 7 करोड़ की गाड़ी नहीं 7 करोड़ में एक नया ब्रांड लॉन्च करूं जो 100-150 नौकरियां दे जॉब क्रिएशन करे और वो पूरी तरीके से ऑटो पायलट हो जाए. कल तक जो लोग हमें 4 लाख रुपए का उधार नहीं देते थे आज वो 40 लाख उधार देने के लिए हेड ऑफिस आते हैं और कहते हैं व्हाई आर यू गाइस नॉट कमिंग टू अस. वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू विद द इन्वेंटरी एंड विद द स्टॉक. लेट्स डू इट टुगेदर.
different brands come to the head office asking us कि आप अपनी inventory पे हमारा product डाल दें। यही मिसाल इम्तियाज की है। कल तक इम्तियाज vendors के पास जाता था कि यार मेरे पास तुम सामान रखवाओ, वो माल कैश पे उठाता था, आज उसका एक स्टॉल जो है वो लाखों में बिकता है। और वहां अगर मुझे भी अपना प्रोडक्ट रखना होगा तो पहले मुझे वो जगह खरीदनी होगी, उसका रेंट पे करना होगा, उसके बाद बड़ा सा वेयरहाउस में जगह लेनी होगी, फिर अपना माल रखना होगा, उसकी पूरी बार कोडिंग करनी होगी, फिर बना बनाया केक प्लेट में रख के इम्तियाज को देना होगा। एंड देन इम्तियाज विल प्रोवाइड मी विद द सेल्स। आर गेटिंग माय पॉइंट? क्वेश्चन ये है कि अपने जिंदगी में एक फैसला आज आप लोगों को करना हो। अब ये मैं उतार सकता हूं बिकॉज आई शो यू गाइस द वेस्टकोट, विच इज द न्यू एडिशन इन द जॉनम इन्वेंटरी। पहले हमने कमीशन वार से स्टार्ट किया, देन वी मूव टुवर्ड्स बलोची चप्पल, देन वी मूव टुवर्ड्स पेशावरी चप्पल, पर हम ब्रांडेड शर्ट्स की तरफ गए, अब हम इस तरफ आए व्हिच इज द लक्ज़री वे एंड इट इज द वेस्टकोट एंड द प्रिंस कोट एंड द शिवानी एंड देन द थ्री पीस सूट, नो एंडिंग टू इट। द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज स्टार्टिंग सम, द एबीसी ऑफ सम, द पार्ट व्हिच पीपल विल टेल यू यू कांट डू, तुमसे नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? कि कोई बंदा है सही रहा था उसमें। द वर्स्ट बायर आर योर सोशल सर्कल। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आप समझते हैं कि यार मेरा खानदान बहुत बड़ा है, मैं अगर स्टार्ट करूंगा तो सबसे अच्छे बायर जो हैं वो मेरे रिश्तेदार होंगे, ये आके मेरी चीजें लेंगी, ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी। सबसे बड़े स्पेक्टेटर्स आपका सोशल सर्कल। सबसे अच्छा बायर स्ट्रेंजर होता है क्योंकि उसकी कोई इमोशनल एंगेजमेंट नहीं होती उसकी आपके पास। उसका सिर्फ एक मतलब होता है कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए, आपका एक मतलब होता है मुझे कस्टमर सर्विस देंगे, दैट्स इट। अपना तो कहता है यार मुस्तफा गिफ्ट तो देगा, गिफ्ट कर करके दे देंगे, कंगले कर देंगे, लेकिन आपसे खरीदेंगे और वो क्या कहते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आपने कारोबार करना है, आपने अपनों की नहीं सुननी, आपने सबसे ज्यादा अपने क्लोज सर्कल की नहीं सुननी, और आपने इस बात पर कतन यकीन नहीं करना #YouCan'tDoIt। अगर मैं इंजीनियर हूं, आई एम एन इंजीनियर, आई डिड माय इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम मैनेटी यूनिवर्सिटी इन कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग, 10 साल में डिजिटल मार्केटिंग करता रहा, मैं प्रोफेशनल ब्लॉगर रह चुका हूं, मैं रिसर्च कर चुका हूं क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, 60,000 वर्ड्स की एट bitcoinscam.com, येट एट द सेम टाइम मैं डाल लिया व्हिच इज द मिनी लियाई। अगर किसी इंजीनियर जो पूरी जिंदगी ओ लेवल्स ए लेवल्स बैकग्राउंड से हो, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमता हो, एयर कंडीशन ऑफिस में हो, अपने हाथों से, आई वाज अ कीबोर्ड राइटर ना, ब्लॉगर था ना, कितना मजा आता है, अच्छा था, लैपटॉप हो, एसी चल रहा हो और बस आपने आर्टिकल्स लिखने, उससे कहा जाए कि गाड़ी बेचो, ऑफिस बेचो, सेविंग सारी निकाल दो और दालिया की छोटी छोटी पतली पतली गलियां, शांति नगर नेशनल स्टेडियम पर कितने लोगों ने देखा है? आप में से अगर कुछ लोग आएंगे, वो बहुत बदनाम जमाना इलाका, जैसे वहां चील चौक कहलाती है लियाई में, वहां हमारी चील चौक लालू करंट कहते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरिया है एवर। वहां जाके हमने पहला फ्लैट रेंट पे लिया, क्योंकि जो बड़ा काम करना होता है आपको लेबर के करीब जाना होता है, आपने वो डिस्टेंस कम करना होता है। जे डॉट की बाकी सबकी जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज है, पहले लालूकेत में थी, फिर कोरंगी में, अभी लाइन से कोरंगी में मिलेगी, या आपको लियारी में मिलेगी, या आपको दाल में मिलेगी। वजह, मेरे घर में दूध पत्ती मिलती है 45 रुपए, दाल में दूध पत्ती है 25 रुपए, टमाटर सस्ते, सब्जी सस्ती, रेंटल एक्सपेंस सस्ता, तो लेबर कहां रहेगा? एंड व्हाट इज द इंजन दैट रन्स अ बिजनेस, एनी क्लोथिंग ब्रांड? द लेबर, राइट? सो एट द एंड ऑफ द डे द वेबसाइट विल गिव अ क्लियर कट आइडिया ऑफ व्हाट द ब्रांड इज, and the outlets will give a clear cut idea of what the brand is actually producing, but jahan aap baithe hain wo aapka running engine hota hai, wo aapki taakat hoti hai aur aapko uske kareeb jana padta hai, to usi plate ke salan mein labor ke sath khana, we made our hands dirty because if you want to do something exclusive you need to come out of your comfort zone, aapko apne haath gande karne padenge, aapko apni neend खत्म करनी होगी, आपको एक्सपेक्टेशन छोड़ने पड़ेंगे, आपने ये जहन से निकाल देना है कि मम्मी डैडी की सपोर्ट है मेरे साथ, अंकल की, मामा की, ताया की सपोर्ट है मेरे पास साथ। आपको ये जहन बनाना पड़ेगा कि एक वक्त आएगा ये सब ताने देंगे।
Today, Alhamdulillah, Mustafa Kamal, Anees Khan Khani, Chairman Senate, Deputy Speaker, Protocol Officers, Brigadiers, Sardar, Nawab, Jatois, Maxis, jitne hai, Alhamdulillah, they're all customer base of John Clothing Brand right now. And one more thing, what helped Jonam to get over those 40 to 50 years of competition by the remaining clothing brands? ये बात तुम लोगों को समझनी है कि ये सिर्फ तुम कर सकते हो क्योंकि तुमने 18 साल तालीम हासिल की है जो एक लेबर के पास नहीं है. हमारा लेबर चाहे तो वो ये सब कुछ नहीं कर सकता. वो ब्रांड बनाए, वो मार्केटिंग किट बनाए, वो बिजनेस कार्ड बनाए, वो आउटलेट खोल ले और जो काम हम उनसे करवाते हैं वो खुद क्यों नहीं कर रहे हैं? एजुकेशन, हम ये काम उनसे क्यों करवा रहे हैं? स्किल्स, हमारे पास स्किल्स नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हिच इज द विनर? एजुकेशन. अगर तालीम ना होती तो ब्रांडिंग एंड फ्रेंचाइजिंग का कॉन्सेप्ट नहीं आता. हम उनके स्किल्स को यूटिलाइज करके, उनको एक टेंजिबल इंसेंटिव प्रोवाइड करके, उनके हुनर को इस्तेमाल करके 18 साल पे उनके 25 साल का तजुर्बा डाल के 50 साल एक्सपीरियंस पर मुश्तमिल ब्रांड नहीं बना पाते. बात समझ में आ रही है आप सबको? दुनिया में कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं. जब नोकिया का जैसे सर ने एग्जांपल दी तो समझ रहा था यार मुझे कौन बीट करेगा. स्मार्टफोन में सिर्फ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट था, इट वाज नॉट दोस कीपैड, इट वाज अ स्क्रीन टच पैड. कीपैड से टच पैड की एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ने पूरा 20-30 साल करियर मिटा के रख दी. तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है, द मोस्ट इजीएस्ट थिंग एवर इज स्टार्टिंग अ बिजनेस. ये बात याद रखना, दुनिया में कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना दुनिया का आसान तरीन काम है. सबसे मुश्किल तरीन काम क्या है? उसको मैनेज करना. बड़े बड़े स्टार्टअप बनते हैं. नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर पे मेरा एक सेमिनार था जहां मैं जर्नलिस्ट को ट्रेन कर रहा था क्योंकि जर्नलिस्ट की भी हालत बहुत खराब है. And when I saw here, most of the speakers were motivating journalists to start their wheel of channels. Ab main jaise job ke khilaf hoon, main freelancing ke bhi khilaf. So I asked the audience right here, ki aapke 1 million subscribers ho jaye aur tab jaake YouTube aapka channel block kar de, ban kar de, demonetize kar. To aap ek lamhe pe road pe aa gaye ya nahi aa gaye? Bilkul us tarike se jis tarike se bank manager jiske paas Civic ki gaadi thi, एयर कंडीशन घर था, लग्जरियस सब फ्लैट था और उससे अच्छा बंदा बैंक्स को मैनेजमेंट को मिलता है और वो उसको रिप्लेस करके उसको डाल देते हैं, या खुदा ना खास्ता वो रोड पे चल रहा है उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी सैलरी जर्द खाएगी जीरो से. फ्रीलांसर आज कमा रहा है, मेरे P4 पकाओ बाकी सब जितने भी है सारा मेरा फ्रेंड सर्कल है. तुम लोगों से मैं बार बार सिर्फ एक ही बात करता हूँ कि आज मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, आज एडसेंस की रेवेन्यू आ रही है, कल खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है आपके साथ तो आपका बूढ़ा बाप आपका यूट्यूब चैनल चला सकता है? आपकी छोटी सी बेटी आपका यूट्यूब चैनल चला सकता है? आपकी बेवा बीवी वो यूट्यूब चैनल चला सकती है? सो व्हाट इज रॉन्ग? द कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. इट्स नॉट बिजनेस, इट्स अ हॉबी. जब आप किसी हॉबी, किसी हवाई रोजी को बिजनेस का नाम देते हो तब जाके गड़बड़ होती है. मेरी रिसेंटली शेख इमरान हुसैन से मुलाकात हुई. आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं? द राइटर ऑफ जेरूसलम इन द कुरान, द फाउंडर ऑफ एस्किटोलॉजी इन इस्लाम. उनसे मैंने पूछा कि सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज जॉब वर्सेस जॉब और बिजनेस, आपको अगर इन दोनों में से कोई ऑफर देता तो आप क्या करते? उन्होंने कहा नेवर एवर अ जॉब, never ever dedicating my creativity to a firm for a fixed wage salary in rupees. A rupee जो आज एक ऊंट खरीद सकता है तो चंद सालों के बाद एक उनके अल्फाज हैं गधा खरीद पाए और उसके चंद सालों बाद एक दुम्बा खरीद पाएगा और उनके चंद सालों बाद एक मुर्गी. और ये सच है. आप सच सच बताओ कि जो लोग आज से पहले सिविक V8 1.8 जो 20 लाख की गाड़ी की खरीद पा रहे थे आज मजबूर हो गए छोटी गाड़ियों पे या नहीं? क्योंकि सिविक जो 20 की थी आज 40 की होगी. डीवैल्यूएशन बिकॉज़ द फियट करेंसी इज अ फेक एंड बोगस करेंसी.
आपको कभी स्कूल यूनिवर्सिटीज में मनी वर्सेस करेंसी का फर्क नहीं पढ़ाया जाएगा। ACCA स्टूडेंट से पूछ लो यार मनी वर्सेस करेंसी का फर्क क्या है, उसको नहीं है पता। मैंने अभी 2 हफ्ते या शायद 1 हफ्ते पहले अपनी छोटी सी बेटी को 1 तोला सोना खरीद के दिया। मैं चाह सकता उसके लिए आईपैड लेता, उसकी सेविंग से उसके लिए कुछ और लेता। मैंने उसकी अम्मा से कहा कि इफ यू हैव गॉट मनी डोंट सेव इट इन योर बकेट, इंस्टेड बाय गोल्ड, because gold is a real currency, it never devalues with time, it never loses its purchasing power. और जब बहुत सारा पैसा आ गया तो ज़मीन खरीदो। So becoming successful in life is never following a social trend created by the corporate industry. किसी जमाने में काले गुलामों को कश्तियों में बिठा के साइडों पे लेके जाया जाता था, आज देख लो जो Africans उधर थे आज दुनिया के किस किस locations पे नहीं पाए जाते। The Browns in America, the people living near the Makran coast in Pakistan, and each and every bird jahan British ki colonies thi, ye kya thi? Labors thi. Inko salt diya jata hai, salt namak diya jata hai, because namak was a commodity. Us salt ko aaj naam diya gaya hai kis cheez ka? Salary. Meri baatein talakh hain, lekin haqeeqat par mabri hain. Main 3 saal pehle aaya tha ki business start kar. Tab meri 4 machines thi, 2 flats thi, 5 mulazim thi. आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 मुलाजिम हैं, 10 से 11 फ्लैट्स हैं, डिफेंस में हेड ऑफिस है, नेशनल स्टेडियम पे हेड ऑफिस आउटलेट है, और पंजगूर में बहुत बड़ा आउटलेट लॉन्च कर चुके हैं, और अब क्वेटा की तरफ हमारा रुख है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर यही मुलाकात होगी और रिमेनिंग स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा। बात बताता हूं, कारोबार का मतलब एक शेफर्ड। हर नबी हर साहबा को हर नबी को शेफर्ड क्यों बनाया? क्योंकि वो एक बकरे को पालता है, ब्रीड करता है, उस एक बकरे बकरी से बच्चे होते हैं, इट मल्टीप्लाइज 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, इट गोज ऑन एक्सपोनेंशियली। शुरू में प्रोसेस स्लो होता है, कर्व इज लाइक दिस एंड देन इट गोज लाइक दिस। जॉब का कर्व यू होता है एंड देन इट रीचेस अ ब्रेक इवन पार्ट जिसको हम कहते हैं रिटायरमेंट, पर उसके बाद आहिस्ता 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 आहिस्ता, और यही कर उसके बच्चों का होता है, और जिसका बिजनेस कर होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है लाइक दिस। उसकी आने वाली नस्ल जो है ना उसको किसी स्टार्टअप से गुजरने की जरूरत नहीं है, वो बिजनेस एम्पायर इतना बड़ा होता है कि उसको मैनेज करते करते सेकंड जनरेशन की जान निकल जाती है, और सेकंड जनरेशन की मेहनत किसको हेल्प आउट करती है? थर्ड जनरेशन, एंड इट गोज ऑन। सो द रीजन द वडेरा द लैंडलॉर्ड्स एवरी सिंगल मैट्रिक पास टुडे is hiring the engineers today is because they know the difference between money versus currency. No institute will ever teach you that. Remember this thing. This is illegal to be taught. आपको कभी gold standard, classical gold standard के बारे में, Nixon shock के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको हामिल आजा को मुतालबे पर अदा करेगा नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको आने वाला रजा वाके जो अभी राष्ट्र करें क्रिप्टो करेंसी बना रहा है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा, I don't want people to record it, लेकिन I am a person who prepared for COVID-19 in 2017. जो चीज COVID-19 का 2020 में लोगों को पता चला, मैं 2017 में अपने रिसर्च में लिख चुका हूं। So when you do business, you know what's coming up next. आपको पता होता है, आपको scenarios का पता होता है, global elite क्या कर रही है, आप पहले से तैयारी कर लेते। आप अपने assets, अपने wealth को leak होने से बचाते हो, और आप उधर अपनी एनर्जी से इन्वेस्ट करते हो, बिकॉज़ द रियल मनी इज एनर्जी, कि वो चीज आपको बचा पाए। मैंने 60,000 ऑफ वर्ड्स की रिसर्च लिखी है क्रिप्टो करेंसी पर, बिटकॉइन स्कैम डॉट कॉम पे, और उसके पहले पेज में लव्स है 2020, दैट द आइडिया ऑफ क्रिप्टो करेंसीज एंड डिजिटल करेंसीज एंड एब्सोल्यूट फाइनेंशियल एनस्लेवमेंट एंड स्टेट डोमिनेशन विल स्टार्ट इन 2020. And be prepared. I sold my car. मैंने अपनी कार बेची, गाड़ियां बेची, चीजें बेची, कैट सारा निकाला और दर्द में गलियों में चला गया। मुझे पता था मुझे ब्रांड स्टार्ट करना था, लेकिन पहले सीखना जरूरी था, तो सारे पैसे एकदम से नहीं डाल दिए, 10 फ्लैट एक साथ नहीं लिए, पहले एक फ्लैट लिया आहिस्ता 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 आहिस्ता, एंड देन वी केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। सो दिस स्टोरी कैन गो ऑन टिल मॉर्निंग, बट आई वुड लाइक यू गाइस टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू मे हैव, एंड रिमेंबर वन थिंग, tawakkul and ikhlaq and the future is all about you. The reason why engineers today are, or the journalists today are a little depressed is lack of tawakkul. Hum darte hain, hum dar khate hain koi business start karte ho.
हमें डर लगता है यार, मैं 10 लाख लगा दूं और कुछ ना हो पर कैसे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा? जो अल्लाह अपने नबी को कारोबार की तरफ, सारे कारोबारी थे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु उस्मान अल-मरी, और सबसे ज्यादा इस्लाम को फैलाने में मदद भी बिजनेस वालों ने की है। जब पानी को पीने को पानी नहीं होता तो कुआं किसने खरीदा? जिहाद बगैर पैसों के नहीं हो सकता, मस्जिद की ईंट बगैर पैसों के नहीं लग सकती। इट इज द बिजनेस, द ट्रेडिंग कम्युनिटी दैट हेल्प्स पीपल। चिनियों की मेमनी की कितने क्या वजह है इतनी इज्जत है? पूरा बिजनेस बेल्ट लैंड और वटेरा क्या है? वो खुशकिस्मत था कि अंग्रेजों को दो में उसको हजारों एकड़ की जमीनें मिली, तो उसको टेंशन नहीं है। लेकिन क्या उससे आगे बढ़ नहीं सकते? आप बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज उसके बच्चों के पास तो मैट्रिक पास, आपने 18 साल की एजुकेशन हासिल कर ली है। नाउ इज द टाइम टू एग्जीक्यूट, और थोड़ा सा ब्रेक लगा लो, सोचो एंड देन स्टार्ट इट, बिकॉज स्टार्टिंग समथिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट थिंग, मैनेजिंग इट इज द रियल चैलेंज। थैंक यू सो मच जॉन। Brother, someone came for a job offer recently. We are recruiting people for the customer service, for the invoicing, for the data entries. A guy came forward who had done his BS, and I said, Mustafa, why shall I bring my CV? And I told him, dear, I have never ever created CV in my life and I am least interested in your CV. Come you because I want to see. और जो पहली बार आया और आते ही मुझे कस्टमर सर्विस के लिए चाहिए था, मैंने आते ही से इंग्लिश में बातें स्टार्ट, तो मुझे जवाब उर्दू में देगा और 2 मिनट में मुझे समझ में आ गया, is this guy right for the job or not? At the end of the day, 75% is the communication skills. मेरे पास सेल्समैन आया जॉब के लिए, ये बंदा, अब इस बात को जरा गौर से देखें, एक लड़की को हमने हायर किया फैक्ट्री को सिर्फ सफाई के लिए, 10,000 रुपए मैंने उसको दिए महीने के, 12 का, and I told him one thing, if you are a hard working, I will provide you with a machine, और अगर तुमने हुनर सीखा तो I will keep increasing your pay, that guy today is alhamdulillah making 40,000 rupees, वो करता क्या, उसका काम है ताज लगाना, उस पर ये बटन लगाना, और यहाँ जो एम्ब्रॉयडरी होती है हमारी वेस्टकोट्स में हमारे कपड़ों पे, वो तो 3 मशीनों से अलग उसकी अर्निंग आ रही है, बेसिक सैलरी उसकी अलग है, और अगर वो किसी सूट की पैकिंग करता है तो उसके पैसे अलग है। सो एज द बिजनेस इज इंक्रीजिंग, सो विल हिज पे। व्हाई? उसने तवक्कल की। उस वक्त मेरे पास 40,000 नहीं थे, मैंने उसको क्या कहा, अगर मेहनत करोगे तो मैं आने वाले दौर में तुम्हें और, सो द तवक्कल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाकी आप जो बात मैनेजमेंट की कर रहे हो, यार कारोबार में हमने अल्लाह को क्यों फोर्थ पार्टनर बताया, ये बात मैंने आपको बताई, हमारे 3 पार्टनर से चौथा अल्लाह की जात है। हमने इंश्योरेंस अल्लाह से करवाई, मुझे अब तक मैंने, मेरे पार्टनर्स को हटा दो, सिर्फ मैंने तकरीबन 4 लाख रुपए गवाए, हर पार्टनर ने अलग गवाए। चार सदा गया नमक मंडी में, जब कप्तान वाले से मैं ये पेशावी चप्पल का ऑर्डर प्लेस करवाने जा रहा था, वो हमारा कोलैबोरेटर है, तो मुझे कसमें, अल्लाह की कसमें खा के एक बंदे ने लेदर भेजा कि ये लो मुस्तफा भाई, ऐसा लेदर पूरे पाकिस्तान में नहीं। मैं लेके गया मस्तूम बलूचिस्तान, वहां मुझसे मेरा कारीगर कहता है, ये क्या लिया है, तो कागज है, फाइबर है, उसने फाड़ दिया मेरे सामने, and I literally wasted thousands of rupees. पर एक आउटलेट हमने गुलशन इकबाल में बनाया, उसकी पूरी तरीके से तैयार किया, उसकी टाइलें तोड़ी तो अंदर से तारे निकल रही थी, जो ऊपर जो बंदा रहता था उसकी जाती तार हमारी मीटर में कनेक्टेड। 3 लाख रुपए मैंने कहा भाड़ में जाए, बजाय 25-30 लाख रुपए यहाँ बर्बाद करने के, काम रोक। लेकिन हुआ क्या, फायदा क्या हुआ? अल्लाह ने मेरा 3 लाख का तो नुकसान होने दिया, लेकिन 25 लाख का नुकसान रोक दिया। Are you getting this point? वक्त के साथ साथ आप ठोकर खाओगे। Business is like a speed breaker. गलतियां speed breaker की तरह। मुझे एक बात बताना, अगर आप एक रोड पे जा रहे हैं, आपको पता है कि यार सिग्नल फ्री है, दूर दूर तक जहन में नहीं आ रहा कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, लेकिन अचानक से आ गया तो हाथ पांव फूल जाएंगे, दोबारा ये थॉट माइंड में आएगा कि अगला स्पीड ब्रेकर नहीं हो सकता, पर आप एहतियात से चलाओ तो अगले स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी और हल्का झटका खाएगी और उससे आगे, सो झटके खाए शुरू में, अब पूरी तरीके से तैयार है, अब हमें पता है कि भाई कहीं भी स्पीड ब्रेकर आ सकता है, तो एहतियात से चलो। सो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डूइंग। If you don't start, if you don't do something, how can you learn it?
and never be afraid of mistakes, because every mistake is a speed breaker that is simply giving you an alert. Be conscious, be active, and don't make a mistake again. So treat every mistake as a speed breaker. That's it. अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए तवक्कल और अखलाक, ये दो चीजें अगर आपके अंदर मौजूद हैं, सो यू कैन विन द सिचुएशन। खूबसूरत बात कर रहे थे हमारे सामने। अब हम क्विकली अपने क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ बढ़ेंगे और इसके बाद वी हैव गॉट 8 मिनट्स। इसके बाद इंशाल्लाह हम मगरिब की नमाज के लिए वक्फा लेंगे और मगरिब की नमाज के बाद इंशाल्लाह आपके लिए डिनर और नेटवर्किंग का सेशन है। तो मैं गुजारिश करूंगा ऑर्गेनाइजर्स से यहाँ पे दो चीयर्स। और हमारे पैनलिस्ट हैं इंजीनियर हुमायूं कुरैशी और डॉक्टर हसन जमील। The floor is up to you. बहुत सारी चीजें आज सुबह से हम सब ने देखी हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस किया। आखिरी सेशन तो बहुत ही मोटिवेटिंग था। मैंने भी अपनी कंपनी खोली है इतने साल के बाद, 3-4 साल पहले। स्टार्टअप है, लेकिन मेरा तजर्बा ये है कि बिल्कुल जो भाई ने कहा कि आप मिस्टेक्स करेंगे, तो मैं भी सीख रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मोटो ये है कि स्टेइंग पावर होनी चाहिए आप में। अगर आप में स्टेइंग पावर है तो आप हिमालय पहाड़ भी चढ़ सकते हैं। अगर आप कहें बिजली बहुत जाती है तो जो लोग UPS बेच रहे हैं उनके तो बहुत अच्छे हालात हैं। अगर पानी जो है नहीं आ रहा है, और पानी की ऐसी चीज़ें ऐसे इंजीनियर्स बना सकते हैं जिससे पानी बच सकता है, जैसे रात को मोटर चलानी होती है ऑटोमेटिक चला दी, उनके लिए तो बड़ा अच्छा जॉब है। तो हर जगह अल्लाह ताला जहाँ एक दरवाज़ा बंद करता है, 4 दरवाजे खोल रहा होता है। हम वो बंद दरवाजे के पास खड़े होकर रो रहे होते हैं और वो 4 दरवाजे नहीं देख रहे होते। तो भाई ने अभी जो बातें बताई ये सिर्फ आपके सोचने की है। सिर्फ नौकरी के ऊपर नहीं जाए, मैं फिर कहूँगा नौकरियाँ कम से कम होती चली जा रही हैं और ज़्यादातर जॉब जो हैं वो ऑटोमेट हो रहे हैं। ATM मशीन है जहाँ ब्रांच बैंक कुछ खुलती थी, वहाँ ATM मशीन लग जाती है, उसमें ट्रांजेक्शन सब कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ सेल है, मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ें इधर उधर कर दी, लेकिन नई चीज़ें आ रही हैं। अगर आप सोलर का देखें, भाई जो केमिकल इंजीनियर थे उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ दिए थे। सोलर आ रहा है, इतनी तेज़ी से आ रहा है, जैसे जैसे बिजली की कीमत बढ़ेगी और बढ़ेगी, क्योंकि ये के इलेक्ट्रिक और ऑयल कंपनी इन सब का तरीका है ये करने का, तो जैसे जैसे चलती है आपकी सोलर की अगर आप कंपनी खोलें, आप थोड़ा सोचें उसमें। आप इंजीनियर हैं, आपके डिज़ाइनर हैं, आप बंदे को रखें, एक दोस्त मिल के कुछ करें। आप इसको करेंगे, मेहनत करेंगे, भागेंगे, रातें लगाएंगे, जूते चटकेंगे, धूल मिट्टी होगी, डांटे सुनेंगे और लोग कहेंगे यू कांट डू इट, यू कैन डू इट। मेरी कंपनी आप अभी जाके जस्ट रेड से रेड और ब्लैक में आई है। किसी महीने प्रॉफिट होता है, किसी महीने जेब से लगता है। 14 साल है ये। तो इंशाल्लाह हमारी नीचे स्टॉल लगा हुआ है, भी आप देखिएगा। हम इलेक्ट्रॉनिक्स के IoT के प्रोडक्ट्स बनाते हैं। IoT एक रेवोल्यूशन आ गया है। ये सारी इंडस्ट्री में, पानी की इंडस्ट्री में, केमिकल में, ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, बिजली बचाइए आप मीटर्स हैं। ये क्या करती है, बेसिकली सेंसर बेस्ड है। आप कोई भी डिवाइस से आप डेटा रीड करते हैं और उसको क्लाउड पे और मोबाइल पे आपको दिखाते हैं, तो उससे आप एनर्जी बचा सकते हैं, पानी बचा सकते हैं, बिजली बचा सकते हैं। इस जगह फॉर एग्जांपल एक छोटी सी डिवाइस लगा दें मैं छत के ऊपर, वाईफाई से कनेक्ट हो और उसमें सेंसर हो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का और मूवमेंट का, तो मुझे इस कमरे के बारे में अपने लैपटॉप पे या क्लाउड के ऊपर नज़र आने लगेगा। बिल्कुल सिंपल सा अप्रोच है। आप ये डिवाइस बनाएं, आप घर में बनाएं, हमारा ऑफिस खुला है, आप आए हमारे पास। बहुत बच्चे आते हैं, हम उनको इंटर्नशिप्स भी करते हैं, और छोटा सा ऑफिस है लेकिन हम हाजिर हैं। आप नीचे आप सब स्टॉल पे सवाल करिए।
कोई और क्वेश्चन? जी बेसिकली मेरा नाम अब्दुल रहमान है, थर्ड ईयर स्टूडेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। बेसिकली मेरा सवाल ये है कि एक दफ़ा हम टूर पे भी गए थे तो किसी इंजीनियर ने मुझे बताया कि बीइंग इंजीनियर आपको मैनेजमेंट सीखना है, मैनेजमेंट आना जरूरी है। तो मेरा कंसर्न ये है जैसे कि हम लोग यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हैं, क्लासेस वगैरह में नॉर्मली जो हमारा रूटीन चल रहा होता है, तो वहाँ पर इतना खास एक्सपीरियंस ना होता नहीं है अगर ज़्यादा मैनेजमेंट वगैरह, तो क्या बीइंग इंजीनियर क्या मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट स्किल्स होना ज़रूरी है? क्या हमें मैनेजमेंट की एजुकेशन भी कंटिन्यू करनी चाहिए क्वेश्चन जिसकी फर्दर एजुकेशन इन मैनेजमेंट, जैसे पहले यहाँ से एक और सवाल आया था अजान का ब्रेक, अजान के लिए जरा ब्रेक लेते हैं, उसके रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जॉब में आप आ रहे हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप स्टार्ट ही मैनेजर से ले रहे हो, तो टाइमली आपने पहुँचना है। तो दोनों बातें होती हैं कि कुछ जगहों पर आप एक्सपीरियंस के साथ पहुँच जाते हैं ऊपर, मतलब जैसे मैं आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब इन 2004 and the CEO of my company was just bachelor's engineer, simple engineer, और अभी भी मेरे मुताबिक उन साहब की एजुकेशन बैचलर ही है, लेकिन वो टॉप लीडिंग कंपनीज के CEO रहे, अभी भी किसी कंपनी के CEO हैं वो। If I'm not wrong, Humayun साहब, he spent 31 years in IBM and different country, you were the country head as well, right? तो उसके बावजूद आपकी एजुकेशन सिंपल बैचलर थी, तो ये लाजमी नहीं है कि एमबीए आप करें। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आप समझते हैं जॉब के साथ आपकी रिक्वायरमेंट, आप जॉब के साथ करें। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि सिंपल जॉब करें, पहले बैचलर्स करते हैं ना, चार साल डिग्री काफी है। बिल्कुल ठीक है, चेंज ऑफ फील्ड के हवाले से मैं इस बात से एग्री करूंगा कि आप मैनेजमेंट मैनेजमेंट फॉरन शुरू तो नहीं हो जाती। आपने अभी पीछे हमारे भाई आए थे, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मुस्तफा भाई ने स्टार्ट किए बिजनेस, तो वो मैनेजर तो नहीं थे लेकिन वो मैनेज ही कर रहे हैं ना। देखो तो मैनेजमेंट ऐसी कोई अलग से चीज़ नहीं है, उसके कुछ स्किल्स हैं, उसके कुछ कोर्सेज हैं, और आजकल नेट का ज़माना है, आप जो चीज़ आपको नहीं आती सीखना चाहते हैं आप सीख सकते हैं, लेकिन अपने आप को पहचान है। दूसरा सवाल आपका ना करियर का, कि भाई मैंने गलती कर दी, अम्मा ने कहा था कि भाई तुम आजकल MBA वाले बहुत अच्छे हैं तो तुम MBA हो जाओ, वो भाई फलां का है बैंक में नौकर है, गाड़ी भी उसके आ गई, तो बैंक वालों को मिल जाती तो तुम्हारा तुम भी बैंक में चले जाओ, तो हम बैंक में आ गए। इस तरह से लोग होते हैं, हमारे यहाँ करियर ऐसे नहीं होते हैं कि बहुत ही कोई आपको साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से हो, ये नहीं होता। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप जिसमें भी आ गए हैं आप उसमें एक्सेल करें, यू बी दी बेस्ट। जैसे वो कह रहे हैं वो सफाई वाला था, लेकिन वो बेस्ट सफाई वाला था, उसको मशीन भी मिल गई, उसको और काम भी मिल गया, और काम भी मिल गया, उसने मेहनत करी, मेहनत और बी द बेस्ट हाईएस्ट क्वालिटी। हमारा PEF का भी यही मोटो है, एथिकल काम करेंगे हम, प्रोफेशनल एक्सीलेंस हम देंगे, प्रोफेशनल एक्सीलेंस, वी नो द फील्ड, हमसे बेहतर कोई नहीं होगा उस फील्ड में जिसमें भी हम जाएंगे। तो आप ये करेंगे लोग आपको बुलाएंगे, आपको अपनी तरफ बुलाएंगे, आपको बुला के नौकर रखेंगे अगर आपको जॉब देने, प्रोफेशनल एक्सीलेंस करें। आजकल कोर्सेज बनते हैं, अपना हर वक्त मुआवजा करें। मैं हर साल कुछ सीखता हूँ, मेरी उम्र 73 ईयर्स है, सितंबर में मैं 73 हो जाऊँ, तो इसलिए आपको भी हर साल कुछ सीखना है। अब IoT की नई फील्ड आई, मुझे लगा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, तो मैंने उसमें कदम रखा, कंपनी खोली और उसका पूरा बिजनेस प्लान बनाया और बच्चे खाए और सब चल रही है, चीज़ चल रही है। तो आज तक सीख रहा हूँ, यहाँ आता भी सीखता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ, तो ये चीज़ जहन में रहे। और चेंजेस ज़रूर आएंगे, जैसे हार्डवेयर में थे आप सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, फिर कुछ और चीज़ में आ जाएंगे, फिर कुछ और चीज़ में आ जाएंगे, ये चीज़ होगी ज़िंदगी में, तो ये ज़रूर होगा। लेकिन आपके अंदर एक मुस्तकिल मिजाज ही, आपका ऑनेस्ट और एथिकल बिहेवियर और डिटर्मिनेशन और स्टेइंग पावर आपकी रहेगी, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। बाकी अल्लाह ताला जो है, ये सब चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से होती है। आदमी समझता है कि मैंने बड़ा तीर मारा, लेकिन अल्लाह पे तवक्कुल करेंगे, अल्लाह ताला ज़रूर आपको देगा, आज नहीं देगा कल देगा।
मैं सोचता था मेरे बच्चे ये नहीं कर पा रहे हैं, क्या बात है, मैंने ये कहा था। 10 साल के बाद 20 साल के बाद मेरी बच्चे ने एक ऐसी बात कही कि मैंने कहा देखो ये वो बात थी, इसका मतलब वो थी वहाँ पर, उसका असर था। तो ये जरूर जहन में रखें, अच्छी चीज करेंगे आपको अच्छी चीज मिलेगी इंशाल्लाह। थैंक यू। एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड कर रहा हूँ, एक पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, फिर एक वाकया आप लोगों को सुना दूँ। पॉइंट ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, ठीक है, लेकिन मैं उसको जानता हूँ बहुत यंग एज से, मतलब वो जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था, उसका रुझान जो था वो शायरी की तरफ था, लिटरेचर की तरफ था। इंटरमीडिएट में उसको जब था तो उसने सारे उर्दू लिटरेचर के बड़े बड़े जो नाम है उनकी सब किताबें पढ़ रखी थी, लेकिन फोर्स कहता है जी हमारे खानदान में तो सब इंजीनियर बनते हैं तो तुमने इंजीनियरिंग करनी है। उसने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की 4 साल की डिग्री की। जब डिग्री ले ली तो उसने अपने वालदैन को कहा कि डिग्री मिल गई, इंजीनियर का लगाम लग गया, अब जॉब अपनी मर्जी की करूँ। फिर उसने 7 साल पहले में बीए कर रहा था उसके साथ, फिर उसने मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया और 7 साल जो है वो पहली जॉब उसने स्टार्ट की थी एआरवाई से, और इस वक्त वो जो वॉइस ऑफ अमेरिका को पाकिस्तान में लीड कर रहा है, जितना मेरे में कराची रीजन को शायद लीड कर रहा है, बहुत अच्छी सैलरी पे वॉइस ऑफ अमेरिका को जॉब कर रहा है। तो बात यह है कि आपको अपना पैशन ढूंढने की जरूरत है, आपको ये पहचानने की जरूरत है। मैं छोटी सी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। देखिए कामयाबी को भी ज़रा आइडेंटिफाई करें और क्लियर करें अपने जहन में, अर्निंग मनी इज नॉट द सक्सेस, सिर्फ पैसा आ जाना सक्सेस नहीं है, इसको अच्छी तरह समझ लें। देखें मिसाल के तौर पर ऐसे समझ लें कि एक कबाड़िया है जो कि कचरे का कारोबार करता है, ठीक है, हो सकता है वो कई लाख रुपए कमाता हो, लेकिन आप क्या कबाड़ी बनना पसंद करेंगे? नहीं पसंद करेंगे। क्यों भाई, क्या गलत है पैसे कमा रहे हैं? तो बात यह है कि आपने आपको आइडेंटिफाई करें, हो सकता है आपको कबाड़ बेचने में अच्छा लगता हो तो आप वो कारोबार करें, कोई गलत नहीं है उसमें, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे क्या आपकी वर्थ है, आप क्या कर सकते हैं उस काम में, आपको सेटिस्फेक्शन होती हो तो दैट्स एनफ। अगर आप जो है वो उसके अंदर खुशी तलाश कर लेंगे तो पैसा वर्थ नहीं करता। मैं पिछले संडे को एक पर्सनल ट्रिप पे एक स्टार्टअप है उसके ऑनर के साथ मैं पर्सनल गए घूमने, तो मुझसे कहने लगा कि सर कहाँ आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, इतने इतने इतनी सैलरी, इससे 4-5 गुना 2-3 गुना कम अज कम उसने बताई कि इंडस्ट्री में पैसे मिलते हैं, तो आप कहाँ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, आपने इतने मास्टर्स किया, पीएचडी किया है। मैंने कहा यार देखो बात सुनो, मैं इस फील्ड के अंदर इस वजह से नहीं हूँ कि पैसे मुझे कितने मिल रहे हैं, मैं इस फील्ड में इस वजह से हूँ कि आई डोंट फील टायर्ड। सही है, मैं संडेज को भी मीटिंग करता हूँ अपने मास्टर्स के स्टूडेंट्स के साथ या पीएचडी स्टूडेंट के साथ या रिसर्च की कोई मीटिंग होती है तो आई डोंट फील कि मेरे ऊपर कोई ऑफिस की तरफ से बोझ है। मैं रात को बैठा हुआ 10-10 बजे तक पेपर चेक कर रहा हूँ या मैं कोई और पढ़ रहा हूँ, कल सुबह क्लास है, नया सब्जेक्ट है मुझे पढ़ना है, ठीक है। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि वीकेंड पे भी मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन आई डोंट फील टायर्ड। बात समझ रहे, मतलब मैं अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हूँ, मुझे आई फील हैप्पी कि अगर मैं कोई नई चीज किसी को समझा देता हूँ, तो क्लास के अंदर अगर मैं कोई एक चेहरा भी चमकता हुआ देख रहा हूँ कि यार इसको समझ में आ गया तो आई थॉट कि मेरी जॉब बैन हो गई। तो बात ये समझे कि आपको सेटिस्फेक्शन किस चीज में मिल रही है, इसकी तलाश में भागे, इसके चक्कर में ना भागे कि फला एरिया में इतने पैसे हैं, फला एरिया में, किसी एक एरिया को पकड़े उसके साथ लग जाए, उस पर जाओ जॉब करें। एक बात मैं पॉइंट थोड़ा सा आखिरी ऐड कर रहा हूँ फिर हम खत्म करते हैं सेशन। आपको पता है कि हाथी कितना पावरफुल होता है, हाथी एलिफेंट, आप लोगों ने देखा कभी सर्कस में हाथी? किसी ने कभी कोई सर्कस देखने का है? हाथी को बांधा हुआ किस चीज से होता है? एक रस्सी से बांध देते हैं बाजों का। सही है, वो क्या रस्सी नहीं तोड़ सकता? तोड़ सकता है, क्यों नहीं तोड़ रहा वो रस्सी? माइंडसेट बना है। माइंडसेट पता है कैसे बनता है? वो हाथी जब पैदा होता है तो उसके पांव में रस्सी बांध के उसको एक दर के साथ बांध दिया जाता है और एक आदमी डंडे से उसको मारता है और वो पांव हिलाता है तो पांव नहीं खोल सकता। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू होता है, पहले उसको चेन से बांधते हैं, फिर वो पांव हिलाता नहीं हिल सकता, पांव हिलाता नहीं हिल सकता, फिर वो ये सोच लेता है कि ये पांव नहीं हिल सकता, जिंदगी भर के लिए सोच लेता है। सही है, आपने बचपन में अगर कुछ गलत सोच लिया या ड्यूरिंग द बैचलर्स आपने कुछ सोच लिया या बैचलर्स करने के बाद आपने कुछ सोच लिया कि शायद मैं ये नहीं कर सकता, तो ये आप वो हाथी वाला काम कर रहे हैं कि आपका पांव बंधा हुआ है और आप पूरी जिंदगी ये समझते हैं कि ये रस्सी आप नहीं तोड़ सकते। सही है, अल्लाह ताला ने आपको हाथी से ज्यादा ताकतवर बनाया, तो आप अपने पुराने सारे जो वहम, आपके पुराने जो भी जहन पे बोझ है उनको सबको उतारे, नए हिम्मत के साथ, नए जज्बे के साथ जो आप करना चाहेंगे दुनिया में आप कर सकते हैं। सही है, डाइवर्सिटी के साथ आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कोई आखिरी क्वेश्चन नहीं है तो बस मैं अल्लामा इकबाल के शेर पर खत्म कर रहा हूँ इसी से मुनासिबत से।
आपके अंदर जो ये फियर होता है ना, ये जब ऐसा बिजनेस जो किसी भी आप पान की दुकान भी कहें बिजनेस, आप थोड़ा सोचें वो चीज करें जो आपको जिसमें खुशी होती हो। जिन्होंने कई बार और भाई ने भी कही कि आप सुबह जाए ना तो जैसे आप दफ्तर जाते हैं, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो सुबह दफ्तर जाते हैं कहते हैं मैं पेट के लिए जा रहा हूँ, मैं पेट के लिए और अपने बच्चों के लिए जा रहा हूँ, मेरा दिल बिल्कुल नहीं लगता। ये बहुत खराब एम्प्लॉय है, ये थोड़े दिन में निकाल दिया जाएगा, इसका मैनेजर पहचान लेगा इसे। आप वो चीज करें कि जब आप सुबह जाए तो आप कहें मेरा दिल भी खुश है और मेरा पेट भी खुश है। ये चीज आप जहन में रखें। आप अगर आप वो बिजनेस करें, आप कहें यार मैंने ये देखा है, मैं इस तरह का शख्स हूँ, मैं इस तरह की चीजों में मुझे मजा आता है, मैं लोगों से मिलने से खुश होता हूँ, मैं जो हूँ मैं इस चीजों में, मुझे कंप्यूटर में मजा आता है, मुझे किताबें पढ़ने में मजा आता है। हर एक का मजा कोई और है, वो उसका दिल खुश होगा। जब उसका दिल खुश होगा वो बिजनेस करे, उसी का बिजनेस करे, उसी से पैसे कमाने का तरीका निकाले। जब वो खुश होगा तो कारोबार अच्छा चलेगा और उसको इंशाल्लाह हजार रोजगार भी अल्लाह ताला देगा। अच्छा एक बात भी समझ में, हर आदमी अपना मंजिल भेजेगा, ये बात भी आप अच्छी तरह इसी क्वेश्चन के आंसर में मेरे पास आएंगे ना, मैं कहूंगा कंप्यूटर साइंस इस वक्त बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। मुमाई साहब के पास आएंगे, ये कहेंगे आईओटी के बिजनेस में आ जाओ। जौनम वाले जो आए थे मुस्तफा, उनके पास आएंगे, वो कहेंगे कपड़े का कारोबार बहुत जबरदस्त है। आप बात समझे, पॉइंट गेट करें। जिसके पास आप डॉक्टर के पास जाए कहेंगे आप बेहतरीन जबरदस्त है, एमबीबीएस करो तुम, कहां पागल बन रहे हो। तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि जो आदमी जिस फील्ड में सक्सेसफुल है उसके लिए वो एक समंदर है, वो कहेगा नहीं यही काम है दुनिया में जो करने का है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने किसको फॉलो करना है। वहां बात की बातें पूरे दिन में सुनी है ना, पूरा मैं मुख्तसर ये इसका कंक्लूजन दे रहा हूं। आपने अपने आप को किसी एक जगह पर फिट कर लें, एक चीज के साथ चलें, हर एक चीज नहीं फॉलो कर सकते। कुछ लोग हैं जो वर्कर हैं, जो जॉब कर सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते, पूरी जिंदगी एंटरप्रेन्योर नहीं हो सकते। तो उन लोगों के लिए कोई कहे कि जी तुम एंटरप्रेन्योर बन जाओगे, नहीं बन सकते। लेकिन कुछ हीरे मौजूद होंगे जो एंटरप्रेन्योर ही बन सकते हैं। दूसरे को हीरा मैं ये नहीं कह रहा कि वो कम है जो जॉब कर रहा है, ये बात अच्छी तरह समझ लें। देखें आप जो काम कर सकते हैं अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन है। आप अपने एक क्लर्क की जॉब भी अच्छी करते हैं तो आप बेहतरीन क्लर्क हैं। आप एक छोटे से इंजीनियर के तो आप देखें, अगर जॉनम के अंदर कोई वर्कर ना हो, कोई कपड़े सीने वाला ना हो, वो गए एंटरप्रेन्योर बनना है, सबका एंटरप्रेन्योर, तो कौन काम करेगा। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि हर आदमी अपनी बात बताएगा, आपने अपने आप को किसी की चीज के साथ मैच करना है और अपनी चीजें फिट करनी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इस शेर के साथ अल्लामा इकबाल के, क्योंकि अब आपने काफी सारी बातें सुन ली है और अब एक नया जज्बा, कहते हैं खोल आंख जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, हैं तेरे तसर्रुफ में ये बादल ये घटाएं, ये गुंबद अफलाक ये खामोश फजाएं, ये कोह ये समंदर ये सहरा ये हवाएं, थी पेश नजर कल को फरिश्तों की अदाएं, आई है अय्याम में आज अपनी अदा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की समातों का, आप सबकी प्रेजेंस का। नमाज का ब्रेक, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटिंग ऑर्डिनर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।